अध्याय 1511 से 1515। । पैलेस मास्टर बिंगयुन शुई मेन के चले जाने के बाद यू चे मू बिंगयुन के सामने खड़ा हो गया। म्यू बिंगयुन ने कहा, संप्रदाय मास्टर ने मुझे ध्वनि प्रसारण के माध्यम से बहुत सी चीजों के बारे में बताया। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि आप वास्तव में एक शैतान सम्राट से ऐसा परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहे। मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूँ कि आप प्रसिद्ध ईश्वर बाल मसीहा बनेंगे जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वीकार किया है। आपका नाम हमेशा इतिहास के इतिहास में दर्ज किया जाएगा और स्नो सॉन्ग क्षेत्र भी आपकी महिमा में भागीदार होगा। ये ईमानदारी से कहूँ तो मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ शैतान सम्राट का बलिदान और हमारी सहायता करने की इच्छा थी। यू चे हमेशा एक बात के बारे में बेहद स्पष्ट थे, भले ही इस परिणाम का उसके साथ बहुत बड़ा संबंध था, और यहाँ तक कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने भी उसे हमेशा याद रखने के लिए कहा था कि वह वास्तव में दुनिया का सच्चा रक्षक था। इस परिणाम का सबसे बड़ा कारण जी युआन का अपना था इच्छा। आपने स्वर्गीय वत सितारा भगवान के लिए एक घर पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए गॉड चाइल्ड मसीहा का प्रभामंडल और अधिकार भी उधार लिया था। मुझे लगता है कि आपके उसके और बाकी ईश्वर क्षेत्र के लिए इससे अधिक सटीक परिणाम नहीं हो सकता है। मेरी ओर से आपको बधाई हो। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और वह सचमुच बहुत उथली थी। उसने म्यू बिंगयुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा कुल मिलाकर केवल कुछ ही बार देखा था। यू चे ने भावना भरी आह भरी, अगर उस समय पैलेस मास्टर बिंगयुन मुझे ईश्वर के दायरे में नहीं लाते तो आज का परिणाम साकार नहीं होता और मैं इस जीवन काल में उन्हें दोबारा नहीं देख पाता। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि पैलेस मास्टर बिंगयुन मेरे जीवन के महान दानदाताओं में से एक है। मू बिंगयुन ने अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया वह वही है जिसके आप हकदार हैं। अब से स्वर्गीय वद सितारा भगवान के अस्तित्व के साथ नीला ध्रुव सितारा एक वर्जित विषय बन जाएगा जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा और नीले ध्रुव तारे की सुरक्षा अंततः कुछ ऐसी होगी जिसके बारे में किसी को भी फिर कभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पैलेस मास्टर बिंगयुन, यू चे ने कहा, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ निर्देश है? आह, यह ज्यादा नहीं है, बस एक चीज है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए या शायद मुझे बिल्कुल भी नहीं याद दिलाना चाहिए, मू बिंगयुन ने शांत स्वर में कहा। यू चे, मू बिंगयुन ने पूछा, क्या आप ठीक से जानते हैं कि सेक्ट मास्टर ने आपके और ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की छोटी राजकुमारी के मामले पर आपत्ति क्यों नहीं जताए और यहाँ तक कि हर अवसर पर इसे आगे बढ़ा रहे हैं? वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि म्यू बिंगयुन ने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने जवाब देने से पहले कुछ देर तक सवाल पर विचार किया। सबसे पहले मास्टर ने कहा कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के पास पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति और अधिकार था और वह शुई मेन ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग की सबसे प्यारी बेटी थी। अगर मैं ग्लेज्ड लाइट दायरे का दामाद बनने में सक्षम हूँ तो यह मेरी वर्तमान स्थिति और भविष्य में मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे ही उन्होंने मू बिंगयुन के चेहरे के भाव को देखा, उन्होंने एक गहन प्रश्न पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा और भी कारण हो? मू बिंगयुन ने दूर की ओर देखने के लिए अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा घुमाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पूरे दिल से ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की छोटी राजकुमारी को कुछ सौंपा है। पूरे दिल से सौंपा? यून चे उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। इसका क्या मतलब है? उस समय शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की छोटी राजकुमारी आपके खिलाफ द्वंद्व युद्ध के बाद से ही आपसे मुगध हो गई थी। उसके पास स्पष्ट रूप से एक अतुलनीय रूप से ऊंचा दर्जा और स्वर्गीय सुंदरता थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, फिर भी उसने लगातार आपका पीछा करने का फैसला किया। एक ऐसे व्यक्ति की जो उस समय उसकी तुलना में असाधारण रूप से निम्न और हीन स्थिति वाला था। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्षों का अनुभव करने के बाद भी यह अभी भी नहीं बदला है। शुरू से अंत तक उसने कभी भी आपके संबंधित पदों या स्थितियों के बारे में परवाह नहीं की है और उसने कभी भी अन्य लोगों की परवाह नहीं की है। सोचा, उसे आपके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में कभी कोई शंका नहीं हुई या उसने आपके प्रति कोई झिझक या आरक्षितता नहीं दिखाई, बल्कि वह आपके प्रति अपने दृष्टिकोण में हमेशा बहुत आगे बहादुर और भावुक रही है। कोई भी दर्शक आपके प्रति उसकी अज्ञात भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होगा और आपको इसे सबसे स्पष्ट और तीव्रता से महसूस करना चाहिए। भले ही आप आग हो और वह बर्फ हो, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आपकी आग में पिघलने को तैयार होगी। यून चे ने मू बिंगयुन को लगातार घूर कर देखा। पैलेस मास्टर बिंगयुन, आप ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
भले ही सेक्ट मास्टर ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा हो। मुझे पता है कि, न्यू बिंगयुन ने कहा जब उसकी आवाज हवा और बर्फ के साथ नृत्य करते हुए धीरे से युनचे की आत्मा में चली गई। वह वास्तव में उसकी प्रशंसा करती है। युनचे, बात सिर्फ इतनी है कि उसकी किस्मत में लिखा है कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वह केवल अपनी वह छोटी सी इच्छा ले सकती है और इसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है ताकि वह पूरा कर सके, बल्कि एक महत्वहीन और क्षुद्र सपना। जैसे जैसे म्यू बिंगयुन ने ये शब्द कहे, उसकी आवाज नर्म और नर्म होती गई। वह मू जुआनन की बहन थी और वह व्यक्ति थी जो शरीर और आत्मा दोनों में उसके सबसे करीब थी, इसलिए वह भी थी जो उसे सबसे ज्यादा समझती थी। म्यू जुआनन ने पहले कभी उसे ये शब्द और विचार नहीं बताए थे, और वह भी पहली बार में ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उन्हें कैसे महसूस नहीं कर सकती थी। वह नहीं जानती थी कि युचे को ये बातें बताना गलती थी या नहीं। दरअसल उसे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक उसे ये बातें बताने का फैसला क्यों किया। ।। युचे के होंठ खुल गए। उसका दिमाग अचानक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मास्टर, वह मास्टर यह है। न्यू बिंगयुन भूमि, उसकी खूबसूरत आंखें बंद हो गई। मुझे लगता है कि उसे आपको पहले ही कई बार बता देना चाहिए था कि वह अब आपकी स्वामी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने उन शब्दों के पीछे के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझा है, या शायद आपने इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। ।। युचे का दिमाग अचानक गूंजने लगा। उसके व्यक्तित्व और जिन चीजों से वह बोझिल है, उसे देखते हुए ये तय है कि वह कभी भी सक्रिय रूप से उस कदम को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसलिए बर्फीली हवाओं में एक हल्की शोकपूर्ण आह निकली और मू बिंगयुन की आकृति पहले ही दूर गायब हो चुकी थी। उस बर्फ सफेद दुनिया के भीतर युचे अपनी जगह पर जड़ जमा कर खड़ा था, और इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसका शरीर पहले ही बर्फ की मोटी परत से ढक चुका था। शुई क्यानहेंग और शुई मेइन चले गए। शुई क्यानहेंग के आने का कारण ये था कि वह मू जुआनेन के साथ शादी की सही तारीख पर चर्चा कर सके, और वे अभी भी इसके बारे में युचे की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते रहे। जब युनचे ने फिर से आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल में प्रवेश किया, तो म्यू जुआनन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। शुई क्यानहेंग के आगमन ने म्यू जुआनन को आश्वस्त कर दिया था कि युचे के शब्द जरा भी अतिरंजित या गलत नहीं थे। दुष्ट शिशु, शैतान सम्राट और शैतान देवता, ये तीनों चीजें लगातार आई और उनमें से हर एक दुनिया की नजर में बहुत बड़ी विपत्तियां थी, फिर भी ये सब ऐसे ही शांत हो जाने वाला था। इसके अलावा इन सभी आपदाओं को युनचे द्वारा शांत किया गया था। वह खिड़की के सामने खड़ी हो गई और चुपचाप बाहर की दुनिया को देखती रही। युचे के आने के कारण वह पीछे नहीं मुड़ी और वह नहीं बता सका कि वह क्या सोच रही थी। युचे उसके पीछे आया और हमेशा की तरह आदर पूर्वक झुक गया। म्यू जुआनिन ने उससे शैतान सम्राट या दुष्ट शिशु के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उसने उदासीन स्वर में कहा, आपके और शुई मेइन के बीच शादी अगले महीने के अंत में तय हुई है। ये ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और सब कुछ ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र किंग द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। स्नो सॉन्ग क्षेत्र कोई भी आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा। केवल एक चीज जो आपको करने की जरूरत है, वह है अपने समय में से कुछ दिन अलग रखना। समझ गया, युचे ने उत्तर दिया। उसने जो कहा था उस पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही फेंग जुएर के साथ उसकी शादी की तारीख, एक तारीख जिसे उसके माता पिता ने तय करने में उसकी मदद की थी, उस तारीख से केवल 4 दिन दूर थी। सास, मनुष्यों का जीवन सचमुच व्यस्त था। तो फिर आप जा सकते हैं, मू जुआनन ने कहा। इस अवधि के दौरान आपको कई चीजें करने की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको स्नो सॉन क्षेत्र में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ।। युचे खड़ा हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया या छुट्टी नहीं ली। ।। म्यू जुआनन पीछे नहीं मुड़ी, लेकिन उसकी बर्फीली भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गई। युचे ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन वह पीछे की बजाय आगे बढ़ रहा था। वह और म्यू जुआनन पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए दो छोटे कदमों के साथ वह पहले से ही म्यू जुआनन के ठीक पीछे था। उसके बाद उसने अपनी बाहें फैला दी और उसे धीरे से गले लगा लिया। ।। विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनन का पूरा शरीर तेजी से अकड़ गया। वह संघर्ष करना भूल गई, बोलना भूल गई, क्योंकि घबराहट और भ्रम तुरंत उसकी बर्फीली आंखों में दिखाई देने लगा। उसके दोनों हाथों ने मू जुआनन की कमर को पकड़ लिया था और उसके ऊपरी शरीर को उसकी जेड पीठ के खिलाफ कसकर दबाया गया था।
यून चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और लालच से उस गंध को अपने अंदर ले लिया जो अकेले उसकी थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि बर्फ और बर्फ की वह स्वप्निल गंध उसकी नाक से सीधे उसके अस्तित्व के मूल तक प्रवाहित हो रही है, वह फुसफुसाया, जुवानाइन, मैं कुछ दिनों में वरिष्ठ शैतान सम्राट को विदा कर रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते उस समय के दौरान? वह उसे मास्टर नहीं बल्कि जुएनिन कहता था। अपने गुरु को सीधे नाम से संबोधित करना वास्तव में एक अपमानजनक और अपमानजनक बात थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने अभी भी मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं किया या युनचे को परास्त नहीं किया। इसके बजाय मू जुआनिन वहीं खड़ी रही, कठोर और गतिहीन। उसकी छाती अतुलनीय रूप से हिंसक तरीके से फूल रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसे कसकर आलिंगन और उसकी आवाज के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसके बारे में क्या ख्याल है? यूं चे ने फिर पूछा। उसकी कमर को घेरने वाली बाहें धीरे धीरे और चुपचाप कसती जा रही थी, और तब भी उसने उसे दूर नहीं धकेला था। यून चे का दिल और आत्मा एक सपने जैसी दुनिया में गिर गया, एक ऐसी कल्पना जिससे वह कभी जागना नहीं चाहता था। ठीक है, उसके होठों से जो उत्तर आया वह उसके पूरे जीवन में निकली सबसे धुंधली और सबसे धीमी आवाज थी। यूं चे ने फीकी मुस्कान दी। उसका बर्फीला और परी जैसा शरीर स्पष्ट रूप से सबसे ठंडी आभा से भरा हुआ था, लेकिन अभी इसने उसके शरीर को गर्मी की अविश्वसनीय रूप से विचित्र और नशीली भावना से कांपने का कारण बना दिया। यून चे ने और भी धीमी आवाज में कहा, मैं भी चाहती हूँ तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊं। हम वहाँ ईश्वर क्षेत्र में नहीं होंगे, इसलिए आप स्नो सॉन्ग क्षेत्र के राजा या मेरे स्वामी नहीं होंगे, आप केवल आप ही होंगे। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मू जुआनिन सहमत नहीं थी, लेकिन उसने उसे अस्वीकार भी नहीं किया था। दुनिया एक लंबी चुप्पी में डूब गई और दोनों लोगों ने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने शरीर भी नहीं खोले। ऐसे माहौल में जो हर गुजरती सांस के साथ और भी नाजुक होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह समय के साथ जम गई है, और बहुत लंबे समय तक ऐसा ही रहा। यह एक निश्चित क्षण तक जारी रहा, और फिर म्यू जुआनिन के शरीर से अचानक ठंडी ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा। चूंकि यून चे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका, वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया, इससे पहले कि उसका बट जमीन पर बुरी तरह टकराता। यून चे के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ और जैसे ही वह बोलने ही वाला था, एक महिला आकृति धीरे धीरे पवित्र हॉल के दरवाजे से अंदर आई। जैसे ही म्यू फिक्स्यू अंदर आई, उसने यून चे को बहुत ही अजीब तरीके से जमीन पर फैला हुआ देखा और म्यू जुआनिन जो उसकी ओर पीट करके खिड़की से बाहर देख रही थी। झुकने से पहले उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी और उसने कहा, ये शिष्य म्यू फिक्स्यू मास्टर का स्वागत करता है। मुझे अभी अभी 10 से अधिक ऊपरी तारा मंडलों द्वारा एक ही समय में भेजी गई शुभकामनाएं मिली, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको इसकी सूचना देने के लिए यहाँ आया हूँ। म्यू जुआनिन ने आखिरकार बगल की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, चीर, आप पीछे हट सकते हैं। हाँ, ये शिष्य अपनी छुट्टी ले लेगा। यूं चे जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जाने लगा। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके कदम अस्थिर थे। जब वह म्यू फिक्स्यू के पास से गुजरा तो उसने उस पर नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। किसी अजीब कारण से उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही वह पवित्र हॉल से बाहर निकला, यून चे ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसे अपने पूरे शरीर में राहत की एक अवर्णनीय अनुभूति महसूस हुई। मास्टर, यून चे के दिमाग में हेलिंग की आवाज गूंजी, आप और आपके मास्टर। वह केवल इतना ही कहने में सफल रही इससे पहले कि वह आगे बढ़ने के लिए बहुत डरपोक हो गई। यून चे को ईश्वरीय दायरे में वापस लाने के बाद उसने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि यून चे और मू जुआनिन के बीच का रिश्ता काफी जटिल था, लेकिन उसने कभी भी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि इसमें कुछ भी वर्जित शामिल था। लेकिन आज अभी अहम यून चे ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार और धार्मिक अभिव्यक्ति के साथ उसे सही किया। हेलिंग, मुझे स्नो सॉन क्षेत्र में लौटने के पहले दिन ही संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए उसने बहुत पहले ही मेरी गुरु बनना बंद कर दिया था। तो अगर कुछ होता है तो कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मास्टर सही कह रहे हैं, हेलिंग ने बहुत धीमी आवाज में कहा। यदि वह जैस्मिन होती तो वह अब तक उसे हजारों बार जानवर कह चुकी होती। चाहे मास्टर शेनशी से कब मिलने वाले हैं? हे लिंग ने कहा, काफी समय हो गया है और मैं बेचैनी की इस भावना से पीड़ित हूँ। यूं चे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शेनशी के बारे में उसे जो भी खबरें मिली थी वह ये थी कि वह एकांत में थी, लेकिन जैसा कि उन्होंने जिया क्विंग्यू को बताया था, शेनशी के बारे में उनकी गहरी समझ को देखते हुए उनके एकांत में जाने का मामला पहले से ही असामान्य था।
शेन शी को इस ब्रह्मांड में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हे लिंग की तरह उसे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि यह कोई तीव्र अनुभूति नहीं थी, फिर भी ये दूर नहीं हुई। वह उस दिन अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में ड्रैगन सम्राट द्वारा उसे दी गई नजर को भी कभी नहीं भूला था। शैतान सम्राट को विदा करने और जैस्मीन को ब्लू पोल स्टार पर वापस लाने के बाद आइए ड्रैगन गॉड दायरे की यात्रा करें, यू चेने किया ने यंत्र पर नजर डालते हुए कहा। वह हवा में उड़ गया और उत्तर की ओर चला गया। उसके बाद वह बैरियर से गुजरा और स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के अंदर उतरा। वरिष्ठ शैतान सम्राट से संबंधित मामला आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी की आखिरी चिंता है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि परिणाम क्या होगा तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। जैसे ही उसने खुद से ये शब्द बुदबुदाए, युनचे ने झील में छलांग लगा दी। उसका शरीर स्वर्गीय झील के पानी को छेदता हुआ तब तक नीचे तक नहीं पहुंच गया। इसकी गहराई तक पहुंचने पर उसने प्रकाश के नीला चाप का अनुसरण किया और एक बार फिर आइस फीनिक्स लड़की के सामने खड़ा हो गया। उसे पता था कि यह आखिरी बार हो सकता है जब उसने ऐसा किया हो। युनचे, तुम आखिरकार आ गए, मैं इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आइस फीनिक्स लड़की की आवाज पानी की तरह कोमल और कोमल थी, सपने की तरह मध्यम। उसने जी युआन की आभा को उसी क्षण महसूस कर लिया था जब वह वापस लौटी थी और इस गंभीर आपदा का विस्फोट उसकी अपेक्षा से भी पहले हुआ था। लेकिन उसके बाद प्रारंभिक अराजकता की आभा आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई और आज युनचे अंततः वापस आ गया था। ये तथ्य कि वह सुरक्षित और स्वस्थ था पहले से ही उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी। युनचे ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसने कहा, एमेन, मैं वापस आ गया हूँ। आप इस अवधि के दौरान वास्तव में चिंतित रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि एक खूबसूरत खबर आपके साथ यहाँ भी आई है। युनचे की मनोदशा को महसूस करने के बाद आइस फीनिक्स लड़की की आवाज और भी अधिक कोमल हो गई। हाँ, युनचे ने जी युआन की वापसी के बाद जो कुछ हुआ था उसे विस्तार से बताने से पहले अपने सिर को जोर से हिलाया। ये तब तक जारी रहा जब तक कि वह प्राइमल अराजकता और उसकी योजना से परे स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट की आसन वापसी के बारे में भाग तक नहीं पहुंच गया। उस मार्ग को हमेशा के लिए नष्ट कर देना जो प्रारंभिक अराजकता को उसके बाहर के शून्य से जोड़ता था। हेवनली झील का तल एक लंबे समय के मौन में डूब गया और उसके बाद आइस फीनिक्स लड़की की लंबी और भावनात्मक आह की आवाज आई। विधर्मी ईश्वर देव जाति में सबसे उदार और शानदार दिव्य प्राणी है। उन्हें ब्रह्मांड में सबसे सर्वोच्च अस्तित्वों में गिना जाता था, फिर भी उन्होंने भविष्य के लिए मोक्ष की आशा को पीछे छोड़ने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और जहां तक स्वर्ग में शैतान को हराने वाली सम्राट की बात है, वह इतनी शानदार और महान है कि कोई भी आश्चर्य से हनफने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विधर्मी ईश्वर उस समय के सृजन देवताओं में से एक के रूप में वास्तव में खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर देता। ये सिर्फ इतना है कि आने वाली पीढ़ियों को कभी पता नहीं चलेगा कि जिस शांतिपूर्ण दुनिया में वे रहते हैं वह वास्तव में उन्हें एक पति और पत्नी द्वारा प्रदान की गई थी जिसे वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। यदि देवता और शैतान वास्तव में मृत्यु के बाद देख रहे हैं तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोचते हैं। केवल वे ही नहीं, आप भी हैं, युनचे ने ईमानदारी से कहा। यदि आप समस्त सृष्टि के प्रति अपने प्रेम के कारण अस्तित्व से मजबूती से जुड़े नहीं रहे होते और मुझे वह सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो शायद हमें वह परिणाम प्राप्त नहीं होता जो हमने आज प्राप्त किया है। विधर्मी भगवान और उसकी पत्नी की तुलना में मैंने जो कीमत चुकाई है वह बेहद छोटी कही जा सकती है, लेकिन यह आप ही है जिसने एक नश्वर के रूप में लौटे शैतान सम्राट का सीधे सामना किया और अंततः इस संकट का समाधान किया। आप इस ब्रह्मांड में सभी महिमा और प्रशंसा के पात्र हैं। आप आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए ब्रह्मांड द्वारा स्वागत और स्वागत के पात्र हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे युनचे वास्तव में स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि शुरू से अंत तक उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि उनके प्रयास वास्तव में प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं थे। इस प्रकार मेरी चिंताएं और आसक्ति समाप्त हो गई हैं और मेरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मैं अंततः शांति से आगे बढ़ सकता हूँ। उसने वास्तव में ये शब्द इतने सौम्य और धीमे ढंग से कहे थे कि उनमें अनिच्छा या अनिर्णय का एक भी संकेत नहीं था। युनचे ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या इसका अंत सचमुच इसी तरह होना चाहिए? आइस फीनिक्स लड़की ने धीरे से कहा, आपको मुझे रुकने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी ओर से दुखी होने की जरूरत भी कम है। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसका इस युग में अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था, और यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं अपनी उन चिंताओं और लगावों को छोड़ने में असमर्थ हूँ जो मैं अब तक कायम हूँ।
आज मैंने सबसे उत्तम परिणाम प्राप्त किया है, इसलिए अब मेरे लिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है, मेरे अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। कृपया विधर्मी भगवान और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट की बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करे, इसे मेरा अंतिम अनुरोध माने। ठीक है, योनचे ने अपना सिर जोर से हिलाया और धीरे धीरे प्रत्येक शब्द बोला, जब तक मैं जीवित हूँ मैं उन्हें कभी भी किसी भी दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होने दूंगा। डिंग पिंग, इस समय आइस फीनिक्स लड़की को घेरने वाले बर्फ के क्रिस्टल की सतह पर दरारें तेजी से फैलने लगी। उसके बाद ये टूट गया और उसका शरीर आजाद हो गया, ऐसा शरीर जो जेड से बना हुआ लग रहा था, और शक्ति और जीवन शक्ति जिसे वह अपनी पूरी ताकत से सील कर रहा था। अविश्वसनीय रूप से गहरी नीली रोशनी का एक समूह स्वर्गीय झील के नीचे से फैल गया और सतह तक पहुंच गया। प्रकाश की सबसे मोटी किरण ने योनचे के शरीर को घेर लिया। अपनी अंतिम शक्ति आपको प्रदान करने में सक्षम होना मेरे शेष जीवन और आत्मा के लिए सबसे अच्छा विश्राम स्थान है। बर्फीले मांस और जेड हड्डियों का हर इंच जो वह देख सकता था वह अद्वितीय रूप से सुंदर और पूरी तरह से निर्दोष था, लेकिन इससे योनचे के दिल में वासना की एक भी लहर नहीं उठी, क्योंकि वह जानता था कि इस बर्फ के क्रिस्टल के टूटने के बाद ब्रह्मांड में शेष दिव्य प्राणी भी गायब हो जाएगा। बजना। थोड़े समय की शांति के बाद सभी बर्फीले नीले अरोरा अचानक अनगिनत नीले सितारों में बदल गए जो तेजी से योनचे की ओर उड़ गए। जैसे ही ये तारे उसके शरीर के संपर्क में आए वे चुपचाप उसके शरीर में पिघल गए। योनचे के सामने की दुनिया तुरंत बर्फीली नीली हो गई। ये बर्फीला नीला रंग और गहरा होता गया जब तक कि वह आइस फीनिक्स लड़की की आकृति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ नहीं हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आइस फीनिक्स लड़की द्वारा उसे दिया गया आखिरी उपहार चुपचाप स्वीकार कर लिया, साथ ही उसके जीवन के आखिरी अवशेष भी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब योनचे ने चुपचाप अपनी आंखें खोली तब तक उसके सामने की दुनिया उस बर्फीले नीले अरोरा या उन नीले सितारों से भरी नहीं थी। उसने केवल स्वर्गीय झील का पानी देखा, पानी जो अभी भी अत्यधिक ठंड के बावजूद चुपचाप बह रहा था। अब एक नीला रंग का तारा था जो उसकी गहन रगों में बसा हुआ था। आइस फीनिक्स लड़की का फिगर अब धुंध की तरह फिल्मी हो गया था, लेकिन उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर अभी भी एक उथली मुस्कान थी। योनचे, आपकी शक्तियां और आपकी गहरी नसें बेहद अनोखी हैं। यदि कोई अन्य जीवित प्राणी मेरी आइस फीनिक्स दिव्य शक्तियों के अंतिम अंश को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है तो यह उन्हें दिव्य गुरु के स्तर तक बढ़ा देगा, लेकिन आपके मामले में और अकेले आपके मामले में शायद दैवीय संप्रभु बनना पहले से ही सीमा हो सकती है। मेरे लिए ये पहले से ही एक उपहार है जो बहुत भव्य है, योनचे ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। मैं यथाशीघ्र इस शक्ति को पुनर्तः परिष्कृत करूंगा। आपने मुझे जो दिया है उसे मैं निश्चित रूप से बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपके अस्तित्व और बाकी सृष्टि की ओर से इस ब्रह्मांड के लिए आपके द्वारा किए गए हर काम को भी हमेशा याद रखूंगा। आइस फीनिक्स लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी क्योंकि उसके शरीर पर धुंध लगातार बढ़ती जा रही थी। योनचे ने कहा, एक और चीज है जिसके बारे में मुझे आशा है कि आप मुझे बता सकते हैं। वह उन शब्दों को नहीं भूला था जो आइस फीनिक्स लड़की ने उससे कहे थे, न्यू जुआनयन से संबंधित शब्द। आइस फीनिक्स लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और धीरे से बोली, मैं इसे एक बार फिर से कहूंगी, इस मामले में सच्चाई जानने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसके विपरीत यह आपको कुछ हद तक भावनात्मक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप अनजान बने रहेंगे तो आप जीवन भर ठीक रहेंगे। तो अगर यह मामला है तो भी क्या आपको अभी भी जानना है? योनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, चूंकि योनचे सच सुनना चाहती थी इसलिए आइस फीनिक्स लड़की ने अब और संकोच नहीं किया, इसके बजाय उसने इत्मीनान से बोलना शुरू कर दिया, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपके गुरु स्नो सोन क्षेत्र के इतिहास में पहले दिव्य गुरु बनने में सक्षम क्यों थे और हाल ही में उनकी ताकत में इतनी बड़ी वृद्धि के पीछे का कारण क्या था। ये वर्ष आइस फीनिक्स डिवाइन सोल के कारण था जो मैंने उसे बहुत समय पहले प्रदान किया था। योनचे ने हल्का सा सिर हिलाया, यह आइस फीनिक्स दिव्य आत्मा के अस्तित्व के कारण ही है कि मैं आसानी से उसकी इच्छा में हस्तक्षेप करने में सक्षम हूँ। योनचे उस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया। प्रतिक्रिया में उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसके बाद उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका दिल जोर से उसकी छाती पर धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में निश्चित समय पर उसकी इच्छा में हस्तक्षेप कर रहे हो? आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया, अतीत में मैं वास्तव में केवल कुछ अवसरों पर ही हस्तक्षेप करती थी, लेकिन जब से आप स्नो सॉन्ग दायरे में आए हैं तब से वह मेरे मानसिक हस्तक्षेप के अधीन है और यह अभी तक बंद नहीं हुआ है। योनचे की पुतलियां थोड़ी फैल गई और
उसके दिल में अचानक बेचैनी की अत्यधिक भावना पैदा हो गई। तो फिर आप वास्तव में उसकी इच्छा में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? बिल्कुल किस तरह से? भले ही वही उच्चे की प्रतिक्रिया से थोड़ा अचंभित थी, आइस फीनिक्स लड़की ने जारी रखा, 7 साल पहले जब आपने पहली बार स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में कदम रखा था तो मुझे आपके अस्तित्व का एहसास हुआ था और मैं हल्के से महसूस कर सकती थी कि आपको विधर्मी भगवान की दिव्यता विरासत में मिली है शक्ति। उसके बाद तुम स्वर्गीय झील के तल में डूब गए और मुझसे मिले। मैंने आपकी यादें पढ़ी और परिणाम स्वरूप मुझे कई चौंकाने वाली सच्चाइयों का पता चला और मुझे एक बड़ी आशा भी दिखाई दी। युनचे चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में बंद हो गए क्योंकि उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं हेवनली लेक को छोड़ने में असमर्थ था, इसलिए मैं आपकी रक्षा करने या आपके विकास का मार्गदर्शन करने में असमर्थ था। परिणाम स्वरूप मैंने म्यूजुवानइन को चुना। जब आपने हेवनली लेक को छोड़ा तो मैंने उसकी आत्मा में एक ब्रांड को उकेरने के माध्यम के रूप में उसके शरीर में आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का उपयोग किया, एक ऐसा ब्रांड जिसने उसे बाकी सभी चीजों पर आपको प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। उद्धरण चिन्ह बस। ऐसा लगा मानो यूचे के दिमाग में अचानक कुछ फूट पड़ा हो। हे, वह हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी असाधारण रूप से ठंडी और धूमिल थी। तो आप ये कह रहे हैं कि मास्टर ने मेरे लिए जो भी अच्छे काम किए हैं वह उनकी अपनी इच्छा से नहीं हुए हैं, ये केवल आपके मानसिक हस्तक्षेप के कारण? हे, ये कैसा मजाक है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसके हाथ कांप रहे थे और उसका अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो गया था। उसने ऐसी बेतुकी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। इस दुनिया में कुछ इतना बेतुका कैसे हो सकता है? उनके विचार और भावनाएं अतुलनीय रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी, इतनी अस्त व्यस्त कि उनके लिए इस पर विश्वास करना भी कठिन हो गया था। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली भी होने लगी थी, हालांकि म्यूजुवानइन की उसकी सभी यादें अभी अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी। हर दृश्य, हर नजर, हर शब्द, साथ ही उन अनगिनत शंकाओं और आशंकाओं की तरह जो पहले उसके दिल में उठी थी। इस बात पर संदेह और संशय कि म्यूजुवानइन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करेगा। जब वह पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में पहुंचे थे तो म्यूजुवानइन स्नो सॉन्ग दायरे के महान राजा और इसके इतिहास में पहले दिव्य मास्टर थे। उसके पास अद्वितीय पद और प्रतिष्ठा थी और अनगिनत जीवित प्राणियों के जीवन और मृत्यु पर उसका अधिकार था। ईश्वर क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तुलना में भी वह उच्चतम स्तर पर थी। इस बीच युनचे निचले लोगों का एक तुच्छ कनिष्ठ था, जिसकी साधना ने दैवीय मार्ग पर कदम भी नहीं रखा था। ऐसा व्यक्ति जिस पर दैवीय बर्फ फीनिक्स के निचले पायदान पर मौजूद शिष्य भी नजर नहीं डालते थे। उसके बारे में एकमात्र बात यह थी कि इसे विशेष इसलिए भी माना जा सकता है कि उसे म्यूबिंग्यून द्वारा स्नो सॉन्ग दायरे में लाया गया था और उसने ही उसकी जान बचाई थी। हर एक पहलू में उसके और म्यूजुवानइन के बीच की दूरी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान थी। इसके अलावा युनचे म्यूजुवानइन से मिलने से पहले भी कई बार सुन चुका था कि स्नो सॉन्ग रियलम किंग एक बेहद ठंडा और हृदयहीन व्यक्ति था। वह कभी भी गर्मजोशी या दया नहीं दिखाएगी। संपूर्ण डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय और यहाँ तक कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोग उसका सम्मान करने से कहीं अधिक उससे डरते थे, लेकिन केवल उसके लिए और केवल उसके लिए। युनचे म्यूजुवानइन को अपने शिष्य के रूप में लेने को तर्कसंगत बना सकती थी क्योंकि बर्फ की गहन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण अन्य सभी शिष्यों से कहीं अधिक था, इसलिए उसे लगा कि यह स्वाभाविक ही था कि वह उसका शिष्य बन गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, सब कुछ, बार बार वह उसके साथ इतनी अच्छी व्यवहार करती थी कि उसे हर बार व्यवहारिक रूप से ऐसा लगता था जैसे यह सब एक भ्रम था। यह विशेष रूप से हर बार सच होता था जब उन्होंने म्यूबिंग्यून के साथ बातचीत की। ये स्पष्ट था कि उसे भी गहरा सदमा लगा था, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी कि म्यूजुवानइन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। ये सही है, क्यों होगा? निचले लोगों का एक कनिष्ठ गहन अभ्यासी उसे एक दिव्य गुरु और क्षेत्र राजा को इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसने कभी भी उसके विधर्मी ईश्वर की दैवीय शक्तियों का लालच नहीं किया था और उसे अपनी पूरी ताकत से इसे छुपाने में मदद भी की थी। उसने उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसे बुजुर्ग और महल के स्वामी भी हर सदी में एक बार छूने के लिए भाग्यशाली होंगे। उसने ऐसा किया था जलती हुई दुनिया के गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड को छीनने के लिए हुरुली को धोखा देने में उसकी मदद की। उसके महान और निंदनीय पाप को वास्तव में एक ही फटकार के बाद पूरी तरह से मिटा दिया गया था। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले उसने अपने संप्रदाय की उपेक्षा की थी और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया था उसे पूरे 2 वर्षों तक। उसने तलवार संप्रभु को बहुत क्रोधित किया था। उसने उसके लिए यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट की रचना की थी।
गुप्त रूप से आइस विंड एम्पायर तक उसका पीछा किया था और फिर अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र तक। उसने उसे बचाया भी था और सीधे गूजू से मुकाबला किया था, और ऐसा करने में उसने वास्तव में पूरे स्नो सोन क्षेत्र की सुरक्षा की उपेक्षा की थी। आखिर क्यों? जैसा कि यह पता चला है, ये सभी चीजें वास्तव में केवल किसी और के मानसिक हस्तक्षेप के कारण घटित हुई थी। ये बिल्कुल भी उसकी अपनी इच्छाओं के कारण नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में उनके सभी संदेह, आश्चर्य और अविश्वास पूरी तरह से दूर हो गए थे। जैसा कि अपेक्षित था, अच्छाई जैसी कोई चीज नहीं थी जो बिना किसी अच्छे कारण के की गई हो या अच्छाई जो कहीं से भी निकली हो। और यह एक प्रकार की परोपकारिता थी जो सभी सामान्य ज्ञान से परे थी और सभी तर्कों के विरुद्ध थी। शुरुआत से ही उसने उसके लिए जो कुछ भी अच्छा किया था, उसके लिए किए गए सभी बलिदानों और यहाँ तक कि उन धुंधली भावनाओं को भी जो निश्चित की सीमा पर अनिश्चित रूप से लड़खड़ा रही थी। शुरू से अंत तक ऐसा नहीं हुआ था, म्यू जुवानेन था, लेकिन आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी की इच्छा। लेकिन यह उत्तर इतना बेतुका और इतना क्रूर क्यों लगा? वह दृश्य जहां उसने उसे गले लगाया था और धीरे से उसके कान में जुवानेन शब्द फुसफुसाए थे, वह अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। उस क्षण उसका हृदय जिस तरह से उद्वेलित हुआ था, वह उसकी आत्मा में अमिट रूप से अंकित हो गया था। लेकिन आइस फीनिक्स लड़की ने सौम्य स्वर में कहा, इस मामले पर आपकी चिंता मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। मुझे आशा है कि आप इस बात को यथाशीघ्र स्वीकार कर सकेंगे। यूं चेकी प्रतिक्रिया की तीव्रता के कारण उसे ये सच बताने पर पछतावा होने लगा था। यूनचे के हाथ कसकर जकड़े हुए थे और उसके बाद वे फिर से कस गए। वह ये बताने में असमर्थ था कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक एक भ्रम में बदल गया है और बिखर गया है, जिससे उसके दिल में एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक और शायद अपूरणीय शून्यता पैदा हो गई है। इसे हटा दो। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से केवल वे दो संक्षिप्त लेकिन अविश्वसनीय रूप से कठोर शब्द निकले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आइस फीनिक्स लड़की चुप हो गई। वह समझ गई कि यूचे का क्या मतलब है, और वह हैरान थी कि उसने ये दो शब्द भी कहे। काफी समय बीत जाने के बाद ही उसने धीमी और सौम्य आवाज में बोलना शुरू किया, अगर मैं उसकी इच्छा को देखते हुए अपना मानसिक हस्तक्षेप हटा दूं, तो वह फिर कभी आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगी। इसके अलावा आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसके मन में आपके प्रति तीव्र घृणा और शत्रुता विकसित हो जाएगी, और वह आपको मारना भी चाह सकती है। मुझे लगता है कि आप इसे समझते हैं। वह हमेशा बाहरी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए म्यू जुआनिन के अंदर आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का उपयोग कर रही थी, इसलिए उसने म्यू जुआनिन और यू चे के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे स्पष्ट रूप से देखा था। इसे हटा दो। जैसे ही आइस फीनिक्स लड़की के शब्द गिरे, यू चे ने वे दो शब्द दोहराए जो उसने अभी अभी कहे थे। इस बार वे शब्द पहले से भी अधिक ठंडे और कठोर लग रहे थे, और उनमें दिल की धड़कन बढ़ाने वाली निर्ममता थी। आइस फीनिक्स लड़की, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों का दृश्य थोड़ा अस्त व्यस्त था, लेकिन असाधारण रूप से ठंडा और शांत भी था। मानसिक हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से किसी और को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करना है जो वे करना भी नहीं चाहते हैं। ये क्रूर और बेतुका है जब किसी की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति को भी किसी और द्वारा चुपचाप हेरफेर किया जा रहा है। यह विशेष रूप से सच है उसके जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पास इतना गौरव और सम्मान है। यह उसके लिए बहुत ही क्रूर है। इसे हटाओ। कोई बात नहीं, मेरे लिए इसे हटा दो। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी थी और हर शब्द में भयंकर रूप से दबा हुआ गुस्सा था। वह जानता था कि उसे आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी के खिलाफ क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है जो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाला था। वह इस बारे में और भी स्पष्ट था कि म्यू जुआनिन पर मानसिक हस्तक्षेप हटा दिए जाने के बाद क्या होगा। हालांकि उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह म्यू जुआनिन को उसके शेष जीवन के लिए किसी और की इच्छा के नियंत्रण में कैसे रहने दे सकता था। यू चे के शब्दों ने आइस फीनिक्स लड़की के दिल को हल्का सा हिला दिया। वह एक बार फिर पहले से भी अधिक लंबे मौन में चली गई। आखिरकार उसने एक लंबी और दुखद आह भरी और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के कारण किसी और की इच्छा में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करना, ये वास्तव में एक ऐसी कार्रवाई है जो बहुत क्रूर है, और यह कुछ ऐसा भी है जो उसके लिए बहुत अनुचित है। इसे हटा दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या होगा, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, यून चे ने कहा, क्योंकि उसकी आवाज अधिक शांत हो गई थी। उसके सामने लड़की की आकृति, एक आकृति जो हर गुजरते पल के साथ और अधिक भ्रामक होती जा रही थी, बहुत धीमी नीली रोशनी के साथ चमक रही थी।
उसके बाद उसकी आवाज गूंजी, मैंने इसे पहले ही हटा दिया है। अब से उसकी इच्छा पूरी तरह से केवल उसकी होगी। मेरी आत्मा की सुरक्षा के साथ अब से कोई भी उसकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं समझता हूँ। यू चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से हौंफने लगा। जाओ, आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, मैं अपने आखिरी पल चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कहते हुए बिताना चाहती हूँ। यून चे, भविष्य में दुनिया में चाहे कुछ भी हो, जब तक आप जीवित हैं तब तक असीम आशा और संभावनाएं बनी रहेंगी। मैं आपके और विधर्मी ईश्वर की संतान के लिए अनंत काल तक शांति की कामना करता हूँ। मैं करूँगा, यून चे ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। विधर्मी ईश्वर की तरह आप भी एक अतुलनीय महान और महान दिव्य प्राणी है। आइस फीनिक्स लड़की ने एक फीकी मुस्कान दी और यह आखिरी मुस्कान भी थी जो किसी दिव्य प्राणी ने दुनिया को दी थी। वह मुड़ी और प्रकाश की एक किरण तुरंत यू चे से टकराए और उसे पानी के पार ले गई। पलक झपकते ही वह स्वर्गीय झील के तट पर पहुंच चुका था। हेवनली झील के तल पर मौजूद दुनिया एक बार फिर शांत हो गई। आइस फीनिक्स लड़की चुपचाप अपनी जगह पर तैरती रही। उसका शरीर पहले से ही कोहरे के आखिरी कणों की तरह पतला और दुबला हो गया था। भले ही मैं एक जीवित दिव्य प्राणी हूँ, फिर भी इतने लंबे समय तक उसकी इच्छा में हस्तक्षेप करना मेरे लिए वास्तव में काफी अक्षम्य है। लॉर्ड ली सुओ, आपने निश्चित रूप से मुझे इसके लिए भी डांटा होगा, है ना? जैसे ही उसने ये शब्द धीरे से अपने आप से बुदबुदाए, उसका मुरझाया हुआ शरीर धुंधली तारों की रोशनी के कणों में बदल गया। फिर उसके आखिरी शब्द धीमी फुसफुसाहट में निकले। आखिरी उपहार जो मैं मूल रूप से यून चे को देना चाहता था, चलो उसके बदले उसे दे दे। यही एकमात्र चीज है जो मैं उसे मुआवजा देने और अपने पापों के लिए भुगतान करने के लिए कर सकता हूँ। यही वह क्षण था जब लुप्त होती बर्फीली नीली आकृति पूरी तरह से हवा में बिखर गई। वे तैरते तारे एक नीली रोशनी में परिवर्तित हो गए जो किसी अज्ञात स्थान की ओर जाने से पहले क्रिस्टल से भी अधिक शुद्ध थी। यू चे बहुत देर तक स्वर्गीय झील के किनारे स्तब्ध मौन खड़ा रहा, लेकिन उसका मन और हृदय अभी भी अराजकता से भरा हुआ था। यू चे के लिए स्नो सॉन्ग क्षेत्र निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र में उसका शुरुआती बिंदु और उसके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड नहीं था, ये ईश्वर क्षेत्र में उनका घर था और उनके हृदय में इसका स्थान और महत्व व्यवहारिक रूप से नीले ध्रुव तारे के बराबर था। स्नो सॉन्ग दायरे के प्रति उनकी गहरी होती भावनाओं का सबसे बड़ा कारण स्वयं म्यूजुवानेन थी। उनके और म्यूजुनाइन के बीच पहली सच्ची बातचीत उस दिन हुई थी जब उसने घोषणा की थी कि वह उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में अपने शिष्य के रूप में ले जाएगी। जैसा कि पता चला, उस दिन के बाद से जो कुछ हुआ, जो कुछ क्षण पहले तक कायम था, वो सब किसी और द्वारा बुना गया एक सपना था। ये पूरा मामला न केवल म्यूजुवानेन के लिए बहुत क्रूर था, बल्कि यू चे के लिए भी उतना ही क्रूर था। इससे भी अधिक क्रूर बात यह थी कि यह सब उस दिन हुआ जब यून चे को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके दिल में म्यूजुवानेन का स्थान बहुत पहले ही उतना ही महत्वपूर्ण हो गया था जितना किसी और का। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन उसका शरीर अभी भी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह घने और गंदे धुंध में फंस गया हो जिससे वह बच नहीं सकता था। क्या इसका सचमुच यह अर्थ होगा कि अब से वे दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे? आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी बिल्कुल सही था। जैसे ही वह उन सभी चीजों को याद करता है जो पिछले कुछ वर्षों में हुई थी, उसके व्यक्तित्व और इच्छा शक्ति को देखते हुए वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित और शर्मिंदा महसूस करेगी और वह खुद उसे मारने के लिए उत्सुक होगी। वह कुछ दिनों के लिए हेवनली लेक के तल पर रुका था और अब तक वह तारीख करीब आ चुकी होगी जब जी युआन ने जाने का फैसला किया था। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया और अपनी अराजक भावनाओं और विचारों को बलपूर्वक दबाया, यूचे कुछ कदम आगे बढ़ा और एक बर्फ की मूर्ति के सामने पहुंच गया। इस बर्फ की मूर्ति के भीतर जिंग जियुकोंग गायब सितारा देव सम्राट था जिसे कोई नहीं ढूंढ सका। बात सिर्फ इतनी थी कि अब उसके पास स्टार गॉड सम्राट की महिमा और गौरव नहीं था। हिलना डुलना, बोलना और यहाँ तक कि मरना भी अभी उसके लिए असाधारण उम्मीदें थी। जिंग जियुकोंग, यूचे ने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। फिलहाल सभी महान राजा क्षेत्रों के पास जैस्मीन के अस्तित्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं उसके साथ ईश्वर लोक छोड़ दूंगा और हम शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहां कैजी भी है। वह वर्तमान में पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में खुद को प्रशिक्षित कर रही है और पिछले 3 वर्षों से उसने इससे एक भी कदम बाहर नहीं निकाला है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वह कौन अपराधी था जिसने उसे इस हालत में मजबूर किया। जैस्मीन के बाद मुझे कैजी को भी पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से और संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र से बाहर लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप उन्हें दोबारा देखने के बारे में भूल सकते हैं।
बेशक आप उन्हें दोबारा देखने के लायक भी नहीं है। जहाँ तक उस स्टार गॉड व्हील की बात है जो आपने मुझे सौंपा है, मैं सही समय आने पर इसे कैजी को सौंप दूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये कभी भी स्टार गॉड दायरे में वापस नहीं आएगा। युनचे बर्फ की मोटी परत के माध्यम से भी दुख और निराशा को अव्यवस्थित रूप से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। एक ठंडी और क्रूर मुस्कान के साथ युनचे घूमा और स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील से चला गया। सेक्रेड हॉल के आसपास के क्षेत्र में लौटने पर वह आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल के सामने खड़ा था। ये वह जगह थी जो स्नो सॉन क्षेत्र में उसके लिए सबसे अधिक परिचित थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने पास आते समय इतना भयभीत महसूस किया था। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने अंदर कदम नहीं रखा। वह इस पल से कितना भी भागना चाहता हो, देर सवेर उसे इसका सामना करना ही था। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि यह सबसे खराब परिणाम होने की संभावना है, या ऐसा परिणाम जो उसकी कल्पना से भी बदतर होगा, फिर भी वह खुद को उस तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर सका। उन्होंने पवित्र हॉल के सामने घुटने टेके और चिल्लाया, शिष्य युचे मास्टर के साथ दर्शकों की तलाश में है। सेक्रेड हॉल बिल्कुल शांत था और उसमें से कोई उत्तर नहीं गूंज रहा था। लेकिन युचे को पता था कि म्यू जुआनिन अंदर है। उसने नहीं छोड़ा, वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ। वह बस वही घुटनों के बल बैठ गया और उड़ती हुई बर्फ को अपने ऊपर जमा होने दिया। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, घंटों तक, 6 घंटे, आखिरकार किसी ने पवित्र हॉल से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया। लेकिन वह म्यू फिक्स्यू था, न कि म्यू जुवानिन जो बाहर आया था। मास्टर ने कहा कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहती, म्यू फिक्स्यू ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जटिल भाव देखा जा सकता था। युनचे के होंठ धीरे से हिले, इससे पहले कि वह निराश स्वर में बोले, फिर वरिष्ठ शैतान सम्राट को भेजने की बात। मास्टर ने कहा कि वह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। म्यू फिक्स्यू ने सीधे उस प्रश्न का उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। उन दो छोटे शब्दों को बोलने से युचे के शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। युचे ने मोटी बर्फ की उस परत के नीचे गहरा सिर झुकाया और कहा, ये शिष्य युचे ईमानदारी से मास्टर के आदेशों को मानता है और उनका पालन करता है। वह उठ खड़ा हुआ, ये सोचकर कि पवित्र हॉल के चारों ओर चलने वाली बर्फीली हवाएं वास्तव में इतनी सर्द और उजाड़ हो सकती है। जूनियर सिस्टर फिक्स्यू, युचे ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब से मुझे आपको अक्सर मास्टर के साथ जाने और उनकी देखभाल करने के लिए परेशान करना होगा। तुम्हें वह जो कहती है उसे आज्ञाकारी ढंग से सुनना होगा, और कभी भी मेरे बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम उसके क्रोध को भड़काओ। म्यू फिक्स्यू की बर्फीली भौहें आपस में जुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपने होंठ खोले और बहुत धीमी आवाज में पूछा, आप क्या आपने किसी भी तरह से मास्टर को नाराज किया? युनचे हंसे और अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल वह पहले ही आसमान में उड़ चुका था। उसकी आकृति तेजी से दूर क्षितिज में गायब हो गई। गुलाम यंग, अनंत स्वर्ग क्षेत्र में मेरे पीछे आओ। एक धीमी चीख के साथ लुप्त चंद्रमा आकाशीय महल फिर से प्रकट हुआ और युनचे को सुदूर शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र की ओर ले गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहाँ भव्य आयामी संरचना स्थित थी जो उन्हें प्रारंभिक अराजकता की सीमा तक ले जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान वह अविश्वसनीय रूप से शांत था और उसने कियाने यंग रसे एक शब्द भी नहीं बोला। हे लिंग ने कई बार उसे सांत्वना देने के लिए कुछ कहना चाहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस विषय पर कैसे बात की जाए। 7 साल बाद आखिरकार उसने वह कदम उठाया, लेकिन इसके बाद उन्हें जो हासिल हुआ वो कुछ इस तरह का सच था। युनचे की भावनाएं ऐसी नहीं थी जिनके प्रति कोई और सहानुभूति रख सके। समय सुस्ती और नीरस तरीके से बहता रहा, और केवल तभी जब विशाल और असीम शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ, युचे ने एक धीमी आह भरी। जब वह वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस से बाहर निकला तो उसने अपने दिल और दिमाग को परेशान करने वाली सभी अराजकता को दूर करने का प्रयास किया, फिर कियाने यंग र के साथ अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र की ओर उतर गया। जैसे ही युनचे प्रकट हुआ, एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर उड़ गया और युनचे के सामने कुछ दूरी पर रुक गया। उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, किंचेन आदरपूर्वक गॉड चाइल्ड युन का अभिनंदन करता है। रॉयल फादर आपके आगमन की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया, ओह यह महामहिम युवराज है, युनचे ने अभिवादन का उत्तर दिया। महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करने के लिए ये युनचे अत्यंत प्रसन्न है। जो किंचेन, भले ही युनचे ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी या उसके साथ वास्तव में बातचीत नहीं की थी, उसका नाम बहुत पहले ही उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज गया था।
वह अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट का सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन वह अनंत स्वर्ग का युवराज बन गया था और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में ब्रह्मांड में हर कोई अच्छी तरह से जानता था। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट के सभी बच्चों, पोते पोतियों और परपोते पोतियों में से वह निस्संदेह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सबसे अधिक जन्मजात प्रतिभा और प्राकृतिक योग्यता थी। जो लोग अनंत स्वर्ग क्षेत्र के देव सम्राट के सीधे नीचे थे वे संरक्षक थे। शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस वास्तव में एक ऐसा पद था जो अभिभावकों से भी अधिक ऊंचा था, क्योंकि वह भविष्य का शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट था। स्टार गॉड क्षेत्र का देवता सम्राट हमेशा स्टार देवताओं में से एक था, चंद्रमा भगवान क्षेत्र का देवता सम्राट चंद्रमा देवताओं में से एक था और अधिकांश राजा क्षेत्रों में भी यही स्थिति थी। लेकिन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट कभी भी अभिभावकों में से किसी एक से नहीं आए और उनकी विरासत अभिभावकों से अलग थी। उन्हें अपनी दैवीय शक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह एक विशेष प्रकार की वंशानुगत विरासत थी। वास्तव में वर्तमान शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट जो जुजी शाश्वत स्वर्ग पूर्वज के प्रत्यक्ष वंशज थे। जब ये सही समय होगा, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट अपने उत्तराधिकारी को अपने भगवान सम्राट की शक्तियां सौंप देंगे, और वह उत्तराधिकारी जो किनचेन था। यदि कोई शाश्वत स्वर्ग का देवता सम्राट बनना चाहता है तो उसका स्वभाव, उसकी शक्ति और करिश्मा जितना ही महत्वपूर्ण है, करुणा का हृदय विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो झो किनचेन, जिसे अगले शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के रूप में पाला गया था, वह उतना ही परिष्कृत और शुद्ध था जितना उसका नाम उसे बताता है। इटर्नल हेवन क्राउन प्रिंस अत्यधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन वह बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। फिर भी शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने वास्तव में उसे यूचे को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजा था, और यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही बहुत लंबे समय से यूचे की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पता चलता है कि अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के मन में यूचे के प्रति कितना सम्मान था। साथ ही यह मुलाकात झो किनचेन और यूचे के बीच दोस्ती को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि यूचे वास्तव में ऐसे विशेष सम्मान के योग्य थे। ओह गॉड चाइल्ड, यून क्या कह रहा है? आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने में सक्षम होना किनचेन का सौभाग्य है, झो किनचेन ने घबराए हुए तरीके से उत्तर दिया। जब वह बोला तो उसने अपनी आंख के कोने से पीछे चल रही कियाने यंग र पर एक नजर डाली, लेकिन उसके बाद उसकी नजर तुरंत हट गई और उदासी की एक रेखा तुरंत गायब होने से पहले उसकी आंखों की गहराई में चमक उठी। इतने वर्षों पहले जब वह पहली बार शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में पहुंचा था, इससे पहले कि उसने वास्तव में इसमें कदम रखा था, अदृश्य शक्ति जो हवा में लटकी हुई थी, यहाँ तक कि क्षेत्र की सीमाओं पर भी, यूचे के लिए इसे कठिन बना दिया था सांस लेना। लेकिन आज जब उसने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के ऊपर आसमान में उड़ान भरी, तो जिसने भी उसे देखा वह देखता ही रह गया। कुछ ऐसे भी थे जो दूर से झुककर उनके प्रति अपना अपार सम्मान प्रकट कर रहे थे। हालांकि जो कुछ भी घटित हुआ था उसकी खबर अभी तक पूरे ईश्वर क्षेत्र में नहीं फैली थी, फिर भी अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये कैसे नहीं पता था कि यही उचे ही थे जिन्होंने उन्हें अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक और निराशा से भरे जीवन से बचाया था। विपत्ति। इसके अलावा ये बात बहुत जल्द ही पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी और उस समय उनकी व्यक्तिगत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से किसी एक राजा क्षेत्र से कम नहीं होगी। तब तक उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सच कहें तो भले ही वह शाश्वत स्वर्ग का राजकुमार था, झो किनचेन में वह अहंकार और घमंड नहीं था जो आमतौर पर ऐसी स्थिति के साथ होता है। वह विनम्र और नम्र था और वह थोड़ा सम्मानजनक भी था। इसके अलावा ये सम्मान और सम्मान निश्चित रूप से नकली नहीं था, यह उसके दिल की गहराई से आया था। 4 साल पहले जब मैंने गॉड चाइल्ड यून को प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लेते देखा था, तो मैं पहले से ही आपके तेजतर्रार फिगर से बहुत स्तब्ध और चकित था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे स्टेशन द्वारा मुझ पर लगाई गई सीमाओं के कारण मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सका। इटर्नल हेवन क्राउन प्रिंस की स्थिति वास्तव में बहुत ऊंची और महान थी। कई मायनों में वह पद शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था, तो वह संभवतः अपने पद की गरिमा को कैसे कम कर सकता था और उस समय ऊंचे से दोस्ती करने की सक्रिय कोशिश कर सकता था। लेकिन आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई है। ये सिर्फ इतना है कि गॉड चाइल्ड यून की वर्तमान उपलब्धियां ऐसी हैं कि किनचेन मेरे जीवन काल में कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, झो किनचेन ने भावनात्मक आह भरते हुए कहा। यूनचे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह महामहिम युवराज है जो स्वर्ग से प्राप्त देव संतान है। यूनचे आपसे ऐसी प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है। झो किनचेन ने अपना सिर हिलाया और हंसे।
आपने शैतान सम्राट को प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया, आपने शैतान देवताओं को आने से रोका, और आपने इस शर्त पर ईश्वर क्षेत्र और दुष्ट शिशु के बीच युद्ध विराम भी स्थापित किया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। आपने उन सभी आपदाओं और विकृतियों से छुटकारा पा लिया जो ईश्वर क्षेत्र को खतरे में डालती थी और त्रस्त करती थी। इस प्रकार की विश्व रक्षा उपलब्धियां कुछ ऐसी हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है और ये युगों युगों तक गूंजती रहेंगी। वे निश्चित रूप से सभी प्रशंसा और मान्यता के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चेउस उत्तर से पूरी तरह अवाक रह गया। बोलने का ये तरीका और दूसरों की प्रशंसा करने का तरीका व्यवहारिक रूप से शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के समान था। चूंकि अनंत स्वर के क्राउन प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें रास्ते में निर्देशित किया, वे बहुत जल्दी मुख्य हॉल के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए। जो किंचेन ने यूनचे को विदाई देते हुए कहा, रॉयल फादर अंदर है। यदि गॉड चाइल्ड यून ऐसा करना चाहता है तो आप अंदर जा सकते हैं और रॉयल फादर से मिल सकते हैं। यदि आपको पहले कुछ और बात पर ध्यान देना है तो आप भी जा सकते हैं और उन मामलों को देख सकते हैं। साथ ही रॉयल फादर ने व्यक्तिगत रूप से यह आदेश दिया है कि यदि गॉड चाइल्ड यून को भविष्य में कोई अनुरोध करना पड़े, भले ही इसके लिए इस क्षेत्र द्वारा जुटाई जाने वाली सारी शक्ति की आवश्यकता हो, हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। हमें गॉड चाइल्ड यून से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह समारोह में खड़े न हो और आशा करे कि यदि आपको भविष्य में किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो आप हमें बुलाएंगे। यूचे, अरे किंचेन अब छुट्टी लेगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ जाने से पहले अनंत स्वर के युवराज ने सिर झुकाया। काफी दूर चले जाने के बाद आखिरकार वह मुड़ा और दूर से कियाने यंग र पर नजर डाली। उसके बाद उसने अपना सिर आसमान की ओर झुकाया और आह भरी। भले ही यूनचे अभी भी युवा है, उसकी क्षमता असीमित है और वह भविष्य में निश्चित रूप से सभी सृजन से ऊपर उठेगा। उसके पास एक ऐसा प्रभामंडल भी है जो पूरी दुनिया को उसके ऊपर से रोशन कर सकता है, इसलिए वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो उसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन वह गुलाम क्यों है? रॉयल फादर उन सिद्धांतों के खिलाफ गए जिन पर वे इतने समय तक हठपूर्वक टिके रहे और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और व्यक्तिगत रूप से उनकी दास्ता की गवाही भी दी। क्या यह मेरे भटकते विचारों को काटने के लिए भी था? पूर्वी दैवीय क्षेत्र के भीतर उसके हर एक प्रेमी जिनके पास एक उच्च स्थिति और ऊंची उपाधि थी, जो महसूस करते थे कि वे ब्रह्मा सम्राट देवी के करीब आने के लिए पर्याप्त योग्य थे, उनके बारे में पूरी तरह से पागल थे। लेकिन क्योंकि जो किंचेन की अपनी प्रकृति ने उसे पीछे खींच लिया था, वह उन सभी में सबसे अधिक आरक्षित था। ये सिर्फ इतना था कि ब्रह्मा सम्राट देवी वास्तव में यूचे की दासी बन गई थी, उसकी पत्नी या उसकी उपपत्नी या यहाँ तक कि उसका नौकर भी नहीं, वह उसकी गुलाम बन गई थी। सबसे अपमानजनक स्थिति जिसमें कोई भी खुद को पा सकता है, निम्नतम स्थिति। उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था जहां वह अपनी गरिमा का एक टुकड़ा भी बरकरार नहीं रख सकी थी। जब ये खबर पहली बार मून गॉड रियलम की मदद और प्रोत्साहन से तेजी से फैली तो इसने सदमे और रोष की अनगिनत प्रतिक्रियाओं को उकसाया। लेकिन उस समय यूचे को हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत कौन करेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र और दक्षिणी सागर देवता सम्राट जो कियाने यंगर से सबसे अधिक प्रभावित थे को भी इसे आज्ञाकारी रूप से धारण करना पड़ा। और अब जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट जाने ही वाला था, दुष्ट शिशु अचानक उसके पास आ गया था। फिर उनके विश्व बचाने वाले कारनामे थे जिसने ऐसा बना दिया कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए पूरी सृष्टि उनका ऋणी हो गई। तो कोई उसका क्या कर सकता है? जो किंचेन के चले जाने के बाद यूनचे ने पलट कर कियाने यंग र पर नजर डाली और कहा, आह एक और, आपने वास्तव में कई देव बच्चों को नुकसान पहुंचाया है ना? जो किंचेन ने शुरुआत में ही उस पर तिरछी नजर डाली थी और उसके बाद उसने कई बार कियाने यंगर की ओर देखा था। भले ही उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा था और उसकी अभिव्यक्ति ने उसके इरादों को उजागर नहीं किया था, फिर भी यूनचे ये सब महसूस करने में सक्षम था। वो एक आरक्षित स्वभाव का है और उसमें एक छिपी हुई कमजोरी है। उसके विचार उसके पिता की तरह ही जिद्दी और कठोर है और वह मेरे ध्यान के योग्य नहीं है, कियाने यंग रा ने पूरी तरह से भावहीन स्वर में कहा। यह ऐसा था मानो प्रतिष्ठित शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस भविष्य के शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट कियाने यंग रा की दूसरी नजर के लायक भी नहीं थे। फिर आपके हिसाब से इस दुनिया में किस तरह का आदमी आपके ध्यान के योग्य है? स्वर्गीय भिड़ी या जिसु, यूचे ने पूछा। वह भी योग्य था, कियाने यंग र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। केवल मास्टर ही है। यूनचे ने अपनी ठुड्डी पर उंगली से थपथपाया और अपनी निगाह कियाने यंग र से हटा ली।
लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। किया ना ये यंग रा हो जैसी की उम्मीद थी गॉड चाइल्ड यून आ गया है। दूर से एक गर्म और सौम्य आवाज सुनाई दी। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने यूचे की आभा को महसूस किया था और उसका स्वागत करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया था। जैसे ही उसकी आकृति धुंधली हुई वह यूचे के सामने आ गया। यूनचे को देखते ही उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसकी आंखें दयालुता से भरी थी। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट की आत्माओं और स्वरूप में आखिरी बार जब यूनचे ने उन्हें देखा था तब से एक बड़ा बदलाव आया था और यह स्वाभाविक रूप से था क्योंकि सभी आपदाओं का समाधान हो गया था। वरिष्ठ जैसे ही यूचे उसका स्वागत करने ही वाला था शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा आपसे तुम्हें मेरे अनंत स्वर्ग में कोई शिष्टाचार निभाने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी अभी मेरे बेटे किनचेन से मिल चुके हैं। यूनचे ने अपना सिर हिलाया और कहा इस जूनियर ने महामहिम के साथ सुखद बातचीत की ये अच्छा है। फिर शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। इस बूढ़े को उससे बहुत उम्मीदें हैं और उसे आपसे सक्रिय रूप से संपर्क करने का मेरा निर्णय मेरे अपने स्वार्थ से पैदा हुआ था। मुझे आशा है कि आप भविष्य में उसे कुछ संकेत दे सकेंगे ताकि आपके अधिक गुण और दिव्य प्रकाश उस पर प्रभाव डाले। यूनचे की भौं का कोना घूम गया और उसने जल्दी से कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पृष्ठभूमि स्थिति खेती या अनुभव है महामहिम क्राउन प्रिंस हर एक पहलू में इस कनिष्ठ से कहीं आगे है। ये जूनियर निश्चित रूप से सीनियर के शब्दों के योग्य नहीं है। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया कुछ महीने पहले आपने अपनी हल्की गहरी ऊर्जा प्रकट की और इस बूढ़े को अपने दयालु पवित्र हृदय को देखने की अनुमति दी और उस समय मुझे अभी भी केवल व्यक्तिगत कृतज्ञता और बहुत आराम महसूस हुआ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कुछ ही महीनों बाद पूरे ईश्वर क्षेत्र को बचा लेंगे। आपने इस पूरे युग को बचा लिया और अपने पीछे ऐसी उपलब्धियां छोड़ गए जो युगों युगों तक फीकी नहीं पड़ेंगी। पवित्र हृदय से निकले शब्द सच्चे और झूठ से मुक्त होते हैं। एरर यूचे के चेहरे पर एक विरोधाभासी भाव था। ये जूनियर एक सामान्य व्यक्ति ही है। जब उन्होंने ये शब्द बोले तो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे पर प्रशंसा और भी अधिक गहरी हो गई। उन्होंने प्रशंसा की एक हल्की सी सांस लेते हुए कहा आपके पास एक पवित्र हृदय है और आपने दुनिया को भी बचाया है। इसके कारण न केवल आप में अहंकार नहीं आया बल्कि आप अभी भी इतने कोमल और नम्र हैं और दिल के भी इतने ही शुद्ध हैं। यदि किंचन आपका आधा भी हो सकता है नहीं यदि वह आपका एक तिहाई भी हो सकता है तो इस बूढ़े को वास्तव में इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। यूचे ओ ऐसा लगता है कि अब से मैं झो किंचन के साथ काफी बातचीत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे गुमराह नहीं करूंगा जिसके बारे में बोलते हुए गॉड चाइल्ड यून शाश्वत स्वर्ग गॉड सम्राट की आवाज से एक सप्तक गिरा जैसे उसने कहा क्या स्वर्ग शैतान सम्राट को मार रहा है। यूनचे ने कहा इस जूनियर ने पिछले कुछ दिन निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र और स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बिताए हैं और मैं वरिष्ठ शैतान सम्राट से नहीं मिला। यदि वरिष्ठ शैतान सम्राट के पास मेरे लिए कोई निर्देश है तो वह स्वयं मेरे सामने उपस्थित होगी। अगर नहीं तो ये जूनियर भी उनसे नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सीनियर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ शैतान सम्राट के शब्द पहाड़ों जितने भारी हैं, वह निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगी। आमीन। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर जो थोड़ी सी घबराहट देखी जा सकती थी वह दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा क्या दुष्ट शिशु वास्तव में हमेशा के लिए निचले लोकों में रहने को तैयार है। यूचे ने सिर हिलाया मैंने पहले कहा था कि यह मेरी और उसकी दोनों की इच्छा थी और निचले दायरे में रहना कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके लिए प्रतिबंध है। लेकिन मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था कृपया भविष्य में उससे संपर्क न करें या उसे परेशान न करें उसे धीरे धीरे भूल जाने दे। ये सबसे अच्छा होगा यदि संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र उसके अस्तित्व के बारे में भूल जाए। मैं एक बार फिर सीनियर से प्रतिज्ञा करूंगा कि वह निश्चित रूप से सक्रिय रूप से ईश्वर के दायरे में नहीं आएगी या उसे अपमानित नहीं करेगी। यदि कोई दिन आता है जब उसे किसी कारण से ईश्वर लोक में लौटने की आवश्यकता होती है तो मैं वरिष्ठ को पहले से सूचित करूंगा और यह मेरी पूरी ईमानदारी और गारंटी के साथ होगा। जब तक तुम हो मुझे निश्चित रूप से चिंता नहीं होगी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास पवित्र हृदय है और आप दुनिया की सुरक्षा को सबसे पहले रखेंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा वादा करने का साहस भी कैसे करेंगे। यूचे यहाँ हम फिर से चलते हैं सांस शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना सिर घुमाया और दूर की ओर देखा।
वर्तमान शाश्वत स्वर्ग और यहाँ तक कि अन्य सभी लोग शांतिपूर्ण हो गए हैं। वह अंधकारपूर्ण धुंध जो लगातार हमारे ऊपर छाई रहती थी आखिरकार छट गई है और मुझे अब उस भयावह आभा का एहसास नहीं होता है जो एक समय हमें परेशान करती थी। शैतान सम्राट की वापसी की खबर को गुप्त रखा गया है। शैतान सम्राट के आदेश के अतिरिक्त इसका मतलब ये था कि किसी ने भी इस खबर को फैलाने की हिम्मत नहीं की। नतीजा ये हुआ कि बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता था। हालांकि दुष्ट शिशु के अस्तित्व को ईश्वर क्षेत्र के प्रत्येक जीवित प्राणी द्वारा जाना जाता है। शैतान सम्राट के चले जाने के बाद ईश्वर क्षेत्र अभी भी दुष्ट शिशु के दोबारा उभरने से बनी अंधेरी छाया में रहेगा और इसमें कभी शांति नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं तो यह वास्तव में आकाश चढ़ने से भी कठिन है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उस समय व्यक्तिगत रूप से दुष्ट शिशु से लड़ाई की थी, इसलिए वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। यदि दुष्ट शिशु उनके साथ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में संलग्न होता तो वे अभी भी उसे नष्ट करने के लिए अपनी चरम शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन जब तक वह जानबूझकर अपनी मृत्यु की तलाश नहीं कर रही थी, इस स्थिति के लिए यह असंभव होगा घटित होना। इसके अलावा जब तक वह जाना चाहती थी तब तक तीन दिव्य क्षेत्रों के सभी देव सम्राटों की संयुक्त शक्ति भी उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि तीन दिव्य क्षेत्र हमेशा के लिए दुष्ट शिशु द्वारा डाली गई अंधेरी छाया के नीचे रहेंगे। जब तक वह चाहती थी वह चुपचाप अंधेरे में आगे बढ़ सकती थी और धीरे धीरे महान राजा क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण सदस्यों को उठा सकती थी। वह इसे एक एक करके कर सकती थी या टुकड़े टुकड़े करके भी कर सकती थी और वह एक देव सम्राट को मौत की खाई में भी धकेल सकती थी। यही कारण है कि सभी महान देव सम्राट पिछले कुछ वर्षों में जब भी दो शब्दों दुष्ट शिशु के बारे में सोचते हैं तो भय से कांप उठते हैं। उसके चारों ओर मौजूद अंधेरी छायाओं में से किसी एक से अचानक छलांग लगाने की संभावना ने उन्हें भयभीत कर दिया। लेकिन अब यूचे की वजह से दुष्ट शिशु अज्ञात छाया से ऐसी दुनिया में चला गया था जिसे देखा जा सकता था और उसने ईश्वर क्षेत्र के साथ पारस्परिक गैर हस्तक्षेप और गैर आक्रामकता की शपथ भी ली थी। इससे भी अधिक क्या था, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह वादा यूचे द्वारा किया गया था। यूचे का लक्ष्य जैस्मिन को बचाना और यह सुनिश्चित करना था कि वह ब्रह्मांड की अंधेरी छाया तक ही सीमित न रहे। लेकिन उसी कार्य ने ईश्वर क्षेत्र को भी बचाया था और अनगिनत दिलों को शांत किया था जो आतंक से कांप रहे थे। जब आपने कहा कि दुष्ट शिशु को वास्तव में स्वर्गीय वत सितारा भगवान ने अपने वश में कर लिया है और उसने भी भगवान के दायरे को छोड़ने की शपथ ली है, तो ये बूढ़ी औरत बहुत खुशी के साथ उस व्यवस्था के लिए सहमत हो गई और मैंने अधीरता से बिना जनता के सामने इसकी घोषणा की। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने में देरी भी इस बूढ़े को इतना आराम महसूस हुए बहुत समय हो गया है। वास्तव में ये व्यवहारिक रूप से मेरे जीवन में अब तक महसूस किया गया सबसे अधिक सुकून है। ये कल्पना करना कठिन है कि यदि आप न होते तो ईश्वर क्षेत्र वर्तमान में कैसा दिखता। जैसे ही वह बोल रहा था उसने दूर स्थित कियाने यंगर की ओर नजर डाली। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अतीत में यूचे की लगभग मृत्यु का कारण बना दिया था। जब उसने पहली बार उसके और यूचे के बीच दास की छाप के निर्माण को देखा था तब भी उसे इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन लग रहा था, भले ही उसने पहले ही इस घटना का गवाह बनने का वादा किया था। लेकिन इस समय उसे वास्तव में लगने लगा था कि कियाने यंगर की वर्तमान स्थिति व्यवहारिक रूप से एक प्रकार का आशीर्वाद थी। हालांकि शैतान सम्राट को विदा करने के बाद आप शायद लंबे समय तक निचले लोकों में रहेंगे, है ना? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूछा। उसकी आंखें इस आशा से भर गईं कि यूचे रुक सकता है और कुछ पछतावा भी हो सकता है। हाँ, यूचे ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जैसे ही उसने म्यू जुआनिन के बारे में सोचा जो अब उसे देखने को तैयार नहीं था, उसके दिल में दर्द का एक झटका लगा और कुछ समय के लिए उसकी अभिव्यक्ति भी कठोर हो गई। सच कहा जाए तो सबसे पहले इस जूनियर के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने का कारण उसे ढूंढना था, और अब मैंने वह हासिल कर लिया है जो मैंने करने के लिए निर्धारित किया था, इसलिए मुझे वास्तव में अब ईश्वर क्षेत्र से बहुत अधिक लगाव नहीं है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जैस्मिन के साथ सीनियर और बाकी सभी लोग मेरे साथ अधिक सहज महसूस करेंगे। जैसा भी हो, आह, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने एक बार फिर आह भरी। निचले क्षेत्रों में आभा मैला और अशांत है और इसके संसाधन दुर्लभ हैं। ये किसी के जीवन काल को प्रभावित करते हुए उसकी साधना को धीमा कर देगा। साथ ही मैंने सुना है कि आप अगले महीने ग्लेज्ड लाइट रियलम की छोटी राजकुमारी से शादी करने जा रहे हैं। यदि आप बार बार नहीं लौटते हैं तो मुझे डर है कि ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे।
हो ये बहुत स्पष्ट था कि गुर्द बूढ़ी लोमड़ी शुई क्या नहीं ने बहुत समय पहले ही इस मामले को अधीरता पूर्वक उजागर कर दिया था। इस जूनियर ने कभी भी सीनियर द्वारा मुझे दी गई देखभाल और उपकार को भूलने की हिम्मत नहीं की। भविष्य में ये जूनियर नियमित रूप से सीनियर और महामहिम क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेगा। आमीन। भले ही उसे पछतावा महसूस हुआ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अब यूचे को रुकने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। ये वैसा ही था जैसा यूचे ने कहा था। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक सहजता तभी महसूस होगी जब वो दुष्ट शिशु के पास होगा। अनंत स्वर्ग देव सम्राट की दृष्टि मुख्य कक्ष की ओर चली गई। एकत्रित देव सम्राट हॉल में है, जिनमें चंद्रमा देव सम्राट भी शामिल है। क्या तुम भी अंदर जाना चाहते हो? क्या सीनियर ड्रैगन मोनाक भी वहां होंगे? यूं चे ने पूछा। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने सिर हिलाया। ठीक है, यूं चे ने सिर हिलाया। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, उसका शरीर अचानक रुक गया और उसने कहा, आह, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। भले ही मुझे सभी ने स्वीकार कर लिया हो, अंततः मैं अभी भी एक निम्न स्तर का कनिष्ठ व्यक्ति हूँ। मैं एकत्रित देव सम्राटों के साथ बैठने का साहस नहीं करता। यूं चे ने अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा उसे फिर से आमंत्रित करने की प्रतीक्षा नहीं की। इसके बजाय उसने उससे एक प्रश्न पूछा, तो वह भव्य आयामी संरचना कब खुलेगी जो हमें प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी बिंदु तक ले जाएगी? 12 घंटों में, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर ये जूनियर वहां जाकर इंतजार करेगा। मैं अब छुट्टी लूंगा। यूं चे मूल रूप से सहमत थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक अपना निर्णय पलट दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि इसका उस कारण से कोई लेना देना नहीं है जिसके कारण उसने बलिदान दिया था। जैसे ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी प्रस्थान की ओर देखा, उसके चेहरे पर संदेह और संदेह दिखाई देने लगा। उसने कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया, अंततः आह भरी और अपने आप से बुदबुदाया, उसने न केवल दुनिया को बचाया और उसका हृदय पवित्र है, बल्कि वह इतना लापरवाह भी है। अगर किंचन उसका 10वां हिस्सा भी होता तो मुझे खुशी होती। मुझे आश्चर्य है कि उसके माता पिता किस तरह के लोग हैं। ये सोचना कि उन्हें स्वर्ग से भेजे गए ऐसे बच्चे का आशीर्वाद मिलेगा। नीला, ध्रुव, तारा, उसने धीरे से एक ग्रह का नाम बुदबुदाया क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या उसे इसका दौरा करना चाहिए। लेकिन जब उन्हें दुष्ट शिशु के अस्तित्व का स्मरण आया तो उन्होंने उस विचारधारा को त्याग दिया। अंततः उसकी स्थिति अभी भी बहुत विशेष थी। सच कहूं तो यदि वह व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर जाते तो उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया होता। एक बार जब उसने दुष्ट शिशु के क्रोध को भड़का दिया और बहुत कठिनाई से बनाए गए संतुलन को तोड़ दिया तो वह एक महान पापी बन गया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र। कुछ दिन पहले हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट व्यक्तिगत रूप से शाश्वत हेवन गॉड दायरे में दिखाई दिए और घोषणा की कि वह प्राइमल कैस छोड़ने वाली थी। इसके बाद लगभग सभी देव सम्राट और क्षेत्र के राजा जो मौजूद थे शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में बने रहे और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट को विदा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे जो अंतिम समय में चले गए थे। ग्लेज्ड लाइट दायरे के शुई कियानहेंग उनमें से एक थे। जैसे ही वह अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र को छोड़कर ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में लौटा, उसका दिल चिंता से जल उठा। उसके बाद वह शुई मेन को स्नो सॉन्ग दायरे का दौरा करने के लिए लाया। ये सब शुई मेन की शादी के लिए स्नो सॉन्ग दायरे के राजा के साथ तारीख तय करने की इच्छा के लिए किया गया था। इस उन्मत्त अवधि के दौरान वह शादी की तारीख को इतनी तत्परता से क्यों तय करना चाहता था, इसका कारण बेहद स्पष्ट था। वर्तमान में 13 देव सम्राट और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लगभग सभी उच्च क्षेत्र के राजा शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में एकत्र हुए थे। ये कितना भव्य दृश्य था। हैविंग स्मिटिंग डेविल सम्राट को विदा करने के बाद वह उपस्थित सभी लोगों को सीधे शादी की तारीख की घोषणा करने में सक्षम होगा। तथ्य यह है कि यह सुविधाजनक था, गौण था। सबसे खास बात ये थी कि ये अकड़ से भरा होगा, ये भव्य होगा, ये बहुत प्रभावशाली होगा। मेरे दामाद ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग स्वयं ईश्वर बाल मसीहा है। यहाँ तक कि दुष्ट शिशु भी उसकी आज्ञा का पालन करता है और ब्रह्मा सम्राट देवी केवल उसकी दासी बनने के योग्य है, लेकिन मेरी बेटी की शादी भव्य तरीके से की जाएगी। शादी की तारीख तय होने के बाद शुई कियानहेंग ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में लौट आए, लेकिन उन्होंने तुरंत शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के लिए प्रस्थान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली क्योंकि उन्होंने लोगों को शादी की तैयारी शुरू करने के लिए नियुक्त किया था और उनकी तेज आवाज जो पहले से ही सामान्य से कई गुना अधिक कर्कश थी पूरे संप्रदाय में हलचल पैदा कर रही थी।
वास्तव में ये केवल तभी था जब भव्य आयामी गठन के सक्रिय होने से 20 घंटे पहले शुई कियानहेंग ने अंततः शुई यंगयू और शुई यंगहेंग को अपने साथ लाते हुए अनंत स्वर्ग क्षेत्र में जाने का फैसला किया। छोटी बहन, अब हमारे जाने का समय हो गया है। शुई यंगयू शुई मेन के कमरे में पहुंची और उन वस्तुओं को देखने से पहले जिनसे वह वर्तमान में उलझ रही थी, जबकि उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव थे। आश्चर्यजनक रूप से वहां विभिन्न आकृतियों और आकारों के 10 से अधिक रंगीन और स्पष्ट चमकदार ध्वनि पत्थर थे। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुरंत आऊंगा। शुई मेन ने ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स को दूर रख दिया और खड़ा हो गया। आप इन ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? शुई यंगयू ने पूछा। ये ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स जेड पत्थरों की सबसे निचली श्रेणी थे। उसकी जानकारी के अनुसार वे शुई मेन द्वारा छुए जाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन अभी वो ही ईमानदारी से उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी, क्योंकि बड़े भाई यूचे को ये पसंद है और वह इसे अपने गले में भी पहनते हैं। शुई मेन ने फुसफुसाहट में अपनी आवाज धीमी करने से पहले कहा, और वह ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि मैं बचकानी हूँ, जबकि वह स्पष्ट रूप से बचकाना है। ।। शुई यंगयू को नहीं पता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, इसलिए वह पलटी और बोली, चलो चले। शुई मेन सहमत हो गई और अपनी बड़ी बहन के पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाली थी, अचानक उसकी आंखों में एक काली रोशनी चमक उठी। उसका पूरा शरीर जड़वत हो गया था और उसकी आंखों की पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। क्या गलत? शुई यंगयू ने अपनी नजर घुमाई, लेकिन जब उसने शुई मेन की ओर देखा तो वह बेहद चौंक गई। वह पलटी और आग्रहपूर्ण स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? मत जाओ, मत जाओ। वह अचंभित होकर ये शब्द बड़बड़ाते हुए शून्य में घूरती रही। उसकी आंखों में एक अराजक काली रोशनी टिमटिमा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें काली तितलियां नाच रही हो। शुई यंगयू, क्या गलत? शुई कियानहेंग एक झटके में प्रकट हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि शुई मेन के साथ पहले संभावित क्षण में कुछ गड़बड़ थी। शुई मेन की वर्तमान उपस्थिति को देखकर उसकी भौहें बुरी तरह से झुक गईं, क्योंकि उसकी आवाज अचानक गहरी हो गई थी। मेन, तुमने क्या देखा? मत जाओ। शुई मेन ने वही दो शब्द दोहराए। कहां मत जाओ? शुई कियानहेंग की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। क्या ये हो सकता है? अनंत स्वर्ग क्षेत्र ।। शुई मेन की पुतलियां और भी अधिक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए दिव्य स्टेनलेस आत्मा की आत्मा ऊर्जा को मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने जो दुनिया देखी वह और अधिक अंधकार में होती जा रही थी और अंत में वह वास्तव में पूरी तरह से अंधकार में हो गई थी। यह एक कभी न खत्म होने वाली अंधेरी रात एक अथाह खाई जैसी थी। उसकी आंखों में टिमटिमाती काली रोशनी तितर बितर हो गई और उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर धस गया। शुई यंगयू तुरंत आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मत जाओ। अनंत स्वर्ग लोक में शुई मेन की पलकें कांपने लगी और उसकी आवाज कमजोर हो गई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि उसने अंततः विरोध करना बंद कर दिया और पूरी तरह से होश खो बैठी, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। शुई यंगयू ने शुई कियानहेंग की ओर देखा और उन दोनों के चेहरे पर एक गहरी हैरानी की अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। 12 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। अनंत स्वर्ग के सम्मानित ईश्वर मंच से एक सफेद किरण आकाश की ओर उठी और भव्य आयामी संरचना की रूपरेखा दिखाई दी। 13 देव सम्राट और अन्य महान उच्च क्षेत्र के राजा पहले ही सम्मानित देव मंच पर एकत्र हो चुके थे। जैसे ही स्थानिक ऊर्जा का एक शानदार प्रभामंडल धीरे धीरे हवा में घूम रहा था, 13 देव सम्राट केंद्र में खड़े थे, लेकिन सभी की निगाहें यूनचे पर केंद्रित थी। फिर भी यूनचे आज थोड़ा अजीब लग रहा था और स्नो सॉन्ग रियलम किंग जो पहले उसके साथ था, वह भी उसके साथ नहीं था। उन्होंने विभिन्न महान साम्राज्य के राजाओं की जांच पूछताछ और चापलूसी के प्रति असाधारण उदासीनता प्रदर्शित की थी। वास्तव में उन्होंने अधिकांश समय गहन संरचना के किनारे पर अकेले खड़े होकर बिताया था। किया ना ये यंग र पूरे समय यूचे के ठीक पीछे चुपचाप खड़ी रही थी। उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे उसका हमेशा वर्णन किया गया था। स्वर्ण कवच उसके शरीर को सुशोभित कर रहा था और स्वर्ण मुखौटा उसके चेहरे को ढंक रहा था। 3 शब्दों ब्रह्मा सम्राट देवी ने इसे ऐसा बना दिया कि उच्च क्षेत्र के किसी भी राजा ने उसके पास जाने या सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसके बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं की, केवल हर बार ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर देखते रहे और तब
हालांकि उन्होंने पाया कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती थी और उनके सौम्य व्यवहार में एक राजसी उपस्थिति छिपी हुई थी जो किसी की भी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी अजीब नहीं था। यही वह क्षण था जब भव्य आयामी संरचना सक्रिय हुई थी। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि एक आयामी संरचना को सक्रिय करने में कितनी ऊर्जा लगी होगी जो शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र को प्राइमल कैस के पूर्वी भाग से जोड़ती है। पिछली बार जब इसे सक्रिय किया गया था तो उन्हें लगा जैसे वे एक अंधेरे और निराशाजनक सर्वनाश के गवाह बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को पीड़ा महसूस नहीं हुई और हर कोई निश्चिंत और उत्साहित था। गहन प्रकाश ने आकाश को एक अतुलनीय शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा के रूप में प्रकाशित किया जो फैल गई और सभी को शाश्वत स्वर्ग से सम्मानित ईश्वर चरण से दूर ले गई। अंतरिक्ष में अपनी लंबी छलांग लगाने के बाद उनके सामने की दुनिया अचानक बदल गई और विशाल शून्यता में बदल गई। लेकिन अंतर ये था कि इस बार उनका स्वागत विनाशकारी तूफान से नहीं हुआ। वहां कोई अजीब लाल रंग की रोशनी भी नहीं थी जो किसी की आत्मा को छेद सके। वास्तव में यह असाधारण रूप से शांत था। एक हीरे के आकार का क्रिम्सन क्रिस्टल प्राइमल कैस की दूर की दीवार में जड़ा हुआ था। ये कुछ ऐसा था जिसे वर्ल्ड पियसर द्वारा उकेरा गया था, एक स्थानिक सुरंग जो प्राइमल कैस के बाहर शून्य से जुड़ी हुई थी। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट उस रास्ते से आए थे और उसी रास्ते से लौटेंगे। आखिरकार ये दिन आ गया है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने आह भरते हुए कहा। भले ही यह आयामी संरचना अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं थी, यह एक शैतान सम्राट के आने और जाने का गवाह बनेगी। परिणाम स्वरूप ये प्राइमल कैस की नियति में एक बड़े उथल पुथल का गवाह भी बना। ऐसे में इसका निर्माण अभी भी सार्थक माना जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र के किलिन सम्राट ने कहा, आशा करते हैं कि योजना में कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्तन नहीं होगा। यदि स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट अचानक अपने वचन से मुकर जाता तो उनकी सारी खुशियां व्यर्थ हो जाती और जल्द ही एक विपत्ति आ जाती। इसलिए जब तक वे व्यक्तिगत रूप से शैतान सम्राट के प्रस्थान और स्थानिक सुरंग के विनाश को नहीं देख लेते तब तक वे वास्तव में सहज नहीं हो सकते थे। ये बूढ़ा भगवान बालयुन में विश्वास करता है, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट खिलखिलाकर हंसे। आजकल उनके लिए गॉड चाइल्ड युन तीन शब्द कहना असाधारण रूप से आसान था और वह सभी देव सम्राटों में से सबसे अधिक निश्चिंत थे। चूंकि अनंत स्वर्ग ने ऐसा कहा है, इस राजा को बहुत राहत महसूस होती है। कियाने फेंटियन ने हंसते हुए कहा, इस अवधि के दौरान इस मामले ने मुझ पर भारी असर डाला है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो आखिरकार हम कुछ समय के लिए जितना चाहे उतना आराम कर सकेंगे। ओह, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट वास्तव में भगवान बालयुन को पसंद करते हैं। कोई चुपचाप उनके पास आ गया था। यह एक कमजोर कद और सुंदर और युवा चेहरे वाला एक आदमी था, लेकिन उसकी आंखें किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देती थी जो उससे नजरें मिलाता था। आश्चर्यजनक रूप से ये व्यक्ति दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपनी बेटी को दासी के रूप में उसे देने को तैयार थे। उनके चारों ओर का स्थान अचानक जम गया क्योंकि सभी देव सम्राट तुरंत चुप हो गए। हालांकि कियाने फेंटियन थोड़ा भी क्रोधित नहीं था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये राजा यंग के स्वाद की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उसने देव बच्चों और देव सम्राटों की टोली को ऐसे तुच्छ दृष्टि से देखा था जैसे वे घिसे पिटे जूते हो। फिर भी जब गॉड चाइल्ड युन ने इतने वर्षों पहले पहली बार सम्मानित गॉड स्टेज के ऊपर अपनी भव्यता प्रदर्शित की तो यंग रा ने इस राजा को अपने दामाद के रूप में लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन अब उसने दिन रात गॉड चाइल्ड युन से जुड़े रहने में सक्षम होने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया है। ये कैसे अद्भुत चीज नहीं है, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में गॉड चाइल्ड यून से अधिक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना संभव है? बेशक कियाने फेंटियन का स्वर अचानक बदल गया और उसने आगे कहा, पूरी दुनिया जानती है कि आप दक्षिणी सागर देवता सम्राट हमेशा यंग र के प्रशंसक रहे हैं, लेकिन अब यंग र यूचे की संपत्ति बन गई है, इसलिए दक्षिणी सागर देवता सम्राट उसके लिए गॉड चाइल्ड यून से पूछने की कोशिश कर सकते हैं। यदि वह सहमत नहीं है तो दक्षिणी सागर देवता सम्राट की क्षमताओं को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना या चाल आजमा सकते हैं। ये राजा उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब आप अपनी इच्छा पूरी कर सके। ब्रह्मा सम्राट देव सम्राट के शब्दों से उसके आसपास के सभी देव सम्राटों की भौहें तन गई। ब्रह्मा सम्राट देवी कियाने यंगर हमेशा कियाने फेंटियन के लिए सबसे बड़ा गौरव और खुशी थी।
वह उस पर बहुत स्नेह करता था और उसे वह सब कुछ देता था जो वह चाहती थी। उन्होंने एक से अधिक बार कहा था कि भले ही वह एक महिला थी, लेकिन भविष्य में उन्हें देव सम्राट का पद विरासत में मिलेगा। यहाँ तक कि उसने उसे वह दर्जा और अधिकार भी दिया था जो व्यवहारिक रूप से ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में उसके बराबर था। वह न केवल ब्रह्मा राजाओं को आदेश दे सकती थी, बल्कि वह तीन ब्रह्मा देवताओं को भी आदेश देने में सक्षम थी। लेकिन जब उन्होंने अभी कियाने यंग ग्रह का उल्लेख किया था, तो उन्होंने वास्तव में कहा था कि वह पहले से ही यूचे की संपत्ति बन चुकी थी। शायद कियाने फेंटियन ने उन शब्दों को लापरवाही से कहा था और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं था। लेकिन अगर कोई उनकी बातों पर ध्यान से विचार करे, नान वानशेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आधी अधूरी मुस्कान दी, अच्छा, यह अच्छा कहा गया। ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट ने वास्तव में इस राजा को कभी निराश नहीं किया। अपनी बात खत्म करने के बाद वह पलटे और दूसरा शब्द नहीं बोले। हालांकि उसकी आंखों में एक बेहद भयानक काली चमक चमक उठी। यूनचे से उसे मांगने के लिए, यूनचे पर उन भयावह चालों का उपयोग करने के लिए जिनमें वह सबसे अधिक कुशल था। यहाँ तक कि अगर कोई यूचे के प्रभामंडल को एक तरफ रख दे, एक ऐसा प्रभामंडल जो ब्रह्मांड को बचाने से आया था, केवल इस तथ्य पर आधारित है कि वह मुख्य कारण था कि ईविल इन्फेंट और गॉड रियलम आपसी गैर आक्रामकता के समझौते पर सहमत हुए थे, इसका मतलब पहले से ही था कि इस दुनिया में कोई भी यूचे को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और यह इस बात की परवाह किए बिना था कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अस्तित्व में था या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्षिणी सागर देवता सम्राट कितना विकसित था, भले ही यूनचे ने अपने पिता की हत्या कर दी हो, वह यूनचे को अपमानित करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। एकमात्र महिला की बात तो दूर, ये पूर्ण शक्ति द्वारा उत्पन्न पूर्ण प्रतिरोध था। इसके अलावा यूनचे के पास काय पॉइजन पल था और वह इस ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति था जिसे सृजन भगवान की शक्तियां विरासत में मिली थी। कॉन्फेड गॉड बैटल में उनके प्रदर्शन ने पहले ही बाकी दुनिया के सामने उनकी अभूतपूर्व क्षमता साबित कर दी थी। किसी को संदेह नहीं था कि भविष्य में उसकी शक्ति निश्चित रूप से समस्त सृष्टि से ऊपर उठेगी, और वह समय उम्मीद से बहुत जल्दी आ सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए या तो उसे शुरू से ही खत्म करना होगा या कभी उसका दुश्मन नहीं बनना होगा। लेकिन यूनचे के पास दुनिया को बचाने की आभा थी, दुष्ट शिशु उसके साथ था, देवी उसकी दासी थी और चंद्रमा देवता सम्राट के साथ उसका अस्पष्ट रूप से रोमांटिक रिश्ता था। यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट भी उनके प्रति बेहद सुरक्षात्मक थे, जबकि तीन क्षेत्रों के राजा क्षेत्रों ने उनकी उच्च स्वर्ग में प्रशंसा की और उन्हें ईश्वर के बच्चे की उपाधि दी। पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न बड़े ऊपरी सितारा क्षेत्र घुटने टेकने और उसके पैर चाटने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उसे खत्म कर दो मेरी गांड, दक्षिणी सागर देव सम्राट, एक ठंडी और शांत महिला आवाज गूंजी। आश्चर्य की बात है, ये चंद्रमा देवता सम्राट थे जिन्होंने कहा, ये राजा सोचता है कि यूचे से दूर रहना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अन्यथा यदि आप यूचे या दुष्ट शिशु की स्मृति को उत्तेजित करते हैं तो आप लगभग स्वर्गीय वध को मार देंगे स्टार गॉड। फिर मुझे डर है कि यह आपके लिए या दक्षिणी सागर गॉड क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हम नान वानशेंग ने अपनी आंखें तब तक सिकुड़ ली जब तक कि वे ठंडी खर्राटे लेते हुए बेहद महीन चीरे नहीं बन गई। उस समय उसने कियाने यंग ग्रह को खुश करने के लिए स्वर्गीय वत स्टार भगवान की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के नंबर एक देव सम्राट के रूप में वह बेहद घमंडी था और बाकी सभी पर हावी था। लेकिन चूंकि वह कियाने यंग ग्रह से पागलों की तरह मुगध था, इसलिए वह उसके किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता था। इसके अलावा उसकी नजर में कियाने यंग रही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास इतनी योग्यता थी कि वह अपना सब कुछ दे सके। लेकिन इतने साल बीत चुके थे और वह दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित नंबर एक देवता सम्राट ने कियाने यंग ग्रह के वस्त्र के कोने को भी नहीं छुआ था। फिर भी वही यूचे की दासी बन गई थी, एक गुलाम। क्या चक बोलने के बाद जिया क्विंग्यू एक तरफ हट गई और चली गई। लेकिन जाने से पहले ऐसा लगा जैसे उसने अनजाने में ड्रैगन मोनाक पर नजर डाल ली हो। लगता है आप अच्छे मूड में नहीं है। जिया क्विंग्यू यूनचे के पास खड़ा था और उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ? यूनचे ने दूर के गहरे लाल रंग के गलियारे पर अपनी नजर रखी और अपना सिर हिलाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ व्यक्तिगत है। जब उसने देखा कि वह साझा नहीं करना चाहता तो जिया क्विंग्यू ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसकी आंखें आसपास के क्षेत्र पर घूम गईं और उसने कहा, ये सोचने के लिए कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र से कोई भी वास्तव में नहीं आया था।
मैंने कुछ समय पहले सुना था कि शुई मेन के साथ आपका विवाह समारोह नजदीक है और मैंने सोचा कि ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग इस अवसर का लाभ उठाकर इस मामले की घोषणा करेंगे। ये थोड़ा अजीब है। यून चे ने उस पर तिरछी नजर डाली और कहा, शायद शादी की योजना में बदलाव हो गया है और इसलिए उनका आना असुविधाजनक है। उसका मूड अचानक बहुत खराब हो गया था। इसका कारण ये था कि उसने देखा कि शुई किया नहिंग और शुई मेन अभी तक नहीं आए थे। वास्तव में वे तब भी नहीं आए थे जब भव्य आयामी संरचना सक्रिय हो गई थी। शुई मेन के साथ उनका विवाह काफी हद तक मुजुआनिन द्वारा संभव हुआ था। न्यू बिंग युन ने कहा था कि इस काम को करने में उसने इतना प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसने पूरे दिल से शुई मेन को कुछ सौंपा था, लेकिन अब वे भावनाएं जो पूरे दिल से दूसरे को सौंपी गई थी निश्चित रूप से अपमान में बदल गई थी। उनके लिए इस कार्यक्रम को जबरदस्ती रद्द करना पूरी तरह से सामान्य होगा। तथ्य यह है कि शुई कियानहेंग नहीं आया, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह पहले ही हो चुका था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू की नाजुक भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गईं। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मुझे अभी इसके बारे में बात करने का मन नहीं है, मैं आपको इसके बारे में भविष्य में बताऊंगा। एमेन। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होता है कि मुझे भी आपको बाद में कुछ बताना होता है। ओह, ये सीनियर शेनशी के बारे में है, जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। यून चे की भौहें जोर से हिल गईं और उसने उसकी ओर देखने के लिए अचानक अपना सिर घुमाया। शेनशी को क्या हुआ? चूंकि वह बहुत चिंतित था, यून चे ने उत्सुकता से वरिष्ठ शेनशी के बजाय शेनशी चिल्लाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जिया क्विंग्यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने धीरे से कहा, कुछ समय पहले मैंने ड्रैगन गॉड दायरे की यात्रा की थी और मुझे सीनियर शेनशी के संबंध में कुछ मामलों के बारे में पता चला। यू चे, कुछ समय पहले? हालांकि अभी आपको इस बारे में बताने का सही समय नहीं है, जिया क्विंग्यू ने कहा। अभी मैं आपको इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बताना है कि आपको निकट भविष्य में ड्रैगन गॉड दायरे का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन हाथ में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए विचलित न हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। यू चे ने हल्की सांस लेने से पहले सिर हिलाया और जितना संभव हो सके अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और जी युआन के आने का इंतजार किया। अध्याय 1516 से 1520 डॉट डॉट। प्राइमल कैस का सबसे पूर्वी बिंदु अत्यंत विशाल था और प्राइमल कैस की दीवार उनके ठीक सामने थी। इसमें जड़ा हुआ लाल रंग का क्रिस्टल का टुकड़ा असाधारण रूप से आकर्षक था। वे पहले से ही काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ईश्वर क्षेत्र में उनकी उच्च स्थिति को देखते हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें इस तरह इंतजार कराने के योग्य हो, परंतु इस वर्तमान समय में एक भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की अधीरता व्यक्त नहीं की। गॉड चाइल्ड यू, मैंने रॉयल फादर को ये कहते हुए सुना है कि यह सब खत्म होने के बाद आप निचले लोकों में लौट आएंगे और फिर कभी भी ईश्वर लोक में कदम नहीं रखेंगे। अगर यह सच है तो ये बहुत अफसोस की बात होगी क्योंकि किंचेन गॉड चाइल्ड यू उनके साथ घनिष्ठ मित्र बनने की उम्मीद कर रहा था। जो किंचेन यू चे के पास खड़ा था और आह भरते हुए कहा, आखिरकार मैं निचले लोकों में पैदा हुआ था, मेरी जड़ें और घर वहां हैं और मेरे पास वहां बहुत सी चीजें हैं जो मुझे प्रिय हैं। साथ ही यू चे ने मजाक में कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से दुष्ट शिशु की देखभाल करनी है और उसकी रक्षा करनी है। हालांकि जो किंचेन ने इसे मजाक के रूप में नहीं लिया बल्कि उनके चेहरे पर सम्मान की गहरी भावना देखी जा सकती थी क्योंकि उन्होंने कहा, अतीत में किंचेन ने हमेशा महसूस किया है कि रॉयल फादर की गॉड चाइल्ड यून की मान्यता बहुत अधिक थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि अगर रॉयल फादर की प्रशंसा उससे 10 गुना अधिक होती तो भी यह अतिशयोक्ति नहीं होती। शायद ये किंचेन के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये देख पाऊंगा कि मेरे जीवन के अंत में हजारों साल बीत जाने के बाद भी भगवान बाल यून चे अभी भी इस दुनिया में है। यून चे की खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई थी और वह केवल यही उत्तर दे सका, महाराज आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, मैं ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। हा हा हा, जो किंचेन ने एक लापरवाह हंसी दी लेकिन अपने शब्दों को वापस नहीं लिया। ये सुन रहा है कि आप मुझे महामहिम कहते हैं जो इस किंचेन को शर्मिंदा करता है। अगर गॉड चाइल्ड यून को कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया मुझे इसके बजाय किंचेन कहें। ठीक है भाई किंचेन। यू चे ने भी दिखावा नहीं करने का फैसला किया और हंसते हुए कहा, उस मामले में भाई किंचेन कृपया मुझे गॉड चाइल्ड भी न कहें।
भाई किंचेन जैसे सच्चे ईश्वरीय बालक के सामने उस उपाधि से पुकारा जाना वास्तव में मुझे शर्म से लाल कर देता है। हाँ हाँ ठीक है, जो किंचेन ने हंसते हुए कहा, भाई यून, अगर आपके पास कभी भी भगवान के दायरे में लौटने का खाली समय हो तो आपको किंचेन को अपना मेजबान बनने का मौका देना चाहिए और आपका मार्गदर्शन भी मांगना चाहिए। मैं निश्चित रूप से करूंगा। यू चे ने सिर हिलाया। उन दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक बातचीत की और अंततः वे कुछ युवा देव बच्चों की प्रशंसा भरी निगाहों को आकर्षित करने लगे। यू चे और जो किंचेन ने अतीत में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की थी, लेकिन जब वे पहली बार एक दूसरे को जानने लगे तो वे इसे अच्छी तरह से समझने में कामयाब रहे। उसके लिए कोई अन्य कारण नहीं थे, ये सिर्फ इतना था कि यूनचे की नजर में जो किंचेन में अनंत स्वर के देवता सम्राट के समान कई गुण थे। इसके अलावा इस तथ्य के बावजूद कि वह एक ईश्वरीय संतान था, उसका आचरण विनम्र था, उसकी आंखें और आभा शुद्ध थी और उसके बारे में एक धार्मिक भावना थी। इन सभी चीजों ने यूनचे पर उसके प्रति बेहद अनुकूल प्रभाव छोड़ा। जो किंचेन की नजर में यूनचे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका उनके शाही पिता हर संभव तरीके से सम्मान और सम्मान करते थे। उसके पास दुनिया की सबसे चमकदार आभा थी, उसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था और उसके पास ऐसी उपलब्धियां थी जो सभी युगों तक बनी रहेंगी। इतना सब कुछ होने पर भी वह न तो घमंडी था और न ही गर्म स्वभाव वाला। इसके अलावा उसका भविष्य उज्जवल और असीमित था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास पवित्र हृदय था। उन्होंने अपने पिता के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि जिनका हृदय पवित्र होगा वे सभी प्राणियों से संबंध रख सकेंगे। वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखेंगे और कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे या बुरी इच्छा नहीं रखेंगे। वे इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कोई भी अपना सब कुछ सौंप सकता था और उनसे कभी भी सावधान नहीं रहना पड़ता था। इस ब्रह्मांड में केवल दो ही ऐसे लोग थे, पश्चिमी क्षेत्र की ड्रैगन रानी और पूर्वी क्षेत्र की यूचे। भाई किंचेन, यूचे ने कहा, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो वह व्यक्ति कियाने यंग होना चाहिए, क्या मैं सही हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जो किंचेन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह अवचेतन रूप से इसे अस्वीकार करना चाहता था। उसने उन शब्दों को कहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में वह केवल एक कड़वी मुस्कान देकर कह सका, देवी की सुंदरता को देखते हुए कौन आदमी वास्तव में शुद्ध दिमाग बनाए रखने में सक्षम होगा यदि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो। आपकी स्थिति को देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि वह किस तरह का व्यक्ति है और मैंने उस पर ये दासछाप क्यों अंकित की है। यूं चेने सच्चाई और सीधे तौर पर बात की। उसकी वजह से विचलित होना उचित नहीं है। जो किंचेन ने अपना सिर हिलाया। यह इसके लायक है या नहीं, ये सब व्यक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, सच कहूं तो मेरे शाही पिता ने मुझसे एक से अधिक बार कहा है कि मैं उसके साथ हमेशा रहने के सभी विचारों को मन से निकाल दूं। लेकिन इस प्रकार की चीज पूरे ब्रह्मांड में सबसे अतार्किक चीज है और इसे तर्क और कारण का उपयोग करके सचेत रूप से नियंत्रित करना सबसे कठिन भी है। मैं अभी भी इस संबंध में पर्याप्त परिपक्व होने से बहुत दूर हूँ। यूनचे ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। जो किंचेन की मुस्कान अब कठोर नहीं थी, इसके बजाय इसमें काफी आभार व्यक्त किया गया था। जैसा कि उन्होंने कहा था, मेरे साथ इतना स्पष्टवादी व्यवहार करने के लिए मैं भाई यूनचे को धन्यवाद देता हूँ। इस किंचेन का दिल काफी हल्का हो गया है। यूनचे ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसने अंदर ही अंदर आह भरी। इन हजार वर्षों के दौरान किया नए को आज्ञाकारी रूप से उसके साथ रहना होगा और जो भी उसे बताया जाएगा वह करना होगा। और इन हजार वर्षों के बीच जाने के बाद जिया किंगयुए निश्चित रूप से किया नए को मार डालेगी। मुझे आशा है कि तब तक वह अपनी भावनाओं से छुटकारा पा सकता है। इस समय उनके आसपास का स्थान अचानक जम गया। हर किसी की सांसें अटक गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय पहाड़ उनकी छाती पर दबाव डाल रहा हो। प्राइमल कैस की दीवार के सामने एक काली आकृति चुपचाप दिखाई दी। एक निराकार दमनकारी शक्ति ने उस क्षेत्र को जिसमें वे थे और साथ ही संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता को भी घेर लिया था। स्वर्ग पर शैतान को पराजित करने वाला सम्राट जी युआन बहुत शक्तिशाली था। वह इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी कि वह उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां प्रारंभिक अराजकता की संरचना और कानून उसकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। इस प्रकार जब भी वो प्रकट होती वो हमेशा एक भयानक घटना घटित करती। यहाँ तक कि तत्व भी निष्क्रिय हो गए और दूर के तारे भी अपने पथ पर रुक गए। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्हें अंधेरे के पिंजरे में दबाया जा रहा हो।
उनका अहंकार और उनका जुझारूपन पूरी तरह से छीन लिया गया था और उनमें केवल ये तुच्छ भावना बची थी कि उनकी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है और किसी भी समय उनका जीवन उनसे छीना जा सकता है। हम आदरपूर्वक स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का स्वागत करते हैं। सभी देव सम्राटों और दैवीय गुरुओं ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट जाने वाले थे और वह ठीक वैसे ही प्रकट हुई जैसे उन्होंने कहा था। उन सभी को निश्चिंत रहना चाहिए और गुप्त रूप से प्रसन्न होना चाहिए। हालांकि वह अत्यधिक दमनकारी शक्ति जो किसी की भी इच्छा को कुचल सकती थी, उन्हें भय से कांपने पर मजबूर कर देती थी। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट की पीठ हर किसी की ओर थी क्योंकि वह प्राइमल कैस की दीवार में एम्बेडेड क्रिम्सन मार्क को देख रही थी। बिना किसी की ओर देखे वह ठंडे स्वर में बोली, युनचे इधर आओ। हाँ, युनचे ने आज्ञा का पालन किया और आगे बढ़ गया। सभी की निगाहें युनचे पर थी लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही युनचे करीब आया, जी युआन ने अपना हाथ लहराया। तुरंत एक काली बाधा उत्पन्न हो गई और उन्हें उनके आसपास की हर चीज से अलग कर दिया गया। गहरे काले बैरियर के अंदर युनचे का सीधा सामना हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से हुआ। जी युआन की अभिव्यक्ति हमेशा बहुत ठंडी और शांत थी और यह वास्तव में युनचे था जिसकी आंखों में विरोधाभासी भाव और चेहरे पर अभिव्यक्ति थी। वह अपने कुलों को त्यागने, मार्ग को नष्ट करने और प्रारंभिक अराजकता के बाहर शून्य में लौटने वाली थी। जहां तक प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र का संबंध था, ये वास्तव में सबसे अच्छा संभव परिणाम था। इस आसन आपदा को सचमुच खत्म करने का यही एकमात्र तरीका भी था। यदि नहीं तो शैतान देवताओं की वापसी अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड को आपदा और उथल पुथल में डुबो देगी। जी युआन के इस ब्रह्मांड में रहने से ब्रह्मांड की संरचना और नियम भी धीरे धीरे टूटने लगेंगे, जो बदले में कई जीवित प्राणियों की मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन इसे अच्छी तरह से कहें तो जी युआन प्राइमल कैसे परे लौट रहा होगा, लेकिन हकीकत में वह खुद को और अपने बाकी रिश्तेदारों को पूरी तरह से मौत और निराशा की खाई में फेंक रही होगी और स्थिति में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं होगी। उसने कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की थी कि जी युआन उन शैतान देवताओं का सामना कैसे करेगा जिनकी आत्माएं बहुत पहले विकृत और विकृत हो गई थी एक बार जब वे प्राइमल अराजकता से परे लौट गए थे। वरिष्ठ, युनचे ने अपना मुंह खोला और कुछ कठिनाई से बोला, शायद आप अपनी गहन शक्ति के एक हिस्से से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह भले ही आप बने रहें, आप ब्रह्मांड की संरचनाओं को ढहाना जारी नहीं रख सकेंगे। वह जानता था कि वह कितना सड़ा हुआ विचार था, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। जी युआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसे गुस्सा भी नहीं आया। वास्तव में उसने भावना का एक संकेत भी नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसका सुझाव सुना ही न हो। उसने एक हाथ उठाया और अपनी उंगलियों के हल्के झटके से उसने काली रोशनी की एक छोटी सी गेंद युनचे की ओर उड़ा दी। अब इस चीज का मेरे पास कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। युनचे ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया और उसे प्राप्त कर लिया। ये काले जैद का एक टुकड़ा था जो लगभग अंगूठे के आकार का था। ये चिकना, गोल और नीरस था और इसमें कोई गर्मी, आभा या ऊर्जा नहीं थी। युनचे ने इसमें अपनी कुछ गहरी ऊर्जा डाली और वो तुरंत इससे निकलने वाली 8 अलग अलग आभाओं को महसूस करने में सक्षम हो गया। 6 मौलिक आभाएं थी, सूरजमुखी का पानी, लौ सूक्ष्म हवा, बिजली, बलुआ पत्थर और अंधेरा, और 2 थे विशेष आत्मा आभा। ये है, युनचे को तुरंत एहसास हुआ कि यह संभवतः कुछ ऐसा था जो विधर्मी भगवान से आया था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने कहा, इस पत्थर को नी युआन कहा जाता है। यह नी जुवान और मैं दोनों की शक्तियों से बनाया गया था। उसकी शक्ति को मेरी शक्ति पर प्राथमिकता दी गई थी। इसे पहनने से आपके प्रति दूसरों की धारणा विकृत हो जाएगी और वे आपकी गहन ऊर्जा और आभा को नहीं समझ पाएंगे। जब मैं उस समय नी हुआन के साथ रहता था तो मैं हमेशा इसे अपने शरीर पर पहनता था। ये नाम नी युआन स्पष्ट रूप से नी हुआन और जी युआन से एक शब्द लेकर बनाया गया था। वास्तव में इस नी युआन स्टोन के बिना सृजन के तत्वों के देवता और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के बीच संबंध बहुत पहले ही उजागर हो गया होता और उनके लिए बच्चे पैदा करना भी असंभव होता। युनचे द्वारा इसे दूर रखने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं उपहार के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूँ, मैं इसका अच्छे से उपयोग करूंगा। युनचे भेष बदलने की कला में काफी उत्कृष्ट था और उसने अक्सर निचले क्षेत्रों में इस क्षमता का उपयोग किया था, लेकिन एक बार जब वह ईश्वर लोक में पहुंच गया तो उसके लिए इस क्षमता को प्रदर्शित करना बहुत कठिन था। इसका उपयोग उसने एकमात्र बार तब किया था जब उसने खुद को डाक्या क्षेत्र में पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट के रूप में प्रच्छन्न किया।
था, लेकिन उस विशेष स्थिति के लिए एक बेहद सख्त शर्त थी। ऐसा यह था कि लेई कियानफेग और ब्लैक सोर डिवाइन संप्रदाय के बाकी लोगों ने पहले कभी उनके साथ बातचीत नहीं की थी, अन्यथा चाहे उसका भेष कितना भी उत्तम क्यों न हो, वह व्यर्थ होता। ऐसा उसकी आभा के कारण था। साधना के माध्यम से दैवीय आत्मा क्षेत्र प्राप्त करने के बाद एक गहन अभ्यासी की आध्यात्मिक इंद्रियां पूरी तरह से नश्वर दुनिया को पार कर जाएंगी। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की गहन ऊर्जा की आभा के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि युनचे जैसे कई प्रकार की गहन ऊर्जा रखने वाले व्यक्ति को भी उनकी जीवन शक्ति की आभा से पहचाना जा सकता है। हाँ, किसी को उसकी जीवन शक्ति की आभा से पहचाना जा सकता है। इसलिए जब युनचे को खुद को ईश्वर के दायरे में छिपाने की जरूरत पड़ी तो उसने कभी भी खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हमेशा हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग और मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग किया, जो उनकी आभा को सबसे बड़ी सीमा तक दबा सकता था और राज कर सकता था। यह नी युआन स्टोन दूसरों की इंद्रियों को विकृत करने में सक्षम था। इसका मतलब ये था कि जब अन्य लोग इसे पहनने वाले की आभा को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो यह वास्तव में जो था उससे पूरी तरह से अलग होगा। पहनने वाले की गहन ऊर्जा, पहनने वाले की गहन शक्ति या यहाँ तक कि पहनने वाले की जीवन शक्ति की आभा के गुणों के बावजूद, यदि इसमें भेष बदलने की कला भी जोड़ दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय जी युआन ने स्वयं इसका उपयोग किया था। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति सच्चे ईश्वर या सच्चे शैतान जैसे अस्तित्व से भी खुद को छुपाने में सक्षम होगा। इस युग के नश्वर प्राणियों की तो बात ही छोड़ दें। मैं यह आशा करूंगा कि आपको अपने जीवन काल में कभी इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, जी युआन ने ठंडे स्वर में कहा। युनचे ने ईमानदारी से कहा, भले ही मुझे इसका उपयोग कभी नहीं करना पड़े, इसमें वरिष्ठ और विधर्मी भगवान की आभा शामिल है। यह मेरे और ब्रह्मांड के लिए एक अमूल्य खजाना है, जी युआन ने पलटकर बेहद नीरस स्वर में कहा। अब मेरे जाने का समय हो गया है, बेहतर होगा आप अपना ख्याल रखें। युनचे का सिर झटका खा गया और उसके होंठ अलग हो गए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अंत में वह केवल धीमी आवाज में ही बोल सका, क्या सीनियर हागर और यूय को विदाई नहीं देंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने बिना किसी झिझक के वे भावहीन पांच शब्द बोले। उसने अपनी हथेली उठाए और उसकी उंगलियों पर एक काली रोशनी बननी शुरू हो गई। जैसे ही वह अंधेरे अवरोध को हटाने वाली थी, उसने चलना बंद कर दिया और उसकी उंगलियों पर काली रोशनी अपनी जगह पर जम गई। जैसे ही उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मुझे उन्हें एक बार और देखने दो। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, युनचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उन्हें अपने विचारों से बुलाया। जैसे ही होंगर और युया एक ही समय में प्रकट हुए, उसकी बाईं बांह पर तलवार की छाप से एक लाल और गहरे काले रंग की रोशनी एक साथ चमकी। नाचते हुए लाल बाल और धीरे धीरे तैरते चांदी के बालों ने युनचे के सामने प्रकाश के दो भव्य चाप खींचे। जी युआन की आभा तब थम गई जब उसने उन्हें अपने करीब महसूस किया, इससे पहले कि वह धीरे से घूमती और उन्हें देखती। उसके बाद वह अचानक फिर से घूम गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, केवल एक बार देखो, और उसने वास्तव में केवल एक ही बार देखा था। ठीक है, उन्हें वापस जाने दो, जी युआन ने कहा। उसकी आवाज पहले की तरह किसी भी भावना से पूरी तरह से रहित लग रही थी। युनचे ने जवाब दिया, क्योंकि उसे अपने दिल में एक दमघोंटू अनुभूति महसूस हुई जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता। वह समझ सकता था कि जी युआन ने क्या महसूस किया, वह सचमुच समझ सकता था। वह स्वर्ग पर प्रहार करने वाली शैतान सम्राट थी, लेकिन वह एक माँ भी थी। उसके विचार थोड़े बदल गए, क्योंकि हांगा और युया के शरीर से चमकने वाली सिंदूर और काली रोशनी टिमटिमाने लगी। इसी क्षण युएर के होंठ धीरे से हिले। माँ, जैसे ही तलवार की छाप पर रोशनी चमकी, हांगा और युआ दोनों गायब हो गए। उन नर्म और नींद भरे शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो, जिसने वास्तव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली शैतान को कांप दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कपकपी लगातार और अधिक तीव्र होती गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारी कोमल चीख उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर गई थी। वह ठीक ठीक जानता था कि उस धुंधले और अस्पष्ट शब्द का, एक ऐसा शब्द जो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किसी छोटे शिशु द्वारा बोला गया हो, जी युआन के लिए क्या मतलब था। युनचे, जी युआन ने आखिरकार कांपती आवाज में कहा। ऐसा नहीं था कि वह अपनी आवाज की कपकपी को नियंत्रित नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ताकत नी हुआन से विरासत में मिली है और तुम्हारी वर्तमान स्थिति और प्रभाव मुझसे आता है।
नी हुआन की बेटियां और मैं आपकी साथी हैं और मैंने आपको उन्हें अपनी तलवार के रूप में उपयोग करने की अनुमति भी दी है। उनके पिता ने अपने शेष जीवन का उपयोग उस बीज को छोड़ने में किया जिसने मौजूदा प्रारंभिक अराजकता को बचाया। उनकी माँ, हालांकि वह एक बार इस ब्रह्मांड में आपदा लाई थी, ये कुछ ऐसा था जिसके लिए ब्रह्मांड उसका ऋणी था। इसके अलावा उसने अपने रिश्तेदारों को धोखा देने और त्यागने, खुद को नष्ट करने और इस ब्रह्मांड को शांति प्रदान करने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार हमारे हांगा और आप इस ब्रह्मांड की सभी दयालुताओं के पात्र हैं। कोई नहीं कर सकता, किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यदि कभी ऐसा दिन आए जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए, तो तुम्हें उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। भले ही संपूर्ण ब्रह्मांड ही उन्हें नुकसान पहुंचाता हो और उनके साथ दुर्व्यवहार करता हो, फिर भी आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का नरसंहार करना होगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद यून चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उन्हें पता था कि जी युआन को ऐसा कुछ कहने का अधिकार था। इस समय अंधेरा दूर हो गया और यून चे और जी युआन की आकृतियां एक बार फिर सामने आ गई। उपस्थित देव सम्राटों और दिव्य गुरुओं की निगाहें एक ही समय पर केंद्रित हो गई। फिर भी जी युआन ने अभी भी किसी पर एक नजर भी नहीं बख्शी। एक झटके के साथ वह पहले से ही लाल गलियारे के सामने खड़ी थी। उनकी इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। हर एक व्यक्ति अपने दिल की अतुलनीय तीव्रता से धड़कने की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकता था। कुछ से अधिक निगाहें यू चे की ओर थीं, मानो वे उससे कोई सुराग प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन यू चे की निगाहें किसी से मेल नहीं खा रही थी। इसके बजाय उसने अपनी नजर जी युआन की पीठ पर टिका दी। उनका मूड बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। यू एर के उस धीमी चीख को बाहर निकालने के बाद जी युआन को अंततः खुद को शांत करने और अपनी बाधा को दूर करने से पहले पूरी 100 सांसें लेनी पड़ी। इस वक्त बहुत सारी निगाहें उस पर थीं और हर कोई न केवल उससे डर रहा था, बल्कि वे सभी उसके जाने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। वास्तव में जितनी जल्दी वह चली गई उतना बेहतर, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वह वास्तव में क्यों जा रही थी, वह क्या बोझ उठा रही थी और प्रारंभिक अराजकता से परे लौटने पर उसे क्या सामना करना पड़ेगा। केवल यू चे ही जानता था। वह इस तथ्य से और भी अधिक गहराई से अवगत था कि जी युआन छोड़ना नहीं चाहती थी। यदि उसने थोड़ा सा भी अधिक स्वार्थी होना चुना होता तो उसने जाने का विकल्प नहीं चुना होता। वास्तव में यदि उपस्थित किसी व्यक्ति को उसके साथ स्थानों की अदला बदली करनी होती तो वे जाने का विकल्प भी नहीं चुनते। यह एक शैतान था, एक शैतान जो इन लोगों की नजर में एक अपूरणीय दुष्ट अस्तित्व था जिसे स्वर्ग या पृथ्वी द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। यह वह शैतान सम्राट था जिसे मारने की कोशिश करने के लिए मुई ने अपनी उम्र कम करने में भी संकोच नहीं किया था। शैतान सम्राट को मारने के लिए वह घृणित तरीकों का उपयोग करने को तैयार था, ऐसे तरीके जिनसे वह आमतौर पर घृणा करता था। कितना शोचनीय, कितना दुखद। जी युआन उस सन्नाटे के बीच आगे चलने लगी। वह 3 मीटर से थोड़ा अधिक लंबे गहरे लाल रास्ते के करीब बढ़ती गई, जब तक कि वह उससे केवल एक कदम दूर नहीं रह गई। इस समय यून चे उसकी ओर झुका और उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, मैं आदरपूर्वक सीनियर को विदा करो। वह चीख बहुत धीमी थी और उसमें अवर्णनीय विषाद और द्वैख भरा हुआ था। उपस्थित देव सम्राटों और दिव्य गुरुओं की आंखें थोड़ी सी डगमगा गईं, क्योंकि वे सभी जल्दी से झुक गए और बोले, हम सम्मान पूर्वक शैतान सम्राट को विदा करते हैं। उनके अत्यधिक उत्साह और बेतहाशा खुशी के कारण उनकी चीखें वास्तव में अराजकता के शोर में बदल गई थी, जो कि उनकी पिछली व्यवस्था से एक विडंबनापूर्ण विरोधाभास था। बस एक और कदम के साथ जी युआन सुरंग में प्रवेश करेगी और एक बार सुरंग के माध्यम से यात्रा करने के बाद वह प्रारंभिक अराजकता से परे शून्य में प्रवेश करेगी। वह सुरंग को दूसरी तरफ से नष्ट कर देगी, जिससे उसके और उसके लिए एकमात्र संभावना बंद हो जाएगी, शैतान देवताओं की वापसी। लेकिन इसी क्षण जी युआन का शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी आंखों का रूप अचानक बदल गया। उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आया, जिससे उसके आसपास की जगह की आभा अचानक बदल गई। यू चे ने अपना सिर उठाया और जैसे ही वह उससे पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि जी युआन के शरीर से अचानक काली रोशनी फूट रही थी, इससे पहले कि उसने अपनी दोनों बाहों को लाल क्रिस्टल पर जोर से मारा। बूम! एक अतुलनीय रूप से गहरी और भारी ध्वनि हवा में गूंज उठी और इसने लगभग सभी के आंतरिक अंगों को झकझोर कर रख दिया। एक पल में क्षेत्र में जगह हिलने डुलने लगी और उनके आसपास के तत्व पूरी तरह से उन्मत्त हो गए, क्योंकि जीवन में एक अतुलनीय विशाल स्थानिक तूफान आ गया। यू चे को बहुत झटका लगा।
इस समय झुओ किनचिन, जो उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे, तुरंत चले गए और एक विशाल शक्ति ने उनके आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। उसने उत्सुकता से पूछा, भाई यू, क्या आप ठीक है? लगभग उसी समय जिया क्विंग्यू भी उसके पक्ष के करीब आ गया था। जैसे ही उसने पूछा क्या हो रहा है, उसकी अर्धचंद्राकार भौहें सिकुड़ गईं। मुझे कुछ पता नहीं है, यून चे ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। यून चे की आवाज पड़ते ही जी युआन के शरीर से एक बार फिर काली रोशनी फूट पड़ी और एक शक्ति जो ब्लैक होल से भी अधिक गहरी और उदास थी, एक बार फिर क्रिम्सन क्रिस्टल की सतह पर फूट पड़ी। बूम! अंतरिक्ष एक बार फिर हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग दूर उड़ गए। इसके साथ एक चीरने वाली आवाज भी थी जो इतनी चुभने वाली थी कि कोई भी शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता। क्रिम्सन क्रिस्टल की सतह पर एक दरार तेजी से फैल गई। ये बहुत स्पष्ट था कि जी युआन स्थानिक सुरंग को नष्ट करने के लिए अत्यधिक मात्रा में शक्ति का उपयोग कर रहा था। यून चे के शरीर की सारी ऊर्जा और खून उबल रहा था, लेकिन वह अपनी सांसों को समायोजित करने की भी जहमत नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वह अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से जी युआन को घूर रहा था। उसने सोचा, सुरंग से गुजरने के बाद ही उसे नष्ट करना चाहिए, तो वह अभी अचानक उस पर हमला क्यों कर रही थी? यदि उसने सुरंग को अंदर से नष्ट कर दिया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह प्राइमल चाओ दायरे को भी नहीं छोड़ पाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंत में हांगर और यूयो से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसलिए वह अपनी बात से मुकर गई? या जरा ठहरिए, यूं चेकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई, ये हो सकता है। इस समय उनके चारों ओर पहले से ही अंधेरा स्थान अचानक और भी गहरा हो गया और प्रचंड स्थानिक तूफान एक जंगली जानवर की तरह चिल्लाने लगा और अधिक से अधिक हिंसक हो गया। यदि यूचे को जिया क्विंग्यू की शक्ति द्वारा संरक्षित नहीं किया जा रहा था तो उसे चीर दिया गया होता कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि यहां तक कि वह जो उपस्थित सभी लोगों में से सबसे कमजोर था, स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि यह अतुलनीय रूप से भयानक अंधकार में दमनकारी शक्ति, साथ ही वह शक्ति जो इस स्थानिक तबाही का कारण बन रही थी, वहीं से आ रही थी जहां जी युआन खड़ा था। लेकिन वे जी युआन से नहीं आ रहे थे, वे लाल सुरंग के अंदर से आ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? जिया क्विंग्यू का रंग भी अचानक बदल गया। यही वह क्षण था जब अंततः सभी को ध्यान आया कि क्या हो रहा था, क्योंकि उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। शैतान, शैतान देवता, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट सदमे में चिल्ला उठे। उस भयानक अंधेरी दमनकारी शक्ति और विनाश की आभा के बाद जो हुआ वह एक आवाज थी जो दूर के रसातल से आती हुई प्रतीत होती थी, एक ऐसी आवाज जिसने हर किसी के दिल में उस भयानक अनुमान की पुष्टि की। यह आदिम अराजकता की आभा है, आदिम अराजकता की आभा है। वे छोटे छोटे कुछ शब्द इतने कर्कश लग रहे थे कि उन्होंने लगभग हर किसी के आंतरिक अंगों को अलग कर दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक उस आवाज में निहित विकृत पागलपन था। ये सबसे भयानक बुरी आत्मा के रोने से भी अधिक भयावह था जिसकी वे कल्पना कर सकते थे। और ऐसी एक से अधिक आवाजें थी। आखिरकार हम लौट आए, आखिरकार लौट आए, आहा, वाहा, ये शैतान सम्राट की आभा है। हमारे महान और सर्वोच्च गुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बूम! जी युआन का रंग अविश्वसनीय रूप से ठंडा और उदास था क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी भयानक शक्ति को लाल रंग की सुरंग की सतह पर मारा, जिससे एक दर्जन से अधिक दरारें पड़ गईं जो तेजी से फैल गईं। शैतान देवताओं की भयावह गर्जनाओं और चीखों के साथ सुरंग हिल रही है। क्या ये ढहने वाली है? नहीं, कोई सुरंग को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी करो, लानत है, चाहे कोई भी हो, वे सभी मरने के लायक है। प्राथमिक अराजकता के सभी देवता, प्रत्येक जीवित प्राणी, वे सभी मरने के पात्र हैं, वे सभी मरने के लायक हैं। इन शैतान देवताओं की दहाड़ें और अतुलनीय रूप से भयानक आभाएं निकट और निकट बढ़ती गईं। ये सही था, ये शैतान देवता थे, शैतान देवता जो प्रारंभिक अराजकता के बाहर अब तक बचे हुए थे। वे वर्तमान में प्राइमल कैस में लौटने के लिए वर्ल्ड पियर्सर द्वारा खोले गए क्रिम्सन मार्ग का उपयोग कर रहे थे। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम हर किसी के दिल और आत्मा पर एक कुचलने वाले बोझ की तरह महसूस हुआ। उपस्थित सभी देव सम्राट और दिव्य गुरु चादर की तरह पीले पड़ गए थे। स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के आसन प्रस्थान पर उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी, वह अंतहीन अंधकार और भय से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? यूं चे के हाथ मुठ्ठियों में बंध गए। घटनाओं के इस भयावह मोड़ ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। स्वयं स्वर्ग के शैतान सम्राट सहित सबसे पहले जी युआन ने उनसे कहा था कि यदि शैतान देवता क्रिम्सन मार्ग से कनेक्शन खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए अभी भी लगभग 3 महीने की आवश्यकता होगी, भले ही उन्होंने पहले संभावित क्षण में शुरुआत की हो।
लेकिन अभी केवल 2 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बीता था। जी युआन ने प्रस्थान के लिए जो समय चुना था वह अभी भी काफी पहले था और ये तारीख विशेष रूप से ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए चुनी गई थी, लेकिन यह वास्तव में वैसे भी घटित हुआ था और यह आखिरी क्षण में इतने क्रूर और संयोगवश घटित हुआ था। युनचे को यकीन था कि यह स्वर्ग के शैतान सम्राट का इरादा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में वास्तव में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका अनुमान वह भी गलत लगा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने सफलतापूर्वक खुली लाल रंग की सुरंग को देखा तो उन्हें जो अत्यधिक प्यास और पागलपन महसूस हुआ उसने एक ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दी थी जो उनकी सीमा को पार कर गई थी। कारण पहले से ही महत्वपूर्ण नहीं था। जिस क्षण ये शैतान देवता प्रारंभिक अराजकता में प्रवेश करेंगे वे निश्चित रूप से ब्रह्मांड को घेरने वाली आपदा का कारण बनेंगे जो अकल्पनीय रूप से भयानक थी। उन गरजती हुई शैतानी आवाजों में अत्यंत सघन आक्रोश और दुर्भावना समाहित थी। लगभग 100 शैतान देवता जिनकी आत्माएं विकृत हो गई थी और जो संसार से घृणा करते थे, जिस क्षण वे आदिम अराजकता में प्रवेश कर गए कोई भी उन सभी पर आने वाली ब्रह्मांड व्यापी आपदा को रोकने में सक्षम नहीं होगा। जी युआन भी नहीं कर सका। बूम, दुनिया को झकझोर देने वाला एक और बड़ा विस्फोट हवा को हिलाकर रख देता है जिससे अंतरिक्ष पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। कुछ दिव्य गुरुओं के आंतरिक अंग तुरंत फट गए जिससे उनके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। ऐसा इसलिए भी नहीं था क्योंकि वे जी युआन की शक्ति का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। वे वास्तव में केवल उसके हमलों की प्रतिक्रिया में फंस गए थे, कुछ ऐसा जिसे उसके हमलों के बाद का झटका भी नहीं माना जा सकता था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो पहले से ही इतना भयानक था। जी युआन की शक्ति के तहत लाल मार्ग की सतह पर दरारों का एक और मकड़ी का जाला खुल गया। इस समय पूरी हीरे के आकार की सुरंग अनगिनत वेब जैसी दरारों से भर गई थी और ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह रहने के कगार पर है। शैतान देवताओं की चीख पुकार और दुर्भावनापूर्ण आभा भी तीव्र गति से उनके पास आने लगी थी। स्थानिक मार्ग जो ढहने वाला था ने उन्हें कुछ नोटिस किया और उन्होंने तेजी से भयानक दहाड़े निकालनी शुरू कर दी। हालांकि जी युआन की गति ठीक इसी क्षण रुक गई। उसके बाद उसका शरीर काली रोशनी की एक किरण में बदल गया जो आगे बढ़ी और पूरी तरह से गहरे लाल रंग के मार्ग में प्रवेश कर गई। अपने पीछे केवल एक विशाल शैतानी आवाज छोड़ गई जो सभी के कानों में गूंज रही थी। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो 15 सांसों के भीतर इस सुरंग को नष्ट कर दें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। RRRRMBB। कई शैतान देवताओं की दयनीय चीखों के साथ गलियारे के अंदर से एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी आवाज दुनिया को हिला देने वाली गहन बिजली की तरह थी। उनकी आभा भी अचानक बहुत पतली और छिछली हो गई थी। ये स्पष्ट था कि उन्हें दूर तक विस्फोटित किया जा रहा था और स्वर्ग में शैतान सम्राट की शक्ति द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था। शैतान सम्राट, आप क्या कर रहे हैं? शैतान देवताओं ने आश्चर्य की कर्कश और उन्मादी चीखें निकाली। वापस जाओ, जी युआन ने गहरी आवाज में कहा। अन्य सभी देवताओं और शैतानों का सफाया कर दिया गया है और वर्तमान प्रारंभिक अराजकता अब वह दुनिया नहीं है जिसमें हम रहते हैं। नहीं नहीं शैतान सम्राट, क्या तुम पागल हो गए हो? इस दिन के आने का इंतजार करने के लिए हमने कितनी यातनाएं सहन की है। शैतान सम्राट पागल हो गया है। शैतान सम्राट पागल हो गया होगा, जी युआन ने एक और शब्द नहीं कहा। वह जानती थी कि उन्हें मनाने के लिए शब्दों का प्रयोग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने अपनी सारी काली दिव्य शक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर दिया और उसने लगातार आ रहे शैतान देवताओं को पीछे धकेल दिया। वह एक साथ उनकी शक्ति को भी पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही थी ताकि इसे प्रारंभिक अराजकता में लीक होने और यूचे और उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। मूल अराजकता ठीक हमारे सामने है, किसी को भी हमारे रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शैतान सम्राट पागल हो गया है, शैतान सम्राट को रोके। शैतान सम्राट पागल हो गया है। इससे पहले कि उन्हें और भी पीछे धकेला जाता उनका आभा मंडल कमजोर हो गया, लेकिन उसके बाद अधिक अंधकार में आभा अचानक प्रकट हो गई। अधिक से अधिक शैतान देवता निकट आ रहे थे। ये कई आभाओं से एक दर्जन से अधिक आभाओं में चला गया था और यह बढ़ता ही जाएगा। जल्दी करो और उस रास्ते को नष्ट करो, युनचे इतनी जोर से दहाड़ा कि उसका गला लगभग फट गया। तभी उपस्थित सभी लोग जो सभी डरे हुए और मूर्खतापूर्ण सदमे में थे अपनी नींद से जाग उठे। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट सबसे पहले क्रियान्वित हुए। जब वह सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा तो उसने शैतान देव शक्ति का मुकाबला किया जो किसी भी समय सुरंग से बाहर निकल सकती थी। जैसे ही उसने अपनी पूरी शक्ति से दरारों से भरे लाल रंग के मार्ग को सीधे तोड़ दिया उसके शरीर से गहरी रोशनी फूट पड़ी। इस झटके के साथ एक तेज चीख भी निकली, जल्दी।
जल्दी करो। अनंत स्वर्ग देव सम्राट के कार्य में आने के बाद 11 अन्य देव सम्राट भी वहां आ गए थे। जैसे ही क्षेत्र में गहन प्रकाश भर गया, उनकी शक्तियां एक साथ प्रस्फुटित हो गई। जब उसने यूचे के शरीर को घने चांदनी से टिमटिमाते सुरक्षात्मक अवरोध से ढक दिया था, तो ज़िया क्विंग्यू ने भी चलना शुरू कर दिया और जल्द ही 13 देव सम्राटों की शक्तियां एक साथ लाल मार्ग के खिलाफ विस्फोट कर गईं। तीनों दिव्य क्षेत्रों में कुल 14 देव सम्राट थे। आज इनमें से 13 देव सम्राटों की शक्तियां अपनी पूरी ताकत से अपनी शक्ति का विस्फोट कर रही थी और यह बिल्कुल पहली बार था जब वर्तमान आदिम अराजकता के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था। देव सम्राटों के कार्रवाई करने के बाद अन्य सभी भी आगे बढ़ गए थे। दिव्य मास्टर श्रेणी के गहन प्रकाश की एक के बाद एक किरणें शून्य से होकर गुजरी और गहरे लाल रंग की सुरंग में विस्फोटित हुई। कियानये, यूचे तेज आवाज में दहाड़ा। कियानये यंग र ने आज्ञा का पालन किया और उसने एक सुनहरी गहन रोशनी छोड़ी। यूचे को छोड़कर उपस्थित सभी लोग अपनी पूरी ताकत से एक दिशा में अपनी शक्ति का विस्फोट कर रहे थे। उपस्थित सभी लोगों के स्वभाव और नैतिक मूल्य भिन्न हो सकते हैं और उनमें से कुछ के बीच शत्रुता या घृणा भी हो सकती है, लेकिन इस समय हर एक व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर उदासी थी। उनकी सारी गहन ऊर्जा पूरी शक्ति से फूट पड़ी और वे कुछ भी रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह महज एक साधारण स्थानिक सुरंग नहीं थी जिसे वर्ल्ड पियसर द्वारा बनाया गया था। यह उनके भाग्य का एक अभिसरण बिंदु था, संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता के भाग्य का एक अभिसरण बिंदु था। यदि वे असफल हुए तो वे सभी विपत्ति में फंस जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कौन स्वार्थी विचार रख सकता है? स्वार्थी विचार रखने का साहस भी कौन करेगा? हालांकि यह अभी भी स्थानिक दैवीय शक्ति थी जो वर्ल्ड पियसर से आई थी। भले ही सुरंग की सतह पर दरारें पड़ गई थी, भले ही ऐसा लग रहा था कि यह ढहने के कगार पर है, लेकिन वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति द्वारा लगातार बमबारी के बावजूद ये बिल्कुल भी नहीं बदला। वास्तव में ये केवल कांपती हुई लग रही थी। हमलों के ऐसे काफिले के तहत बहुत हल्के ढंग से गहरे लाल रंग की सुरंग के दूसरी ओर एक और काली सुरंग के अंदर जो उससे जुड़ी हुई थी। जी युआन के सामने एक विशाल अवरोध खड़ा था जो हमलावर शैतान देवताओं को पीछे धकेल रहा था, उनकी शक्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था और उन्हें लाल सुरंग के करीब आधा कदम भी आने से रोक रहा था। शैतान सम्राट, क्यों क्यों? शैतान देवताओं ने क्रोध, आक्रोश और पागलपन की कर्कश चीखें निकाली। जी युआन के चेहरे पर एक अतुलनीय शांत भाव था। कोई घबराहट नहीं थी और कोई दर्द नहीं था। उसके चेहरे पर केवल एक ठंडी शांति थी और उसने कहा, रुको, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है वे पहले ही धूल में मिल चुके हैं। हमें वर्तमान युग के नश्वर प्राणियों पर अपनी घृणा और नाराजगी व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे युग की शांति को नष्ट करने की तो बात ही छोड़ दे। ये कुछ ऐसा है जो उनका हम पर बकाया है। OEEUSSS, हर किसी को मर जाना चाहिए, उन सभी को मर जाना चाहिए। जब वे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़े तो उन्होंने हताशा भरी दहाड़े मारी। हाँ, उन सभी ने बहुत समय पहले ही तर्कसंगतता का हर कण खो दिया था। वे पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं में बदल दिए गए थे जो केवल प्रतिशोध के लिए जीते थे। हमारे दुर्भाग्य का उनसे कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत करो, जी युआन ने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं आप सभी का साथ दूंगा। मैं आपके जीवन की रक्षा करूंगा और जिस दिन आप सभी अगली दुनिया में चले जाएंगे, मैं स्वाभाविक रूप से आपके पीछे चलूंगा। आह आह, शैतान देवताओं के हमले और दहाड़े और भी अधिक उन्मादी और हिंसक हो गई। अधिक से अधिक शैतान देवता उसकी ओर दौड़ रहे थे और जो अवरोध उसने अपनी पूरी शक्ति से बनाया था वह भी धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती थी। जी युआन ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देखा। उसकी आंखों में बहुत उदासी और धुंधली झलक थी। उसने खुद को और अपने सभी कुलजनों को प्रारंभिक अराजकता से परे दुनिया में दफनाने का फैसला किया था, और उसके फैसले का एक और कारण था, एक ऐसा कारण जिसके बारे में उसने यूचे को नहीं बताया था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयानक कारण। चर्चा कियानये फेंटियन के हाथ में एक सुनहरी तलवार दिखाई दी जो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही यह सीधे गहरे लाल रंग की सुरंग की ओर बढ़ा, ये चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, जिससे एक खड़खड़ाहट की आवाज आई जो इतनी चुभने वाली थी कि इसने लगभग हर किसी के कान के पर्दों को तोड़ दिया। इस समय अनगिनत उच्च श्रेणी की गहन कलाकृतियों और खजानों को बाहर निकाला जा रहा था और उन्मत्त गति से उपयोग किया जा रहा था। यहाँ तक कि जिन तुरुप के पत्तों को आमतौर पर कभी भी दिन का उजाला देखने को नहीं मिलता था, उनका भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी प्रकार के अत्याचारी आभा मंडलों को अराजक तरीके से जारी किया जा रहा था, जिससे सबसे आगे खड़े शक्तिशाली देव सम्राटों को भी
दमघोंटू अनुभूति महसूस हो रही थी। हालांकि इन हमलों पर अभी भी क्रिम्सन मार्क से बहुत अधिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई है। जो दरारें इसकी सतह को ढांक रही थी, वे दरारें जो चाहे कुछ भी करने के बावजूद चौड़ी नहीं हो रही थी, उनकी हीनता और अनुपयोगिता का उपहास करती हुई प्रतीत हो रही थी। और जी युआन ने उन्हें केवल 15 सांसें देने लायक समय दिया था। 15 सांसें, कहने का मतलब ये भी था कि अपनी क्षमताओं के साथ भी शैतान देवताओं की बढ़ती संख्या के खिलाफ, जो अंततः लगभग 100 उग्र शैतान देवताओं के रूप में सामने आ सकते थे, वह उन्हें केवल 15 सांसों तक ही पूरी तरह से रोक पाने में सक्षम थी। उन 15 सांसों के बीच जाने के बाद उन शैतान देवताओं की शक्ति बाधा को भेदने और प्रारंभिक अराजकता में प्रवेश करने में सक्षम होगी, इनमें से अधिकांश शक्तियों को दफन कर देगी। उसके बाद एक बार जब सबसे पहले शैतान देवता ने मार्ग से कदम रखा तो सभी दफा हो जाओ। यून चे ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि ऐसा लगा जैसे वे टूटने वाले हैं, लेकिन वह यहाँ सबसे बेकार व्यक्ति था। वास्तव में यदि उसने ज़ियाक्विंग्यू द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक अवरोध से एक कदम भी बाहर निकलने का साहस किया तो इन सभी शक्तियों की संयुक्त शक्ति से उत्सर्जित होने वाली अतिरिक्त शक्ति उसे तुरंत मारने के लिए पर्याप्त होगी। किसी भी शैतान देव शक्ति की तो बात ही छोड़ दे जो सुरंग से बाहर निकल सकता है। समय तेजी से बीतता रहा। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्होंने समय के तेजी से बीतने पर नाराजगी व्यक्त की थी। जैसे ही उसने लाल रंग के मार्ग को देखा, जो उनकी पूरी ताकत के बोझ के नीचे बमुश्किल बदला था, यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का चेहरा भी पूरी तरह से विकृत हो गया था, क्योंकि उसने अचानक एक उग्र चिल्लाहट छोड़ दी थी जो एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी। पफ, उसके होठों से बड़ी मात्रा में ताजा खून निकला और उसके पूरे शरीर पर बिखर गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ताजे खून के बाद जो आया वह उसका रक्त सार था, और इससे भी अधिक उन्मादी गहन ऊर्जा भी उसके शरीर से बाढ़ की तरह उभरने लगी। घटनाओं के इस मोड़ ने सभी को बहुत चौंका दिया, लेकिन उसके बाद उन सभी की आंखों पर एक निश्चित लाल बत्ती का रंग चढ़ गया। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट के पीछे के सभी संरक्षकों ने भी पहले संभावित क्षण में अपने रक्त सार का उपयोग किया। उसके बाद घटनाओं में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया जब निम्नतम उच्च क्षेत्र के राजा से लेकर सर्वोच्च ड्रैगन सम्राट तक सभी ने अपने रक्तसार का उपयोग किया। तत्काल प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी हिस्से में भयावह और हताश शक्ति की लहर के बाद लहर का विस्फोट हुआ। क्लैंग, लाल रंग की सुरंग थोड़ी हिल गई, फिर भी वह धीमी गड़गड़ाहट की ध्वनि हर चीज को भेदती हुई हर किसी के दिल और आत्मा में गूंजती रही। लेकिन अंत में ये केवल थोड़ा सा ही प्रभावित हुआ था। हालांकि वह तेज खड़खड़ाहट की आवाज और वह थोड़ी सी हलचल जो हर किसी ने देखी, उससे सुखद आश्चर्य की भावना पैदा नहीं हुई। इसके बजाय इसने घोर निराशा की भावनाओं को उकसाया। भले ही ये केवल एक स्थानिक मार्ग था जिसमें कोई जीवन नहीं था और यहाँ तक कि उन पर पलटवार भी नहीं करता था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जो वॉल्पियसर की स्थानिक दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया था। इसका स्तर बहुत अधिक ऊंचा था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने जिस शक्ति को जल्दबाजी में बुलाया था, उसने लाल रंग की सुरंग में अनगिनत दरारें छोड़ दी थी और उसके हमलों ने मूल रूप से इसकी नींव को पहले ही नष्ट कर दिया था। जब तक कोई बाहरी ताकत इसमें घुसने और उन दरारों को चौड़ा करने में कामयाब होती, ये पूरी तरह से ढह जाता। हालांकि जो शक्ति इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्तियों में से 13 के संयोजन से आई थी, साथ ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र में मौजूद परम शक्तियों के विशाल बहुमत के साथ, वास्तव में उन दरारों को रत्ती भर भी चौड़ा करने में कामयाब नहीं हुई थी। और ऐसा तब हुआ जब उन सभी ने बलपूर्वक अपने रक्तसार का उपयोग किया था। यह एक नश्वर प्राणी और एक शैतान सम्राट के बीच की दूरी थी। शायद जी युआन ने भी नहीं सोचा था कि वे सभी वास्तव में इतने बेकार होंगे। यह अच्छा नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? अनंत स्वर्ग की माननीय ताई यू ने दांत पीसते हुए पूछा। शाश्वत स्वर्ग शैतान सम्राट का रंग पहले से ही इतना पीला पड़ गया था कि वह व्यवहारिक रूप से रक्तहीन लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और द्वेष वास्तव में कम हो गया था और एक उदास इस्तीफे में बदल गया था। उसने आगे देखा और बुदबुदाया, क्या यही स्वर्ग की इच्छा है? अंत में हम अभी भी इस विपत्ति से बच नहीं सकते। लाल रंग की सुरंग से एक के बाद एक भयानक आवाजें आ रही थी। ऊर्जा विस्फोटों के साथ शैतान देवताओं की कर्कश चीखें भी मिल रही थी। हालांकि शैतान देवताओं की शक्ति अभी तक मार्ग से बाहर नहीं निकली थी, ये स्पष्ट था कि उनकी शक्ति को अभी भी हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट द्वारा बुरी तरह से अवरुद्ध किया जा रहा था, क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा भी रिसाव हुआ तो यह उनमें से अधिकांश को मारने या घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। वे हल्के से समझ सकते थे कि शैतान देवता की आभा पहले से ही दर्जनों में थी।
इसका मतलब ये था कि स्वर्ग की शैतान सम्राट वास्तव में इस क्षण अकेले ही दर्जनों शैतान देवताओं को रोक रही थी। लेकिन भले ही वह स्वर्ग का शैतान सम्राट ही क्यों न हो, वह इसे बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकती थी और शैतान देवता अगली ही सांस में उसकी बाधा को तोड़ सकते थे। आह, एक लंबी और लंबी आह भरने के बाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया है। लेकिन ठीक इसी क्षण एक युवा लड़की की आवाज अचानक हवा में गूंजी, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। इस युवा लड़की की आवाज स्पष्ट रूप से एक ऐसी आवाज थी जो किसी के कानों को विशेष रूप से मधुर लगती थी। फिर भी ये जहर बुझे ब्लेड की तरह हर किसी की आत्मा में सीधे घुस गया, जिससे उन सभी के दिल बुरी तरह से कांपने लगे और यहाँ तक कि उनके शरीर में गहन ऊर्जा के प्रवाह को एक पल के लिए रोक दिया गया। यूं चेका सिर झटका खाकर चिल्लाया, जैस्मीन, चीर। काली रोशनी की किरण ने शून्यता को भयंकर रूप से चीर दिया था। काली रोशनी के उस टुकड़े के भीतर लाल रंग की पोशाक में एक लड़की की आकृति खड़ी थी। उसके बाल रात के समान काले थे और उसकी आंखें गहरी खाई के समान थी। उसके साथ एक अजीब आकार के पहिए का छायाचित्र था जो भयानक काली धुंध में लिपटा हुआ था। दुष्ट शिशु का असंख्य कष्टों का चक्र। दुष्ट शिशु, ये दुष्ट शिशु है। दुष्ट शिशु से निकलने वाली आभा शैतान देवताओं से आने वाली आभा से कहीं कम भयानक थी, लेकिन ये किसी के दिल और आत्मा में काफी हद तक प्रवेश कर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दुष्ट शिशु की शक्ति थी जो स्तर से भी आगे निकल गई थी सच्चे शैतानों का। जैसे ही उन्होंने दुष्ट शिशु का सामना किया, सभी देव सम्राटों की आंखें, जो डर से घबराने वाले थे, चमक उठी, क्योंकि उन सभी को उस पल में कुछ एहसास हुआ। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट अपनी शक्ति वापस लेने वाले पहले व्यक्ति थे और जैसे ही वह पीछे हटे, उन्होंने एक उग्र दहाड़ लगाई, वापस जाओ। जैसे ही हर कोई घबराकर पीछे हट गया, जैस्मीन ने दुष्ट शिशु के असंख्य कष्टों के चक्र को सहन करने के लिए लाया जो पूरी तरह से काली रोशनी में घिरा हुआ था। उसने तुरंत सभी आकृतियों को पार कर लिया और एक गहरे उल्का की तरह गहरी रोशनी छोड़ी और लाल गलियारे में जा गिरी। क्रैक, दुनिया को नष्ट करने वाला शैतान पहिया गहरे लाल रंग के गलियारे में बुरी तरह से टकराया, क्योंकि उसमें से एक काली रोशनी फूट पड़ी जो पूरी प्रारंभिक अराजकता को निगल जाना चाहती थी। किसी शिशु की हृदय विदारक चीख दूर क्षितिज में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह प्रभाव हवा में गूंजा, इसने देव सम्राटों को, जो प्रभाव के बिंदु के सबसे करीब थे, खून की उल्टी करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे इतनी छोटी सी बात से परेशान नहीं हो सकते थे। चौड़ी आंखों से उन्होंने देखा कि लाल रंग की सुरंग की दरारें अचानक गहरे काले प्रकाश के नीचे फैल गई थी, जो कि असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र द्वारा छोड़ी गई थी। यहां तक कि उन दरारों का रंग भी गहरा काला कर दिया गया था। हालांकि जैस्मीन मजबूत थी, फिर भी मौजूद सभी शक्तिशाली शक्तियों की संयुक्त शक्ति की तुलना करना उसकी शक्ति के लिए असंभव था। हालांकि इस लाल मार्ग का सामना करते समय किसी की प्रभाव शक्ति समग्र शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी। सात महान स्वर्गीय गहन खजानों के भीतर वर्ल्ड पियसर को छठा स्थान दिया गया था, जबकि एविल इन्फेंट व्हील ऑफ मैरियट क्लेबुलेशन को दूसरा स्थान दिया गया था। तो शक्ति के स्तर के संदर्भ में दुष्ट शिशु की अंधकार में शक्ति निश्चित रूप से विश्व पियसर की स्थानिक दिव्य शक्ति से ऊपर है। ये निराशा के बीच अचानक आशा की किरण जैसा था। अपने सदमे से उबरने के बाद सभी के चेहरों पर बेतहाशा खुशी के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें एक बार फिर उम्मीद महसूस हुई। उन्होंने निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस ब्रह्मांड का सबसे अंधकार में अस्तित्व होगा जो उन्हें इस समय सबसे चमकदार आशा देगा। टक्कर से चमेली का शरीर दूर जा गिरा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना भीषण हमला फिर से शुरू कर दिया। असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु का पहिया एक बार फिर गहरे लाल रंग की सुरंग से टकराया। क्षेत्र में एक बार फिर काली रोशनी छा गई। उपस्थित सभी लोगों के हृदय और आत्मा में एक आवाज गूंज उठी। एक पल में यह एक शिशु के विलाप की तरह लग रहा था, अगले ही पल में यह एक शैतान की चीख की तरह लग रहा था। गहरे लाल रंग के मार्ग की सतह पर दरारें फिर से चौड़ी हो गईं और उसके बाद यह जोर जोर से हिलने लगा। बूम, दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र को तीसरी बार ध्वस्त किया गया। भले ही दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र की अंधकार में ऊर्जा विश्व पियसर की स्थानिक ऊर्जा के साथ केवल दो बार टकराई थी, अत्यधिक भयानक पुनरावृत्ति के कारण रक्त का रिसाव होने लगा उसके मुंह का एक कोना। हालांकि उसकी आंखें अभी भी उदास और वीरान थी और दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेश का पहिया तेजी से एक बार फिर नीचे की ओर बढ़ रहा था। वह हर हमले के साथ अपनी पूरी ताकत लगाता था और हर वार से एक काली रोशनी निकलती थी जिससे उसके आसपास का स्थान भी कांपने लगता था। लाल रंग की सुरंग की सतह पर दरारें बड़ी होती जा रही थी और उसका हिलना अधिक से अधिक हिंसक होता जा रहा था।
चमेली के होठों के कोने से लगातार खून बह रहा था और वह अतुलनीय रूप से चमकदार लाल और चमकदार दिख रहा था। जल्दी करो और दुष्ट शिशु की मदद करो। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की महान गर्जना ने सभी को उनके सपनों से जगा दिया। हर किसी ने अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्मुक्त करना शुरू कर दिया, जो थोड़े समय के लिए रुकी हुई थी। पूरी ताकत से जब वे गहरे प्रकाश की किरण के बाद किरण में बदल गईं, जो कि लाल रंग की सुरंग के खिलाफ विस्फोटित हुई। भले ही उनकी शक्तियों के लिए वर्ल्ड पियसर से आने वाली स्थानिक दिव्य ऊर्जा को प्रभावित करना लगभग असंभव था, अगर वे उस विशेष क्षण को जबत कर सकते थे तो वे संपूर्ण प्राइमल अराजकता की नियति को बदलने में सक्षम हो सकते थे। हर कोई, जल्दी से अपनी शक्ति मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने उन शब्दों को दहाड़ा, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की पीठ पर तेजी से एक हल्का सफेद गहरा गठन हुआ और शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र से संबंधित सभी लोग तुरंत समझ गए कि इसका क्या मतलब है। सात संरक्षक जो मौजूद थे और अनंत स्वर्ग के युवराज जो किंचन जितनी जल्दी संभव हो सके अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट के पीछे एकत्र हुए, इससे पहले कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस गहन संरचना में डालना शुरू कर दिया। यह अद्वितीय दिव्य शक्ति थी जो अकेले अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से संबंधित थी। यह विभिन्न प्रकार की शक्तियों को अत्यंत तीव्र गति से संयोजित कर सकता है, जो मूल रूप से उस व्यक्ति की शक्ति और स्तर को बदल देगा जिसके पास यह है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने इस क्षमता को एक बार पहले प्रदर्शित किया था जब वे पहली बार सबसे पूर्वी भाग में पहुंचे थे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र और क्रिम्सन दरार के आमने सामने आ गए। उस समय इस कौशल ने उपस्थित सभी दिव्य गुरुओं की शक्ति को केंद्रित कर दिया था। दुष्ट शिशु के आगमन ने एक बात साबित कर दी थी। इसने साबित कर दिया था कि किसी की शक्ति का स्तर उसकी शक्ति की मात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उस स्थिति में शायद ये शक्ति एक ऐसी शक्ति जिसमें अन्य शक्तियों को केंद्रित करने और संयोजित करने के बाद थोड़ा मौलिक परिवर्तन आया था, थोड़ी उपयोगी हो सकती है। दूसरों ने सदमे के क्षण के बाद स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगले ही पल में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की पीठ पर गहन संरचना की ओर भेजने से पहले उन्होंने तुरंत अपनी सारी शक्ति वापस ली। गहरा गठन तेजी से घूम गया और अत्यधिक घने सफेद प्रकाश के एक समूह ने उसके पूरे व्यक्तित्व को घेर लिया। उसकी आंखें गहरे लाल रंग के गलियारे पर टिकी थी जो जोर से हिलने लगा था जब वह प्रार्थना कर रहा था कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट उसे रोके रख सके। एक सांस, दो सांस, तीन सांस। यह उस समय के 15 सांसों से केवल एक पल की दूरी पर था जो स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने उन्हें दिया था। इसलिए शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उस शक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं की जो उसे दी गई थी। एक धीमी दहाड़ के साथ वह अपने अंदर एकत्रित की गई शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने वाला था। लेकिन यही वह क्षण था जब प्राइमल कैस आयाम में एक अतुलनीय शोकपूर्ण और तीव्र विलाप सुनाई दिया। तारों को निगल सकने वाली काली रोशनी की किरण उस पर पड़ने के बाद लाल रंग की सुरंग जो अब काली दरारों से भरी हुई थी हिंसक रूप से फट गई, लाल काले स्थानिक टुकड़ों में बदल गई जिससे आकाश भर गया। सुरंग ढहने के बाद प्राइमल कैस की दीवार में सुरंग जितना बड़ा एक छेद दिखाई दिया। जैसे ही सुरंग ढही ये छेद बेरहमी से फट गया, इससे पहले कि यह तेजी से सिकुड़ने लगे। नहीं नहीं, वे निराशाजनक चीखों की लहरें सुन सकते थे जो कि आदिम अराजकता से परे मौजूद दूसरी दुनिया से आ रही थी। सदमा, उत्तेजना, परमानंद, कल्पना, ये सभी भाव उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर अस्त व्यस्त रूप से प्रकट हो गए। सुरंग ढह गई थी और इसके फिर से प्रकट होने की कोई संभावना नहीं थी। प्रारंभिक अराजकता की दीवार में दरार अगले ही पल गायब हो जाएगी और फिर स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट और वे भयानक शैतान देवता जो कुछ ही क्षण पहले उनके इतने करीब थे फिर कभी इस दुनिया में कदम नहीं रख पाएंगे। वे एक बड़ी विपत्ति से बच गए थे। वे एक बार फिर एक और बड़ी विपत्ति से बच गए थे। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की भुजाएं, जिनमें उपस्थित सभी लोगों की सघन शक्ति समाहित थी, रुक गईं। उसकी बेतहाशा खुशी बीत जाने के बाद अचानक उसकी आंखों में द्वंद्व और संघर्ष का एक संकेत दिखाई दिया। हालांकि ये छोटा सा संघर्ष केवल एक पल से भी कम समय तक चला और जो हाथ मूल रूप से लाल दरार की ओर फैला हुआ था उसने अब अचानक दिशा बदल दी और जैस्मीन की पीठ पर जमकर वार किया। बूम! एक विस्फोटक विस्फोट के साथ अंतरिक्ष पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट सहित सभी को बलपूर्वक हवा में फेंक दिया गया। इससे पहले कि वह और असंख्य क्लेश का दुष्ट शिशु का पहिया उस तेजी से सिकुड़ती दरार की ओर बढ़े, जैस्मीन ने खून का एक लंबा तीर उगल दिया। आदिम अराजकता की दीवार एक काले टूटते तारे की तरह RIAIP। जैसे ही जैस्मिन का शरीर प्राइमल कैस की दीवार की दरार से गुजरा, वह दरार जो बिजली से विकृत लग रही थी पूरी तरह से गायब हो गई।
इसने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। यह इतना चिकना था कि किसी को भी निराशा महसूस हो सकती थी। कह 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 शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट ने लगातार झागदार खून की उल्टी की, लेकिन उनके चेहरे पर एक अतुलनीय प्रसन्नता और शांत मुस्कान थी। शैतान सम्राट, शैतान देवता और दुष्ट शिशु सभी का सफाया कर दिया गया है। प्रारंभिक अराजकता अंततः शांत हो सकती है। चमेली गायब हो गई। असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के चक्र, स्वर्ग द्वारा शैतान सम्राट को मारने वाले और शैतान देवताओं के साथ वह हमेशा के लिए आदिम अराजकता से कट गई थी। वह अब कभी वापस नहीं लौट सकेगी। सब कुछ एक पल में घटित हो गया था। लाल रंग का मार्ग टूट रहा है। दुष्ट शिशु दीवार की दरार में धंसा हुआ है। दोनों लगभग एक ही समय पर घटित हुए थे और किसी ने भी इसे होते नहीं देखा था। शैतान सम्राट की आभा समाप्त हो गई थी। शैतान देवताओं की आभा समाप्त हो गई थी। यहाँ तक कि दुष्ट शिशु की आभा भी चली गई। पूरी तरह से ढहती हुई जगह और स्थानिक तूफान इसके बाद तेजी से पीछे हट गए। सब कुछ एक बार फिर शांत हो रहा था। जब सदमे का क्षण बीत गया तो लगभग सभी के चेहरों पर जो दिखाई दिया वह पागल खुशी थी। जब शैतान देवता बिना किसी चेतावनी के उनके पास आए तो वे भयभीत, स्तब्ध और निराशा के कगार पर पहुंच गए थे। उनकी ताकत शैतान देवताओं से इतनी कम थी कि बुनियादी तौर पर वे उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, शैतान सम्राट ने उन्हें काट दिया और दुष्ट शिशु अचानक प्रकट हुआ और लाल रंग की सुरंग को नष्ट कर दिया, जिससे प्राइमल कैस में प्रवेश करने का उनका एकमात्र रास्ता बंद हो गया। फिर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने सभी की ताकत इकट्ठी की और दुष्ट शिशु पर पीछे से हमला किया और लगभग उसी समय उसे प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकाल दिया। ठीक उसी तरह शैतान सम्राट, शैतान देवता और दुष्ट शिशु प्रारंभिक अराजकता को प्रभावित करने वाली तीन सबसे बड़ी आपदाएं एक ही दिन में समाप्त हो गई थी। ये सच है कि इसमें थोड़ी विडंबना शामिल थी, क्योंकि शैतान सम्राट अपनी इच्छा से चला गया था, शैतान देवताओं को स्वयं शैतान सम्राट ने काट दिया था और मार्ग को दुष्ट शिशु ने नष्ट कर दिया था। यदि शैतान सम्राट और दुष्ट शिशु के संयुक्त प्रयास नहीं होते तो दुनिया को खत्म करने वाली आपदा प्रारंभिक अराजकता में प्रवेश कर गई होती। लेकिन दुष्ट शिशु आश्चर्यचकित रह गया था और उसने अनिवार्य रूप से अपनी सुरक्षा को कम करने का कारण ये था कि उसने अपनी सारी शक्ति लाल रंग के मार्ग को नष्ट करने और प्रभाव से थोड़ा उबरने में खर्च कर दी थी। लेकिन जब तक परिणाम प्राप्त होते रहे तब तक प्रक्रिया या तरीकों की परवाह किसे थी, खासकर तब जब यह विशेष परिणाम सबसे उत्तम परिणाम था जिसकी कोई भी उम्मीद कर सकता था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वर्ग हमारी रक्षा करता है, एक उच्च लोक का राजा भावनात्मक रूप से चिल्लाया। सभी तीन आपदाएं एक ही दिन में समाप्त हो गईं। स्वर्ग वास्तव में हम पर नजर रख रहा है। कितनी त्वरित प्रतिक्रिया और निर्णायक क्षमता। वह वास्तव में हमारा स्वामी बनने का हकदार है। माननीय ताइयू ने भावनात्मक रूप से आह भरी। ये बुरा है, जिया क्विंग्यू ने बुदबुदाया। शैतान देवताओं का अचानक आना, दुष्ट शिशु का अचानक प्रकट होना, जो जुजी का अचानक हमला, किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी और सब कुछ बस एक पल में हो गया था। इनमें से किसी पर भी प्रतिक्रिया करना असंभव था। अप्रत्याशित घटनाएं उन्हें घटित होने से तो रोकती ही नहीं। फिर उसने यूचे की ओर देखा और महसूस किया कि उसका दिल और भी डूब गया है। यूचे ने ईश्वर क्षेत्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे और उसके पास पूरी दुनिया में एकमात्र सृजन ईश्वर की विरासत थी। जी युआन शुरू से ही उसका तावीज था और दुष्ट शिशु को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए था। लेकिन अब जब दुष्ट शिशु चला गया था, यूचे ऐसे बेहोश हो गया जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। वह उस स्थान को घूरता रहा, जैस्मीन सिकुड़ी हुई पुतलियों के साथ गायब हो गई थी, हर तरफ कांप रही थी। ये ज्यादातर लोगों के लिए स्वर्ग से एक उपहार हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक दुःस्वप्न था जो कहीं से भी आया था। चमेली, जैसे ही वह प्राइमल कैस की दीवार की ओर लड़खड़ाने लगा और उसे निर्दयता से वापस गिरा दिया गया, उसकी अपनी ही बड़बड़ाहट ने उसे अचेतन स्थिति से बाहर कर दिया। प्रारंभिक अराजकता की दीवार पूरी दुनिया में सबसे निराशा पैदा करने वाली बाधा थी। किसी भी ताकत से तोड़ना असंभव था। प्रारंभिक अराजकता की दीवार के दूसरी ओर विनाश की दुनिया और नासमझ शैतान देवताओं की भीड़ थी। जब जैस्मीन ने लाल मार्ग को नष्ट कर दिया तो उसे स्वयं गंभीर चोटें आईं। जिस स्थिति में उसे छोड़ दिया गया था उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह कभी वापस नहीं लौटेगी। वह इस दुनिया और उसके जीवन से हमेशा के लिए चली गई। गह आह आह, उसकी पुतलियां पागलों की तरह सिकुड़ गईं और उसका दिल लहूलुहान हो गया।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे पूरी दुनिया के सबसे क्रूर, सबसे ठंडे नरक में डाल दिया गया हो और ठंडक उसके रोम रोम से होते हुए उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में समा रही थी। वह धीरे धीरे और अजीब तरह से घूमा जब तक कि उसका सामना अनंत स्वर्ग के देव सम्राट से नहीं हो गया। वह देव सम्राट जिस पर वह भरोसा करता था, सम्मान करता था और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे अधिक उसकी सराहना करता था। जैसे ही उसने पूछा, उसकी तेजी से हिलती हुई पुतलियां खून की तरह लाल हो गईं। क्यों? क्यों किया तुमने? स्थान शांत हो गया और युनचे पर निगाहें अचानक बहुत जटिल हो गईं। कुछ मामलों में वे अजीब और चिंतनशील थे। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह युनचे से आंखें मिलाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। उन्होंने आह भरते हुए कहा, जब तक दुष्ट शिशु अस्तित्व में रहेगा, दुनिया चैन से नहीं बैठेगी और यह अभी जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। मैं खुद को इसे चूकने नहीं दे सकता। गुह हे है। यूं चेकी सांसें इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय उसकी छाती फट जाएगी। क्रोध, द्वेष, घृणा और अविश्वास का अभूतपूर्व स्तर उसके पूरे शरीर में फैल गया था और उसका मन और आभा कभी भी इतनी अधिक अराजक नहीं थी जितनी अब है। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसकी दृष्टि भी खून से लाल हो गई थी। क्या तुम मुझसे पहले किया हुआ वादा भूल गए हो? मैंने जैस्मीन की ओर से पीछे हटने और हमेशा के लिए निचले दायरे में रहने का वादा किया था, और आपने वादा किया था कि आप दोनों एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे। आपने खुद से यह वादा किया था। आह, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उत्तर देने से पहले एक भारी आह भरी। यह एक हताशा भरा विकल्प था। मैं जानता था कि मेरे पास उसे खत्म करने की शक्ति नहीं है और इसे मजबूर करने का परिणाम केवल हताश प्रतिशोध और अंतहीन परेशानियां होंगी। भले ही वह निचले लोकों में रहे, वह अभी भी अस्तित्व में रहेगी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह खुद को हमेशा के लिए रोक लेगी, और कोई भी वास्तव में ये जानकर भूल या आराम नहीं कर सकता है कि एक पूरी तरह से जागृत दुष्ट शिशु अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। ये सच है कि एक देव सम्राट होने के बावजूद मैंने अपना वादा तोड़ दिया है, अनंत स्वर के देव सम्राट ने दुखी होकर कहा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैंने देव सम्राट की पदवी का अनादर किया है, लेकिन मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है, भले ही इसके लिए आपको नफरत अर्जित करनी पड़े और पूरी दुनिया से तिरस्कृत होना पड़े। उसने आपकी जान बचाई। युनचे ऐसे चिल्लाया जैसे वह पागल हो गया हो। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह मार्ग नष्ट हो जाता। शैतान देवता आ गए होंगे और आप सभी मर गए होंगे। हर कोई मर गया होता। वही थी जिसने आपकी जान बचाई थी। वही थी जिसने सभी की जान बचाए और ईश्वरीय क्षेत्र का वर्तमान और भविष्य बचाया। युनचे की दहाड़ इस समय पूरी तरह कर्कश हो गई थी। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द ऐसे लग रहे थे मानो वे खून से लथपथ हो। लेकिन आपने उस पर हमला करने का यह अवसर लिया। आपने एक ऐसे व्यक्ति पर हमला किया जिसने आप सभी की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई पछतावा महसूस करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई यू झो किंचन थोड़ा घबराया हुआ बोला, कृपया पहले शांत हो जाएं। हाँ, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने फिर से आह भरी और कहा, आप सही कह रहे हैं। यदि ये दुष्ट शिशु न होता तो हम सभी पर एक विपत्ति आ पड़ती। ये सच है कि वही थी जिसने हम सभी को बचाया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने विश्वासघात किया था और भोजन खिलाने वाले हाथ को काटा था। मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। मैंने जो पाप किया है उसके कारण मैंने तुम्हारे साथ, उस दुष्ट शिशु के साथ और पूरी दुनिया के साथ अन्याय किया है। मैं अपनी शर्मिंदगी को जानते हुए अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपनी आभा पूरी तरह से वापस ले ली और कमजोर शक्तिहीन आवाज में कहा, आपके नुकसान की भरपाई के लिए मैं अपना जीवन आपको सौंप दूंगा। उनके शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। अभिभावकों के नेता माननीय ताईयू ने चौंकते हुए कहा, माय लॉर्ड, क्या आप क्या कह रहे हैं? ताईयू, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, किंचन अभी भी युवा है और उसे आने वाले कुछ समय के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। ये शर्म की बात है कि मैं पुरखे को अलविदा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यह जरूरी है। भगवान बच्चे यू, कृपया मेरी जान ले लो। कम से कम तब मुझे लगता है कि मेरा अपराध कम हो जाएगा। साथ ही इस तथ्य के बाद कोई भी इस आदान प्रदान को रोकने या इसके लिए गॉड चाइल्ड यून का पीछा करने वाला नहीं है। शाही पिता झो किंचन एक झटके में झो जुजी के बगल में दिखाई दिए। आप कैसी बकवास कर रहे हैं मेरे नाथ? माननीय ताईयू के कहने से पहले
अभिभावक भी झोजुजी के करीब आ गए थे। हे प्रभु, आप जैसा पवित्र व्यक्ति इतना मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर सकता। आप गलत नहीं थे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं थे। ये सच है कि तुमने युनचे को गलत किया, लेकिन तुम्हें इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे स्वामी हैं, देव सम्राट हैं, न तो शाश्वत स्वर्ग, देव क्षेत्र या पूर्वी दिव्य क्षेत्र खोने का जोखिम उठा सकते हैं। तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में इतनी आसानी से बोलने की अनुमति नहीं है। हे, युनचे हंसा। उसकी मुस्कान बर्फ से भी अधिक ठंडी थी और उसकी नफरत जंगली जानवर की तरह उसके पास मौजूद हर चीज को निगल रही थी। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था और उसे पता भी नहीं चला, और जब भी वह कुछ बोलता था तो खून चारों तरफ बह जाता था। एक जीवन के बदले एक जीवन, अरे क्या मजाक है। तुम्हारा जीवन मेरी जैस्मीन के लायक नहीं है, शाश्वत स्वर्ग। मेरी जैस्मीन वह है जिसने कभी भी दुनिया से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी जब उसे उसके रिश्तेदारों ने धोखा दिया था या दुनिया ने उससे डर और नफरत की थी। जब स्थिति गंभीर थी तो उसने बाहर कदम रखा और सभी की जान बचाई, उसके स्वास्थ्य की कीमत। वह सच्ची मसीहा है जिसका आप सभी को जीवन भर धन्यवाद और पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप हमेशा न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा दुनिया को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने सबसे घृणित, बेशर्म और दुर्भावनापूर्ण तरीके से सच्चे मसीहा को मार डाला, और आप ये कहने का साहस कर रहे हैं कि आपको कोई पछतावा नहीं है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की भौहें कांप रही थी और उनका चेहरा उदास दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में ही वर्षों का हो गया हो। यहाँ तक कि एक जानवर भी जानता है कि कृतज्ञता क्या है, लेकिन आप शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट कहलाने के योग्य नहीं है। तुम स्वर से भी कम हो। आप जैस्मीन की जिंदगी का बदला अपनी जिंदगी से चुकाना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इतनी भी नहीं है, कुत्ते। युनचे का अपमान सुनकर हर किसी की अभिव्यक्ति बदल गई। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित देव सम्राट थे। किसी ने कभी उसका इस तरह उपहास नहीं किया था, किसी ने कोशिश भी नहीं की थी। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के संरक्षक अपमान से भड़क उठे। माननीय तायु की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और वह गुर्राते हुए बोले, तुम बहुत आगे निकल गए हो युनचे। लेकिन युनचे उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो एक प्रकार की घृणा के साथ शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को घूर रहा था, जो केवल अपने शिकार को सबसे क्रूर तरीके से टुकड़ों में फाड़ने से ही शांत हो सकता था, और तब भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता था। बूढ़ा कुत्ता अनंत स्वर्ग। आज से पहले युनचे ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उस देव सम्राट के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करता है। तुम्हारे कुत्ते का जीवन जैस्मीन के साथ दफनाने लायक नहीं है, लेकिन तुम इस दुनिया में रहने के लिए उससे भी कम लायक हो। उसने दहाड़ मारी और एक पल में हेल मोनाक को सक्रिय कर दिया। एक जंगली जानवर की तरह जो घृणा और रक्तपिपासु से भरा हुआ था, वह रक्त ऊर्जा से घिरी उंगलियों से अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून से सना हुआ पंजा चला रहा था और उसने अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट के गले पर बेरहमी से वार किया था। देव सम्राट बिल्कुल भी नहीं हिला, उन्होंने अपना आभा मंडल भी प्रसारित नहीं किया। युनचे रुको, जिया क्विंग्यू तुरंत चिल्लाया, टकराना। लेकिन इससे पहले कि जिया क्विंग्यू उसे रोक पाती, युनचे को गिरा दिया गया। माननीय ताइयु झोजुजी के सामने अपने हाथ ऊपर किए हुए और अपनी भौहें सिकोड़ कर खड़े थे। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, युनचे, पीछे हटना, अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। उसे मत रोको शाही पिता। यहां तक कि झो किनचेन युनचे का रास्ता रोकने के लिए शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के सामने खड़ा हो गया था। जैसे ही उसने युनचे की ओर देखा तो उसकी आवाज कठोर हो गई और उसने कहा, भाई युन, ये सच है कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने सही काम किया था। मेरे पिता को दुष्ट शिशु के प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं है, उन्होंने ऐसा केवल दुनिया में सभी को बचाने के लिए किया था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुम्हें मेरे शाही पिता को जी भर कर अपमानित करने का अधिकार है, लेकिन तुम वास्तव में उनकी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकते हो। कह है। युनचे को दर्द से खांसी हुई और उसके होठों से खून बहने लगा। ये बताना असंभव था कि क्या उसका खून बह रहा था क्योंकि माननीय ताइयु ने उसे घायल कर दिया था, या केवल गुस्से के कारण उसका रक्त संचार नियंत्रण से बाहर हो गया था। अनंत स्वर्ग का युवराज सही है। जैसे ही कियाने फैंटियन बगल से धीरे धीरे बाहर निकला, एक धीमी आवाज अचानक अंतरिक्ष में घुस गई। हम सभी ने शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट को दुष्ट शिशु के साथ एक गैर आक्रामकता समझौते पर सहमत होते हुए सुना है, और हम में से कोई भी उसके फैसले से असहमत नहीं था।
लेकिन ये भी सच है कि उस स्थिति में हम यही एकमात्र निर्णय ले सकते थे। हर कोई जानता है कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के पास एक दयालु हृदय है जो पूरी दुनिया को शामिल करता है, और उनकी धार्मिकता केवल उनके वादों के प्रति उनकी वफादारी से ही आगे बढ़ती है। लेकिन वह अपना वादा तोड़ने, घृणित कार्य करने और अपनी सम्मानजनक प्रतिष्ठा को खतरे में डालने की हद तक आगे बढ़ गया। क्यों? यून चे ने ऊपर देखा और कियाने फेंटियन को घूर कर देखा। कियाने फेंटियन की आवाज अचानक गहरी हो गई और वह गुर्राने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुष्ट शिशु की मृत्यु दुनिया में शांति लाएगी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट दुनिया की रक्षा के लिए अपनी प्रतिष्ठा और अखंडता का बलिदान करने के लिए इस हद तक चले गए। वह कैसे गलत है? गॉड चाइल्ड यून, तुम ही हो जिसने दुनिया को बचाया है और कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन कियाने फेंटियन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। यदि आप एक ऐसी बुराई के लिए अनंत स्वर्ग पर हमला करना चुनते हैं जो दुनिया में पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो मैं असहमत होने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। इस समय एक प्रभावशाली और उससे भी अधिक डराने वाली आवाज गूंजी। अनंत स्वर्ग ने दुनिया की सबसे बड़ी आपदा को मिटाने का अपना वादा तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है, लेकिन इससे उनका बलिदान और अधिक सम्मानजनक हो गया है। इस शख्स की बातों से हर किसी का दिल दहल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आवाज का मालिक खुद ड्रैगन मोनार्क था। यूचे, ड्रैगन मोनार्क ने यूचे की ओर देखा और कहा, असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु पहिया एक परम बुराई है जिसने एक बार देवताओं और शैतानों को भी विलुप्त कर दिया था, और यह निश्चित रूप से वर्तमान दुनिया की नियंत्रण करने की क्षमता से परे है। उसका अस्तित्व ही एक असीम खतरनाक टाइम बम है जो किसी भी क्षण भीषणतम आपदा में बदल सकता है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि जब तक दुष्ट शिशु इस दुनिया में रहेगा तब तक ऐसा कभी नहीं होगा, भले ही हम मान लें कि स्वर्गीय वध सितारा भगवान नियंत्रण में है। देवताओं के युग का विनाश अपने आप में एक चेतावनी है जिसे हमारे पूर्ववर्तियों ने खून में सना हुआ छोड़ दिया था। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने सिर्फ दुष्ट शिशु को ही नहीं मारा, उसने इस दुनिया की सबसे बड़ी आपदा को भी मिटा दिया। मेरे लिए उनका अत्यंत सम्मान है और उनके कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पहले तो दुष्ट शिशु का समर्थन करना आपके लिए गलत था, लेकिन अब आप उसके लिए अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की हत्या भी करना चाहते हैं। कैसे निराशाजनक है। स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट और दुष्ट शिशु के चले जाने के बाद ड्रैगन सम्राट एक बार फिर दुनिया का सर्वोच्च शासक बन गया था। उनके शब्द विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। एक अजीब सा माहौल फैल रहा था जहां कुछ देर पहले ही लाल रंग की दरार गायब हो गई थी। ज़िया क्विंग्यू ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए चुपचाप आह भरी। यू चे का सबसे बड़ा समर्थन कभी भी उनका मसीहा का दर्जा नहीं था, बल्कि स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट, दुष्ट शिशु, वह और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट थे। यहाँ तक कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के चले जाने के बाद भी यूनचे को अभी भी मुकुटहीन राजा होना चाहिए था, जिसे दुष्ट शिशु के कारण अपमानित करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। हालांकि एक ऐसे मोह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी जिसके परिणाम स्वरूप न केवल स्वर्ग में शैतान सम्राट का शाश्वत प्रस्थान हुआ, बल्कि प्रारंभिक अराजकता से दुष्ट शिशु का निर्वासन भी हुआ। यहां तक कि यूचे का सबसे करीबी सहयोगी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट भी उस व्यक्ति में बदल गया था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। यूचे ने जवाब में ठंडे और दुखी ढंग से हंसते हुए कहा, जब मैंने जैस्मीन की ओर से निचले लोकों में हमेशा के लिए रहने का वादा किया था, तो आप में से किसी ने मुझ पर दुष्ट शिशु के साथ मिलीभगत का आरोप क्यों नहीं लगाया? ये सच है कि वह अपने भीतर असंख्य कष्टों का दुष्ट शिशु चक्र लेकर चल रही है, लेकिन ये भी सच है कि जिस पूर्ण बुराई के बारे में आपने बात की थी उसने आपको बचाया है। आप सभी, इसके अलावा उसने और कौन से अक्षम्य पाप किए हैं? उसने और कौन सी अपरिवर्तनीय आपदाएं पैदा की है? ड्रैगन मोनार्क की निगाहें अविश्वसनीय रूप से उदासीन थी। उसने यूचे से दूर देखा, उसका प्रभावशाली चेहरा बेहद निराशा से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे आप बुराई के इस रास्ते पर चल पड़े हैं। केवल आपके द्वारा अनंत स्वर्ग के ईश्वर सम्राट को अपमानित करना पहले से ही एक अक्षम्य अपराध था, लेकिन चूंकि आपने दुनिया को बचाया इसलिए मैं आपको एक मौका देता हूँ। मैं आपको अभी लोगों की इच्छा दिखाऊंगा और उन्हें आपको बताने दूंगा कि आप सही हैं या गलत। सब लोग, ड्रैगन मोनार्क की आवाज भारी और मन को झकझोर देने वाली थी। जो लोग सोचते हैं कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को मरना चाहिए और दुष्ट शिशु को नहीं मरना चाहिए, कृपया यूचे के पक्ष में खड़े हो। जो लोग सोचते हैं कि दुष्ट शिशु को मरना चाहिए और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को नहीं मरना चाहिए, कृपया शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के पक्ष में खड़े हो। आप अपनी इच्छानुसार चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हा 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 हा, ड्रैगन मोनार्क के बोलने के तुरंत बाद एक हल्की हंसी आई।
किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्य सभी की शांति और सुरक्षा के लिए? क्या ये भी कोई प्रश्न है? दक्षिणी सागर देवता सम्राट ऊपर चला गया और बिना किसी जल्दबाजी के ड्रैगन मोनार्क और कियाने फेंटियन के बीच रुक गया। उसने सबसे पहले यूनचे पर एक नजर डाली, फिर कियाने यंग रा पर जो उससे बहुत पीछे नहीं था, फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। ये सच है कि आपने दुनिया को बचाया है, अन्यथा आप जैसा निचले स्तर का कनिष्ठ कभी भी हमारे साथ बात करने के योग्य नहीं होता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप भगवान बाल मसीहा हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें वह कर सकते हैं। यूनचे गॉड चाइल्ड यून, दक्षिणी सागर गॉड सम्राट मुस्कुराता हुआ लग रहा था। यह मत भूलो कि केवल हम ही हैं जो जानते हैं कि आप इस समय गॉड चाइल्ड मसीहा है। यदि तुम मूर्खता के मार्ग पर चलने पर अड़े रहोगे तो शायद तुम वह उपाधि भी न रख पाओगे। अंतरिक्ष बिल्कुल शांत हो गया और हर किसी की अभिव्यक्ति बदलती रही। माहौल बिल्कुल बदल गया था। यह उस क्षण बदल गया था जब कियाने फेंटियन यूचे के खिलाफ बोलने के लिए आगे बढ़े थे। कियाने फेंटियन सबसे शक्तिशाली देव सम्राट और पूर्वी दैवीय क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी थे। नान वानशेंग सबसे शक्तिशाली देव सम्राट और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी थे। जहां तक ड्रैगन मोनार्क की बात है, वह पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देव सम्राट और संपूर्ण विश्व का सर्वोच्च शासक दोनों था। वह संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी थे। तीन दिव्य क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकार वाले सभी तीन लोग एक साथ आए थे और यूचे के विपरीत दिशा में खड़े थे। इस बिंदु पर सभी ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। यूचे ही वह कारण था जिसके कारण हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने स्वेच्छा से प्रारंभिक अराजकता को छोड़ दिया था और यहां तक कि अपने साथी रिश्तेदारों को भी लौटने से रोक दिया था। वह वही व्यक्ति था जिसने दुष्ट शिशु की ओर से कभी भी ईश्वर क्षेत्र पर हमला नहीं करने का वादा किया था और उनका डर दूर किया था। वह निस्संदेह ईश्वर बाल मसीहा और पूर्वी दिव्य क्षेत्र का गौरव था। वास्तव में इनमें से अधिकांश राजा तहे दिल से उसके प्रति आभारी और खुश थे। जहां तक स्वयं देव सम्राटों की बात है, अभी तक उन्होंने हमेशा उसके साथ सम्मानपूर्वक और विनम्र व्यवहार किया था। कोई यह भी कह सकता है कि उन्होंने यूचे से ऐसे बात की थी जैसे वह उनका समकक्ष हो। इसमें ड्रैगन मोनार्क, कियाने फेंटियन और नान वानशेंग शामिल थे। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट के पास विशेष रूप से यूचे के लिए प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था, या कम से कम 15 मिनट पहले तक यही स्थिति थी। लेकिन जी युआन के चले जाने के बाद और दुष्ट शिशु पर अनंत स्वर के देवता सम्राट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदल गया था। वास्तव में यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि यह लगभग अप्राकृतिक था। दुष्ट शिशु के चले जाने के बाद यूनचे अब देव सम्राटों के लिए पहले की तरह भयभीत करने वाला नहीं रह गया था। वास्तव में किसी को भी वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ कि ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने यूनचे पर हमला करने के लिए इस क्षण को चुना था। ब्रह्मा सम्राट देवी की दास्ता हाल के वर्षों में ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे अपमानजनक बात थी। यूनचे के खिलाफ हमले में शामिल होने का दक्षिणी सागर देवता सम्राट का निर्णय भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार हर कोई जानता था कि वह ब्रह्मा सम्राट देवी के प्रति पागलपन की हद तक आसक्त था और वे आसानी से उसे घृणा और ईर्ष्या से कुछ भी करते हुए देख सकते थे। लेकिन ड्रैगन मोनार्क के साथ क्या गलत था? यहाँ कोई भी मूर्ख नहीं था। हर कोई देख सकता था कि वह सिर्फ शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का बचाव नहीं कर रहा था। दुष्ट शिशु की मृत्यु पूरी दुनिया में शांति लाती है। पवित्र ईव्स दायरे के राजा खड़े हुए और कियाने फेंटियन के शब्दों को जोर से दोहराया, मैं ये देखने में असफल रहा कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कैसे कुछ गलत किया है। यूचे, तुम्हारी बदतमीजी बहुत आगे बढ़ गई है। ये सही है, एक अन्य राज्य का राजा उसके ठीक पीछे चला गया और अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के बगल में भी खड़ा हो गया। आप दुष्ट शिशु जैसी बुराई के लिए पूरी दुनिया के सबसे सम्मानित व्यक्ति को कैसे मारना चाह सकते हैं? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने दुनिया के सबसे बड़े खतरे को मिटाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और अखंडता को खतरे में डाल दिया था। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा भले ही आप भगवान बाल मसीहा हो। एक तीसरे राज्य का राजा तेजी से उनके पीछे आया। तीनों देव सम्राटों ने अपने निर्णय से सभी का रुख काफी हद तक तय कर दिया था। बाकी देव सम्राटों और महान साम्राज्य के राजाओं ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। उनमें से कम आधे यूनचे को उसके अपराध के लिए डांट रहे थे और कुछ तो गुस्से में उसकी ओर देख भी रहे थे। इससे पहले कि किसी को इसका एहसास हो, ईश्वर बाल मसीहा के प्रति उनका पूर्व उत्साह और कृतज्ञता पूरी तरह से गायब हो गई थी। शेष ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन अंततः उन्होंने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और पूरी दुनिया के तीन सबसे मजबूत भगवान सम्राटों के साथ खड़े होने का फैसला किया।
चलो चलें, किलिन सम्राट ने ब्लू ड्रैगन सम्राट से कहा। वह समझ गया कि ब्लू ड्रैगन सम्राट अस्वस्थ महसूस कर रहा था। जब ब्लू ड्रैगन सम्राट नहीं हिला तो किलिन सम्राट ने कहा, इसका सही या गलत से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पसंद हमारे राजा क्षेत्रों की भलाई से भी जुड़ी है। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने अंततः एक हल्की सी आह भरी और किलिन सम्राट के पीछे पीछे ड्रैगन सम्राट की ओर चला गया। ऐसे जूनियर का समर्थन कौन करेगा जो अपना सारा समर्थन खो चुका है और तीन सबसे मजबूत देव सम्राटों के विपरीत पक्ष में खड़ा है। भगवान बाल मसीहा। जब शैतान सम्राट अभी भी प्रारंभिक अराजकता में था और शैतान देवता किसी भी क्षण लौट सकते थे, यूचेन निर्विवाद रूप से भगवान बाल मसीहा थे जिन पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थी। उस समय यूचे के शब्द उनके लिए आदेश थे क्योंकि वह उनके भाग्य को बदलने की शक्ति थी। शैतान सम्राट के चले जाने के बाद भी दुष्ट शिशु अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे भयानक शक्ति थी। कोई भी उसे यूचे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा या दुनिया को बचाने में उसकी भूमिका पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अब संकट हल हो गया था और सच्चाई सामने आने से पहले एक दुर्घटना के कारण दुष्ट शिशु को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकाल दिया गया था। इसका मतलब था कि यूचे अब अपने भाग्य या यहाँ तक कि अपनी खूबियों के प्रभारी नहीं थे। यह सब अब सबसे मजबूत शक्ति और सर्वोच्च प्राधिकार वाले लोगों के हाथों में था। यूचे अब किसी की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता था। लेकिन यूचे के विपरीत तीन सबसे मजबूत देव सम्राट हो सकते थे। इस बिंदु से आगे बुनियादी मानव स्वभाव खेल में सर्वोच्च कारक था, न कि उसकी योग्यताएं। जिया क्विंग्यू को छोड़कर सभी को शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के पक्ष में खड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक भी व्यक्ति ने यूचे का समर्थन करने का फैसला नहीं किया था। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट के पक्ष में खड़े कई लोगों ने अपने मुंह में व्यंग्य की गहरी भावना का स्वाद चखा। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट स्वयं भारी आहें भरते हुए अपने चेहरे पर एक जटिल भाव धारण कर रहे थे। क्या आप अब देखते हैं? ड्रैगन मोनार्क ने शांत भाव से कहा। उसकी कठोर आंखें यूचे की ओर देख रही थी जैसे वह एक दयनीय चींटी को देख रहा हो। बस एक क्षण पहले ये दयनीय चींटी भगवान का बच्चा मसीहा थी जिसकी सभी ने प्रशंसा की थी। शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों ने स्पष्ट रूप से ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वे अविश्वसनीय रूप से हतप्रभ भी दिख रहे थे। आपको शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से माफी मांगनी चाहिए, कियानए फेंटियन ने उदासीनता से कहा। उनके शब्द स्वर्ग से आए आदेश की तरह लग रहे थे। यूचे के चेहरे पर एक बर्फीली तिरस्कार पूर्ण मुस्कान दिखाई दी। यह इतना चुभने वाला था कि कई लोगों ने उससे नजरें फेर ली थी। मुझे बताओ, वह कौन है जिसने तुम्हें नुकसान से बचाया? क्या यह मैं और जैस्मीन थे या वह बूढ़ा कुत्ता इटर्नल हेवन? किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। आप सभी दावा करते हैं कि जैस्मीन परम दुष्ट है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने कौन सी बुराई की है? हाँ, उसने कुछ साल पहले चंद्रदेव सम्राट की हत्या कर दी थी। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि चंद्रदेव सम्राट ने ही सबसे पहले उसकी माँ की हत्या की थी। यहाँ तक कि उसने दुष्ट शिशु को अपने अंदर लेने का कारण भी उसे उन लोगों के हाथों में पड़ने से रोकना था जो इस दुनिया को नष्ट कर देंगे। इस तथाकथित अंतिम बुराई ने ही आपकी जान बचाई है, आपके लोग और आपके पोते पोतियां। इस दुनिया में हर कोई उसकी जान का ऋणी है, लेकिन वहां उस बूढ़े कुत्ते इटर्नल हेवन ने आपके उद्धारकर्ता को सबसे घृणित तरीके से मार डाला और यहां आप उसे संत कह रहे हैं। आप अंधे और कृतघ्न हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपना जमीर और शर्म भी कुत्तों को खिला सकते हैं? यूचे, जिया क्विंग्यू ने किसी के बोलने से पहले ही बात की और यूचे के ठीक बगल में आ गई। उसने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप इस समय बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, पहले मेरे साथ आओ और जब तुम शांत हो जाओगे तो हम इस पर सोचेंगे, ठीक है? लेकिन यूचे ने अपना हाथ दूर फेंक दिया क्योंकि उसके सामने के लोग धुंधले होते जा रहे थे। उसकी आवाज अचानक शैतान को कोसते हुए इतनी गहरी हो गई, तुम सब मरने के लायक हो। शांत हो जाए। वह कैसे शांत हो सकता था? वह संभवतः खुद को कैसे शांत होने दे सकता था? ऐसे बहुत से लोग थे जो यूचे की अत्यधिक तर्क शक्ति की हानि और दुष्ट शिशु की हानि पर क्रोध से आश्चर्यचकित या भ्रमित थे। हालांकि यह सच था कि दुष्ट शिशु ने उन्हें बचाया था, यूचे के स्पष्ट पागलपन का उनके लिए कोई मतलब नहीं था। उनकी राय में ये तथ्य कि दुष्ट शिशु ने उन्हें बचाया था इस तथ्य को नहीं बदला कि वह अभी भी दुनिया में सबसे दुष्ट और असहनीय अस्तित्व थी। उन्हें दुष्ट शिशु के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। वे नहीं जानते थे कि जैस्मीन वह आखिरी चीज थी जिसे वह अपने जीवन में खो सकता था, उसका बिल्कुल उलट पैमाना। वो अविस्मरणीय दिन जब वे दिन रात एक दूसरे से चिपके रहते थे।
वो बिछड़ते हुए ऐसा लगा मानो उनके दिल टूट रहे हो। उन दिनों उसने उसे लगातार खोजा, हानि का दर्द और निराशा, जो खो गया उसे वापस पाने की खुशी, उसके आलिंगन की गर्माहट, ब्लू पोल स्टार के एक साथ लौटने की प्रत्याशा। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? यदि वह वास्तव में दुष्ट शिशु द्वारा नियंत्रित की गई होती, यदि उसने वास्तव में एक अक्षम्य पाप किया होता, उसे दुख होता, लेकिन जो आवश्यक था उसे करने के लिए वह किसी से नफरत नहीं करता। लेकिन वह कोई शैतान नहीं थी, उसने कुछ देर पहले ही उन सभी की जान बचाई थी। उसने पूरी दुनिया को जी युआन से भी बचाया था, लेकिन जैसे ही जी युआन चला गया, उन्होंने तुरंत जैस्मीन के हत्यारे का समर्थन करना चुना। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, गुलाम यंग बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। शांत हो जाओ, शांत रहने से खाई में गिरकर मौत हो सकती है। उसके पास जो कुछ बचा था वह था क्रोध और घृणा। मार डालो उन्हें, उन सबको मार डालो। किया ना ये यंग रह ने उनके आदेश का पालन किया और अपनी कमर के चारों ओर सुनहरे धागों से बनी नर्म तलवार पकड़ ली। फिर उसने एक व्यापक चाप बनाया और ऊर्जा का एक विस्फोट सामने की ओर भेजा। जिया क्विंग्यू ने गुस्से में आकर यूचे के सामने जल्दबाजी में एक अवरोध खड़ा कर दिया। ब्रह्मा सम्राट देवी की शक्ति भयानक थी, लेकिन लॉन्ग बाय किया ने फैंटियन और नानवानशिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और बाहर की ओर धकेला। बूम, ये तीनों अपने अपने दिव्य क्षेत्रों के सबसे मजबूत देव सम्राट थे। पूरी दुनिया में तीन सबसे मजबूत गहन अभ्यासकर्ता थे। सुनहरी रोशनी पूरी तरह से बिखर गई और किया ने यंग एक पल के लिए हवा में ही स्थिर हो गई, इससे पहले कि उसे कम से कम 50 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। जवाबी हमले की बची हुई ऊर्जा ने जिया क्विंग्यू द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई बाधा को टुकड़ों में तोड़ने से पहले हिला दिया। यून चे ने तुरंत अपनी कराह रोक ली क्योंकि वह अपने घुटनों पर गिर गया और खून की उल्टी करने लगा। हर बूंद ऐसी महसूस हो रही थी मानो उसमें बर्फ जमी हो। हालांकि उसकी आंखों में नफरत और अधिक अराजक और क्रूर हो गई। गॉड चाइल्ड यून, ऐसा लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो, किया ने फैंटियन ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा। आप हमें उस बुराई के लिए मारना चाहते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। क्या मजाक है यूचे, इस बार ये दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट था। गॉड चाइल्ड यून सिर्फ एक शीर्षक है, एक एहसान जो हम आपके कार्यों की प्रशंसा में देते हैं। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि आप भगवान की संतान हैं? आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं जब तक कि वे पूरी तरह से धुंधली नहीं हो गईं। उसकी दृष्टि को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर अंधेरे की एक परत छाई हुई है जो और अधिक मोटी होती जा रही है। हालांकि इस बार उसे दूर करने या भागने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जी युआन के साथ उनकी पिछली बातचीत अचानक उनके दिमाग में घूम गई। मुझे जवाब दो यूचे, क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया मेरे बलिदान के लायक है? मेरा मानना है कि यह इसके लायक है। उस समय उनका उत्तर बहुत दृढ़ और अटल था। वर्तमान प्रारंभिक अराजकता निस्संदेह पुरानी दुनिया की तुलना में नीच और कमजोर है। इसने देवताओं और शैतानों के निधन के बाद से अपने स्वयं के स्थिर कानून और जीवित रहने के परिपक्व नियम, स्थिर विमान और दुनिया भी विकसित की है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि इस दुनिया में कई घृणित और अंधेरे कोने हैं और कुछ एक व्यक्ति को निराशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अंततः मेरा मानना है कि इस दुनिया में अच्छाई अंततः बुरे पर भारी पड़ती है। अगर और कुछ नहीं तो मेरा मानना है कि मुझे जो कुछ भी सुरक्षित रखना है वह इसके लायक है। जिस आशा भरी दुनिया की आप बात करते हैं, अगर ये दुनिया उससे कभी नहीं भटकती तो ये कभी जाग नहीं पाती। लेकिन अगर एक दिन आप इस दुनिया के प्रति पूरी तरह से निराशा और नफरत से भर जाते हैं तो इसका विपरीत होगा। उस समय जी युआन ने उसमें अंधकार का बीज बोया था। वह नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन उसे अपना उत्तर अभी भी कल की तरह स्पष्ट रूप से याद है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजें खोई हैं, लेकिन अंत में मैंने हमेशा उन सभी को पुनः प्राप्त कर लिया। मैंने निराशा के कई क्षणों का अनुभव किया है, लेकिन सुरंग के अंत में हमेशा एक रोशनी होती थी। मुझे भी अनगिनत द्वेष मिले हैं, लेकिन बार बार मेरी जिंदगी ने मुझे बताया है कि इस दुनिया में हमेशा द्वेष से ज्यादा अच्छाई थी। इस दुनिया के शीर्ष पर बैठे लोग भी एक स्थिर व्यवस्था की कामना करते हैं। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र विशेष रूप से एक ऐसी दुनिया है जो सभी प्रारंभिक अराजकता की शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वर्जित और बुराई को दंडित करने का प्रयास करती है। इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मुझे यकीन है कि आप इस निर्णय पर पहुंचे हैं क्योंकि आपका भी यही मानना था सीनियर। यून चे अचानक हंसे। उसकी हंसी पागलपन भरी, हृदय विदारक, दुखद और निराशा से भरी लग रही थी।
दुनिया में अचानक अंधेरा छा गया क्योंकि एक भयानक दमनकारी दबाव ने बिना किसी चेतावनी के सभी को घेर लिया। हर कोई गहराई से डूब गया और स्रोत की तलाश करने का प्रयास करने लगा, जब उनके शिष्य अचानक सिकुड़ते हुए एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गए। इससे पहले कि किसी को इसका एहसास हो, युन चे की छाती के सामने एक काली गहरी संरचना उभर आई थी। ये चुपचाप चमका, लेकिन इसने युन चे के अंदर की गहरी गहरी ऊर्जा को एक जागृत शैतान देवता की तरह उभार दिया। ये हिंसक रूप से और अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर फैल गया। युन चे के बाल फैल गए और उसकी पुतलियों को तब तक रंगते रहे जब तक कि वे अथाह खाई की तरह काले नहीं हो गए। युन चे के चारों ओर काली शक्ति के रेंगने के दृश्य ने सभी की आंखों में दर्दनाक चुभन पैदा कर दी। अंधेरा, गहन ऊर्जा,